जसियल सिंह श्रवण हमारे किशोर सर, आज 15वां दंगल। मैं तो दोस्तों केवल समाप्ति करने के साथ खड़ा हुआ हूँ, किशोर सर कराएंगे। दुनिया में दो तरह कहावते होते हैं किशोर, जो लोग मार्केटिंग करते हैं, जो लोग एक तरह बावड़ा बनाते हैं ना, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। भाई क्या फर्क पड़ता है एक दूसरे इंप्रेशन से? हम तो गांव में एक पास की क्या है, अंत वाला सब वाला। तो आज अंत बड़ा बना हो रहा है, बिल्कुल 6 मई से टेस्ट काउंट लेना किशोर सर, 12 बायो डीटीएस, 9 डीटीएस केमिस्ट्री के, 12 टेस्ट इको के, 48 डीसीएम के डेली टेस्ट है, 8 वहां मेजर टेस्ट और 15 दंगल है। कितने टेस्ट आपको करवा दिए हैं विथ वीडियो सॉल्यूशन को, इसलिए अंत भला सब भला। आज 8 सितंबर को आज वीडियो देख रहे हैं। एक मैं बात करना चाहूं बेटा, अभी 9, 10, 11, 12 चार दिन रोज सुबह हम लोग 9 बजे घर पे हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। तो जो भी गार्जियंस हैं, बच्चे हैं, जो डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं, कुछ जैसा भी हो, जिसको नीट 21 का एग्जाम देना है, वो 9 बजे 10 मिनट मेरे साथ रहे, ताकि एक वातावरण पॉजिटिव हो, एक सुखद वातावरण हो। तो आज आप 15वां मेजर दंगल का आप सूरज कराने जा रहे हैं, क्यों? बिल्कुल। और 12 तारीख को वही है, शाम 6:30 बजे हम ऑनलाइन शुरू कर देंगे। 8, 8:30, 9 बजे आते हैं, बच्चे चेक कर लेंगे, और उधर 8 क्या 7 बजे गाड़ी सामने आ जाएगी। और उम्मीद रखता हूँ सारे मेरे बच्चों से अच्छा करके आओगे, बढ़िया करके आओगे, और नंबर जोड़ते तुरंत मेरे नंबर पे, मेरे मोबाइल नंबर पे अपना नाम, सीएलसी का रोल नंबर, अपना जो जोड़ ऐड हुआ नंबर जुड़े हैं, उन सब का एक व्हाट्सएप कर देना। आप इंतजार में 12 सितंबर की शाम आपको मिलेंगे, उसके पहले आप सुबह ठीक 9 बजे मेरे साथ पूजा में आए, ताकि पढ़ाई तो हमने की है, अब तो हम पॉजिटिव भी रहे, ठीक है? किशोर सर आप स्टार्ट करें, 15वां दंगल, अंत भला सब भला। थैंक यू, जय सीएलसी। तो शुरू करते हैं दंगल 15। एक शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन, जिसमें मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि कई क्वेश्चन या उनके कॉन्सेप्ट आपके नीट में जरूर पूछ जाएंगे। करें शुरू। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि वी अपने पास इतना है, आई हमारे पास इतना है, तो आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, तो आर में हमको निकालनी है एरर। तो आप जानते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस किस रूप में है, ये आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड प्रोसेस में है, तो इसमें हम लोग पहले निकालते क्या है, फ्रैक्शनल एरर। तो सीधी सी बात है, इसको चेक करेंगे तो देखो यहीं से अपन देखें इसको, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये इसका परसेंटेज चेंज है, जिसमें ये होगा कितना, डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा वी हमारे पास है 5 अपॉन 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई 0.2 अपॉन 10, और इसको हम लोग करें किससे, 100 से मल्टीप्लाई। ये परसेंटेज एरर है इसका, रेजिस्टेंस का। अब अगर मैं 100 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये देखो इससे कैंसिल, इससे इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया आपका 10 into 0.2 कितना 2, और ये होगा 5 plus 2 कितना 7%, तो 7% का इसमें हो जाएगा एरर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है कि एक बॉडी है जो रेस्ट में है, उसका मास कितना 10 केजी का है, उस पर अपने 4 न्यूटन और 3 न्यूटन दो बल लगा दिए, बल कैसे आपस में कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, जब 3 न्यूटन और 4 न्यूटन आपस में 90 पे होंगे तो इनका नेट फोर्स कितना हो गया 5 न्यूटन। अब 5 upon 10 इसका हो गया आपका एक्सेलरेशन कितना 0.5 meter per second square, समझे? और हमसे पूछा क्या इसमें कि आफ्टर 10 सेकंड इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया ½mv², तो हमें इसमें आफ्टर 10 सेकंड क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए। तो आप देखें यहां ए इसका कांस्टेंट है, ए हमको मिल गया, नहीं ए अगर कांस्टेंट हो तो अपन निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टी इक्वल टू 10 सेकंड, तो टी इक्वल टू 10 सेकंड पे इसका वी हमारे पास कितना होगा u + at, ए कांस्टेंट होने पर इनको अपन अप्लाई कर सकते हैं, यू हमारे पास लिखा है साफ-साफ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 0 प्लस ए हमारे पास है कितना 0.5 इंटू टी हमारे पास 10 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गया 5 meter per second, ठीक है जी। अब आपको निकालनी काइनेटिक एनर्जी, जो होता है कितना है ½m into v², तो ½ into m हमारे पास कितना है, m है 10 kg और v हमने अभी निकाला है 5, इसका स्क्वायर कितना हुआ 25, इसको ओपन कर दें कैंसिल, तो 5 into 25 कितना हुआ 125 जूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है कि ये हमारे पास कोई पाइप है जिसको इस तरह से अपने अरेंज कर रखा है और एक
इनकम्प्रेसिबल एक एसएमपीडी लिक्विड हमने यहां भरा है, तो आप देखो यहां से लिक्विड इसमें एंटर कर रहा है और यहां से दो से बाहर निकल रहा है, तो जो यहां पर सेकंड जो वॉल्यूम, पर सेकंड जितना वॉल्यूम इसमें एंटर करेगा उतना यहां से बाहर निकलेगा। तो आप सिंपल जो किरचॉफ लॉ है उसके अकॉर्डिंग केवल पर सेकंड जो वॉल्यूम एंटर करता है उसको हम इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर कर सकते हैं। तो इस वाले में आपको मालूम है जो होते हैं ना कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसके अकॉर्डिंग होता है क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी जो आपके पास डेल्टा वी अपॉन टी होता है वो था ए इनटू बी, ध्यान है क्या आपको डेल्टा वी अपॉन टी, यहां डेल्टा वी है वॉल्यूम और ये होता है ए इनटू स्मॉल वी, यहां पे क्रॉस सेक्शन होता है, वी इसकी स्पीड लिक्विड की स्पीड होती है। तो यहां ये सब क्या कांस्टेंट रहेगा, जितना इसमें एंटर होगा तो अपन इसको कैसे करते हैं ए1 वी1 बराबर, इसको 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको मैं 3 मान लेता हूं, तो ऐसे केस में a1 v1 इक्वल टू कौन सा, इसका हो जाएगा आपका a2 v2 प्लस हो जाएगा आपका a3 और v3, और इस वैल्यू पुट करेंगे प्रॉपर, ध्यान दें इसमें a है ये 3 है, तो 3a इक्वल टू 1.5 इनटू ये a और ये 1.5 a इनटू v, इसको सॉल्व करने में हमारे पास इसका आंसर है वो 1 आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स है, कोई इशू नहीं है, आराम से वैल्यू पुट कर दो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसमें है कि हमको पूछा a और b के बीच का रेजिस्टेंस, अगर a और b का रेजिस्टेंस अपन निकालेंगे यहां पर, तो देखो ये पॉइंट आपका a है, इसको नंबरिंग कर दूंगा 1 और जहां जंक्शन इसको ओपन करते हैं नंबरिंग कितना 2 ये मान लो 3 और ये हो गया हमारे पास 4, हमको निकालना है a और b के बीच का रेजिस्टेंस, तो a को हम ले लें पहले, a से रेजिस्टेंस है उसको अपन लगा दें स्मॉल r को ये लो साहब, और उसके बाद देखो यहां 1.1 जो है 1 पॉइंट आ गया ठीक है, और b जो पॉइंट है उसको अपन देख मैं यहां इसको b बना देता हूं, अब b तो कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, इससे b 2 से भी है 2 और ये 3 और ये 4, 2 से भी है 3 से भी है और 4 से, तो b से कनेक्टेड पॉइंट कौन-कौन से हैं देख लो आप, 2 भी है 3 भी और 4, इन सबको अपन साथ बना दें। उसके पश्चात आप देखो ये स्मॉल कहां पर है, 2 और 1 के बीच में, यहां 2 और 1 के बीच में रेजिस्टेंस लगा दो, ये स्मॉल कहां पे है 1 और 3 के बीच में, ये 1 और 3 के बीच में लगा दीजिएगा, और फिर 1 / 4 इसमें लगा दो, ये हमारे पास स्मॉल r और स्मॉल r, ये हुए r / 3 और ये स्मॉल r, तो r plus r / 3 इनको अपन जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 4r / 3, यानी सेकंड इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में हमारे पास है कि ये ग्राउंडेड कर रखा है ना, तो 0 वोल्ट प्लस से माइनस, तो माइनस की तरफ जाने वोल्टेज ड्रॉप कितना 1 वोल्ट से, तो यहां हो गया आपका माइनस का 1 वोल्ट, माइनस का 1 वोल्ट, माइनस का 1 वोल्ट हो गया, इस तरफ देखने दीजिए 0 वोल्ट हो गया, प्लस से माइनस वापस वोल्टेज ड्रॉप हो गया कितना 3 वोल्ट, तो यहां इस पॉइंट पे वोल्टेज है माइनस का 3 वोल्ट। अब देखो ये हमारे पास पीएन जंक्शन है आइडियल, इस पे कोई ड्रॉप नहीं होनी और इसका रेजिस्टेंस कितना 0 मानते हैं आइडियल केस में, इस पे कोई वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होनी, इसका रेजिस्टेंस कितना पास 0 है, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है ना इसके बीच अपन निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक बात और देख लो पहले, यहां है माइनस का 1, ये कितना माइनस का 3, ये वोल्टेज कैसा हाई वोल्टेज लो, तो इसका पी भाग है हाई वोल्टेज, पी भाग हाई वोल्टेज और एन कैसा लो वोल्टेज, इसका मतलब बायसिंग कौन सी है फॉरवर्ड, तो करंट फ्लो करेगी। अब इसके बाद हम देखें करंट कितना होगा, इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना है माइनस 1 इनटू माइनस, जैसे इसका अपन निकालते हैं आई आर हम निकालेंगे, तो वी आर अपॉन क्या करेंगे आर, तो वी आर है कितना माइनस का 1 इनटू माइनस और माइनस का 3 अपॉन कितना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 100, तो माइनस से प्लस हो गया नहीं, तो प्लस के 3 में से एक अपन माइनस कर दें तो 2 बटा हो गया 100 अपॉन 100 और ये हो गया 0.02, या अगर मैं इसको कर दूं यहां पे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दूं ये बनेगा 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3, तो 20 * 10 की पावर माइनस का 3 यानी 20 मिली एंपियर इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये थर्ड इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है नेक्स्ट देखो ये आपको दे रखे हैं लॉजिक गेट का एक अच्छा प्रश्न है, लॉजिक गेट का बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लास्ट स्टेज में अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप बिल्कुल इसकी जो बूलियन अलजेब्रा है उसको ठीक से ऑपरेट करते हुए आंसर निकाल पाएंगे। ध्यान दें जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है एक्स, ये नॉट गेट है, तो इसका आउटपुट क्या है एक्स बार, ये एक्स बार इसमें इनपुट होगा ठीक है, ये वाई से ओनली वाई है तो वाई इसका इनपुट हो जाएगा, ये है और गेट, इसका मतलब यहां आपको जो आउट मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है वो एक्स बार प्लस वाई बार, सॉरी वाई एक्स बार इसमें इनपुट है वाई इनपुट है तो एक्स बार प्लस वाई आ गया। फिर देखो एक्स तो वापिस एक्स के रूप में आएगा नहीं, हाँ
पर ये वाई यहां पे है, पर ये नॉट गेट आ गया, तो इसमें हमारे पास कितना है वाई बार ओके। अब देखो ये कौन सा एंड प्लस नॉट है, तो ये सबसे पहले इसमें एंडिंग प्रोसेस करनी है। एंडिंग का मतलब हो गया एक्स वाई बार, ये इसमें इनपुट है। अब यहां जो आउटपुट आपको मिलेगा वो नोट के साथ मिलेगा, तो इसका अपन नोटिंग कर ले, इसी का अपन नोटिंग कर रहे। यहां आपको क्या मिल रहा है, तो एक्स वाई बार का डबल बार, और इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो डॉट को हम कर दें यहां पे प्लस। देखो ये एक्स है, बार को तोड़ दिया मैंने तो एक्स बार आ गया, ये है वाई, ये पहले से बार था, एक बार इसको और आ गया तो डॉट का हो गया यहां पे प्लस, और डबल बार जिसका भी होता है वो वापस उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया देखो हमारे पास एक्स बार प्लस वाई, तो ये भी एक्स बार प्लस वाई है, ये भी एक्स बार प्लस वाई है। अब देखो पहले तो और प्लस नोर है ना, तो और में जैसे मान लो इसको मैं ए मान लू, इसको ए मान लू, तो ए और ए इनपुट में गए, तो ए और ए तो ए होता है, इसलिए इसके इनपुट और इसके इनपुट होने से जो आपको दोनों के सेम होने के कारण सेम प्रोसेस में चाहे और गेट हो चाहे एंड गेट हो, आप ए डॉट ए भी ए लेते हैं और ए प्लस ए भी क्या लेते हैं, ए लेते हैं, तो दोनों के सेम होने से यहां इंटर होने के बाद इससे जो आपको आउटपुट मिला है वो तो आपको मिला है एक्स बार प्लस वाई, पर ये नॉट गेट और आ गया, तो नॉट गेट होने पे आर हमारे पास कितना है एक्स बार प्लस वाई का डबल बार। इसको ब्रेक करें तो एक्स बार का तो डबल बार हो गया, प्लस का हो गया डॉट, वाई हो गया बार, तो इससे आपको मिला एक्स डॉट वाई बार। अब ये कह रहा है कि R है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो R के 1 होने के लिए आपको मालूम है ये, अब देखो यहाँ पे 1 into 1 होने पर ही तो आएगा ना, तो X तो 1 होना चाहिए और Y का बार 1 होना चाहिए, तो Y पर कितना रखेंगे भाई, आपको इसमें Y बार है वो कितना 1 चाहिए, तो Y के 0 होने में पॉसिबल है ना, तो X तो होना चाहिए 1 और Y होना चाहिए आपका 0, X 1 Y 0, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखिए, एक हर्ट की शक्ति याद करनी हमको, जो कि 5×10³ cc रुधिर या ब्लड है उसको पर मिनट पंप कर रहा है, और इसका प्रेशर हमको दे रखा है इतना है, जी दे रखा है, और पारी की दे रखी है अपनी डेंसिटी, तो आपको मालूम है यहाँ जो पावर जो होती है पावर वो होता है क्या, रेट ऑफ ऑर्डर dW/dt, सही है। dW क्या होता है, प्रेशर इंटू PdV अपॉन dt, प्रेशर होता है रो gh इंटू dV/dt, पर ध्यान देना है dV यहां पर है वॉल्यूम, वॉल्यूम में जैसे किस तरह से हो रहा है वो है। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो रो है कितना, रो तो है मर्करी का है, तो कितना 13.6 इंटू 10³ इंटू जी हमारे पास एस आई सिस्टम में 9.8 है, और एच कितना है 120 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर है, 10^-3 कर दूंगा, 10^-3 10^-3 इंटू ये है कि पर सेकंड कितनी दर से वॉल्यूम है वो आपका पंप हो रहा है, तो 5×10³ प्रति मिनट है, पर सीसी में है, तो इसको क्या लिखे अपन, 5×10³ इंटू 10^-6 सीसी है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बदल लेंगे उसको मीटर क्यूब में, तो ये अपॉन मीटर है, तो इसको करने में 60 रखना। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरी को, सॉल्व करने पे आपका आंसर है वो फर्स्ट आ जाए, वैल्यू यहां कैसे पुट करनी है मैंने सारी पुट करके आपको बता दी है, इनको आप कर लेंगे ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन देखो ये है कि एक ग्रह ए पर गुरुत्वाकर्षण का मान बी के त्वरण के मान का 9 गुना है, यानी ए पे जो त्वरण है यानी जी ए जो है वो कितना है बी के त्वरण का 9 गुना है, जी बी का 9 टाइम्स फर्स्ट थिंग ठीक है। अब कह रहा है ए की सरफेस पर एक व्यक्ति 2 मीटर की ऊंचाई तक कूद पाता है, दो ग्रह है ए और बी, तो ए पे कूद सकता है 2 मीटर, ये एच ए है, तो बी पे कितना कूद सकता है वही व्यक्ति का मतलब उसका प्रयास वही होगा जिस वेग से वो छलांग लगा पाता है। तो अपन किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, फेंकने के बाद वो फ्री बॉडी हो गई, ऐसे ही अपन खुद जैसे किसी अपने प्रयास से ऊपर छलांग मारते हैं, छलांग मारने के पश्चात हम भी एक फ्री फॉल के रूप में काम करेंगे, फ्री बॉडी के रूप में काम करेंगे। तो जैसे अपन किसी वस्तु को जैसे ऊपर फेंकते हैं तो उसकी एच मैक्सिमम कितनी होती है आपको मालूम है, उसकी एच मैक्सिमम अपन देखें तो हमारे पास होता है एच
बराबर यू स्क्वायर अपॉन टू जी। अब यू तो कैसा कॉन्स्टेंट है, तो एच जो है वो समानुपाती किसके आ गई, वन अपॉन जी के। अब जी जहां ज्यादा होगा, अब जी कितना इसका नौ गुना है, ए पे नौ गुना है, ए पे अगर नौ गुना है तो जी जितना ज्यादा होता है हाइट उतनी कम होगी, और जितना कम होगा हाइट उतनी ज्यादा होगी। यहां जी भी जो है वो जी का नाइन टाइम्स है ना, तो आप इससे देख पाएंगे तो नौ गुना हो जाएगी इसकी हाइट। नौ गुना मतलब दो पहले थी तो नौ दो दो नाइन इंटू टू कितना 18 मीटर की हाइट हो जाएगी। तो वैसे इसको प्रॉपर वैसे आप देखेंगे तो एस बी अपॉन एस ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी ए बाई जी बी। अब जी ए कितना है 9 जी बी, और ये आपका जी बी, इसे कैंसिल 9, एच ए 2 मीटर है, 9 इंटू टू कितना आपका 18 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि तांबे गेंद को गर्म करते सर्वाधिक परसेंटेज वर्दी किसमें होती है। तो तांबे की जो गेंद है उसको अपन जब गर्म करेंगे, यहां आपको दे रखा है रेडियस में, व्यास में, क्षेत्रफल में, आयतन में, तो वर्दी अधिक किसमें होती है वो आपको निकालनी है। तो आपको एक तो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जैसे हमारे पास है वो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब है, एरिया पर निकालते हैं वो होता है आपका 4πr का स्क्वायर है, और इसका डायमीटर है वो समानुपाती कितना है रेडियस के है, और अपन निकालते हैं इसमें परसेंटेज है निकालते हैं या फ्रैक्शन चेंज निकालते हैं, तो डेल्टा वी अपॉन वी बाकी सब कॉन्स्टेंट है, तो ये आपका 3 डेल्टा आर अपॉन आर है। अब रेडियस का चेंज तो है ठीक है, पर वॉल्यूम तो उसका तीन गुना है, और ऐसे ही आर का स्क्वायर है, तो एरिया तो उसमें डबल आएगा और ये सिंगल टाइम में आएगा, तो रेडियस में और व्यास में तो सिंगल टाइम यानी डेल्टा आर अपॉन आर के रूप में आपका चेंज होना है, परंतु इसमें इसमें देखो आर की स्क्वायर डबल हो गया, और यहां कैसा है, यहां तो तीन गुना है, सबसे ज्यादा चेंज किसमें आ रहा है आपको साफ दिख रहा है वॉल्यूम में, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखो, एक फ्रिज का कार्य क्षेत्र गुणांक 5 है, कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर ये काम कर रहा है, तो फ्रिज के अंदर का ताप कितना होगा। तो जो फ्रिज हम लोग पढ़ते हैं, तो फ्रिज की जो मैकेनिज्म अगर आपने देखी होगी, तो जैसे मान लो इसको देख ले हम लोग, तो फ्रिज पे हम कोई मैकेनिकल वर्क करते हैं बाहर से, और उससे फिर हम सिंक जो होता है जिसका टेम्परेचर T2 होता है, उससे कुछ हीट निकाल करके उस हीट Q2 को हम क्या करते हैं W के साथ मिक्स करके और Q1 के रूप में T1 टेम्परेचर के कमरे को हम ट्रांसफर करते हैं, जिसको अपन कहते हैं सोर्स। तो ये सिंक है, ये सोर्स है, हमको यहाँ पे पूछा है कि कमरे के फ्रिज के अंदर का ताप यानी T2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ओके, और इसका बीटा हमको दे रखा है 5। तो बीटा जस्ट आपकी कॉफिशियंट ऑफ जो इसको अपन कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, कॉफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। तो ये कितना होता है, तो आपको मालूम है बीटा जो होता है वो हम लोग लेते हैं Q2 by W। अब W वैसे है क्या, W होता है इन दोनों का Q1 plus Q2 का सम होता है, तो ये बन गया आपका Q2 upon W होता है Q1 minus का Q2। देखो ये दोनों है, इन दोनों W plus Q2 का सम कितना Q1 है, तो हमारे पास W कितना Q1 minus का Q2, और ये जो Q होता है Q2 है T2 के proportional होता है, और Q1 है वो T1 के proportional है, इसलिए मैंने Q2 और Q1 Q2 को इस तरह से टेम्परेचर ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि Q1 है वो T1 के समानुपाती है, proportional Q2 आपका T2 के है, तो आप इसमें लिखोगे ना ऐसे आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है T2 किसका टेम्परेचर है, फ्रीज के अंदर का ताप, तो या तो वैल्यू ऐसे पुट कर दो या फिर इसको सॉल्व कर दो, इसको उल्टा कर दें। तो देखो T1 माइनस का T2 अपॉन T2 बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन बीटा। इसको अपन लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 माइनस का 1 बराबर 1 अपॉन बीटा। इसको अपन यहां से उठाएं इधर ले आएं तो हो गया प्लस का बीटा, प्लस का 1 हो गया, ये है बीटा, तो बीटा प्लस 1, बीटा था हमारे पास कितना 5, तो 5 प्लस 1 6/5, हमको निकालना है T2, तो T2 हमारे पास कितना T1 जो कि है 27 डिग्री मतलब 300 इंटू कितना 5/6, 6 × 30, 50 इंटू 5 कितना 250, तो 250 केल्विन इसका टेम्परेचर वो आ जाएगा, कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है कि ठोस चालक गोला है जिस पर आवेश प्लस का 3Q और ये गोला माइनस क्यू आवेश वाले किसी गोले को उसकी सेकेंडरी है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये कोई एक हमारे पास ठोस चालक गोला है जिसकी रेडियस दे रखी हमको आगे ए, और ये एक और हमारे पास स्फीयर है
जो कि खोखला है, ये तो है सॉलिड पर मेटेलिक है, जिसपे चार्ज है प्लस का, तीन को दे रखा है और ये इसके सरफेस पे हो जाएगा। और जो बाहर वाला है उसकी रेडियस हमारे पास कितना बी, और इसको आवेश दे रखा है कितना माइनस का क्यू। और हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि इसके सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पर यहाँ पे इसका अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करना है। तो देखो अब इसमें ये पॉइंट साफ साफ लिखा है कि जो रेडियस आर है वो जीरो से सॉरी ए से बड़ी है और बी से छोटी है। आर जो है ए से बड़ा बी से छोटा है। तो यहाँ जो ई होगा जैसे इसको अपन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो इसमें ड्यू टू फर्स्ट भी है, ड्यू टू सेकंड भी है। अब इसका तो इनसाइड पॉइंट है, पर अपन जानते हैं किसी भी स्फेरिकल सेल या कंडक्टिंग जो बॉडी होती है उसके इनसाइड ई कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। तो इसका तो यहाँ पे जीरो ओनली इसी का तो बनेगा, तो इसका यहाँ आउट पॉइंट पे, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हो ना, E is equal to E1 plus E2, E2 है due to second वाला, इसका वैल्यू कितना है जीरो। तो ये E1 क्या है, इसके आउटर पॉइंट के लिए, आउटर पॉइंट पर लेते हैं KQ by small r का स्क्वायर। अब K into Q तो हमारे पास कितना, तीन क्यू और थ्री क्यू, और इसकी R जो है ना डिस्टेंस है वो कैपिटल R है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। K को बदल लेंगे हम लोग तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो थ्री क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये इसका थर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब किसी कैपेसिटर को के सिरों को विभवांतर 15 से 30 करते हैं तो W बटन है, 30 से 60 करें तो पुलसा कितना होगा। तो पहले आप देखो कि 15 से इसका बढ़ा गया है वोल्टेज कितना 30, 30 से बढ़ा रखा है हम लोगों ने 60, तो यहां बटन है W और ये दे रखा है हम लोगों को W डैश और ये हमको फाइंड करना है। अब कैसे करें, तो आप ये देखो इसमें कैपेसिटेंस का तो चेंज हुआ ही नहीं, ओनली पोटेंशियल को अपन चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में आपको मालूम है W इक्वल टू जो होता है हाफ सी वी स्क्वायर, से अपन देखें तो C बाई टू कॉन्स्टेंट है और W वैसे U टू माइनस U1 होता है, तो आपको ध्यान है इसका फॉर्मूला होता है V टू स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, C बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसी से अपन लिखे ना W डेज अपॉन W बराबर। तो W तो क्या, कौन सा बटन यहां से यहां, उसके लिए ये तो है इनिशियली आपका फाइनल है, और W डेज के लिए इनिशियल और ये फाइनल है। तो देखो निश्चित रूप से W है कितना आएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 30 का स्क्वायर। W डेज की बात करेंगे तो 30 से 60 है तो 30 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 60 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर हम लोग 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और नीचे भी 15 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये वैसे कितना 60 गुना 60 है, तो 60 में 15 कॉमन है तो 4 आ गया, पर 60 इंटू 60 में 4 इंटू 4 16 हो गया, ये हो गया आपका 16। और 30 गुणा 30 में भी 15 को कॉमन लेंगे तो 2 और 2 4 आ जाएगा, तो ये हो गया 4 और 30 स्क्वायर में फिर ये आपका 4, 15 स्क्वायर तो पूरा ही कॉमन है तो माइनस का 1, तो ये 15 से 15 कट जाएंगे 15 स्क्वायर, तो ऊपर आ कितना हमारे पास 12/3 तो 4, तो इसका रेशियो हमारे पास आया W डेज अपॉन W बराबर 4। W डेज का मान कितना आ जाएगा, W डेज हो गया 4W, इसका सही आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है उसकी R रेडियस है और पूछा कि कुंडली की अक्ष पर चुंबक की प्रण कुंडली के केंद्र के मान का 1/8 हो जाता है तो वो दूरी केंद्र से कितनी होगी। आपको मालूम है जो B एक्सिस होता है उसका जो कंप्लीट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो होता है बी नॉट अपॉन 1 + x² / r² और इसकी पावर है 3/2 और b एक्सिस हमको दे रखा है b नॉट बाय 2, इसको मैं यही लिख दूं, ये है देखो b नॉट बाय 8 दे रखा है, तो b नॉट 8 को भी अपन ऐसे करें 2^3, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 + x² / r² का 1/2 कितना 2 है, इसका अपन भर कर दें नीचे वाले पोर्शन का, तो ये हो गया 1 + x² / r² इसका रूट का अपन स्क्वायर किया तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इस 1 को अपन ले जाएंगे इस तरफ 4 - 1 कितना हो गया 3, तो x² / r² = 3 आया, x² कितना आया 3r², तो x निकालने के लिए अपन करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो मान हो गया +-3r +-3√3r, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है एक एलसीआर परिपथ में रेजिस्टेंस का मान दे रखा है अपने को, ये कि रेजिस्टेंस r और इस परिपथ को 200 वोल्ट RMS 300 वोल्ट रेडियन पर सेकंड की किसी एसी सोर्स जोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि जब कैपेसिटर को अपन हटाते हैं रिमूव करते हैं तो करंट है वोल्टेज से 60 डिग्री है वो लैग होती है, पिच हो जाती है, और ऐसा ही फिर कह रहा है कि जब ओनली अपन इंडक्टर को हटाते हैं तो करंट है वोल्टेज 60 डिग्री है वो आगे रीडिंग हो जाती है,
तो ये सेम का फेज चेंज होना ये एलसीआर सीरीज रेजोनेंस कंडीशन को शो करता है। तो आपसे पूछा है तो इस परिपथ में जो वेव औसत शक्ति का मान कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रेजोनेंस केस में है तो वहां तो कोस फाई वन होता है, और कोस फाई के वन होने पे जो इसका पावर लॉस होता है पी, वो हमको मालूम होता है। या तो अपन लिखें इसको वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर करते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि हमारे पास वी और आर दोनों अवेलेबल हैं। और तो वी हमारे पास कितना है देखो, 200 का स्क्वायर करने पे 200 गुणा 200 अपॉन आर है हमारे पास 100, उड़ा दो इसे, तो ये हो गया 400 वाट, फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, YTAC एक्सपेरिमेंट में सातवीं चमकीली फ्रिंज, सेवंथ जो ब्राइट फ्रिंज है वो, उसके लिए लैम्डा 1 तरंग देने के लिए डिस्टेंस d1 दूरी पे है, और लैम्डा 2 के लिए डिस्टेंस कितनी d2 पर है। तो आपसे पूछा d1 और d2 का आपस में रेशियो क्या है। तो इस क्वेश्चन में पहले आप देखो कि सातवीं चमकीली फ्रिंज है, सेवंथ ब्राइट फ्रिंज, और उसी क्रम की ब्राइट फ्रिंज दूसरे किसी लैम्डा के लिए मिले, तो कहां मिल रही है। तो आपको मालूम है जैसे अपन YTAC पढ़ते हैं, तो ये मान लो यहां से ये डिस्टेंस अपन स्मॉल डी लेते हैं, ये आपके पास है कैपिटल डी, और सेंटर से मान लो यहाँ अब इस डी को, इसने इस डी को यहाँ ले रखा है डी, तो ऐसे अपन करते हैं स्मॉल डी को मैं करता हूँ, स्मॉल डी को मैं करता हूँ मान लो डी नोट कर लेता हूँ, और जो वाई है ना जिसके ऊपर वाई यूज करते हैं, वाई को हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल डी मान लिया। अब प्रश्न क्या है कि जब हम यहाँ पर लैम्डा 1 का लाइट यूज करते हैं तो 7th मान लो कहीं मिलती होगी, फिर लैम्डा 2 का अपन लेते हैं तो 7th उसी ऑर्डर की जो ब्राइट फ्रिंज है वो किसी दूसरे डिस्टेंस d1 के बजाय d2 मिलती है, तो हमको लैम्डा 1 लैम्डा 2 d1 d2 के रिलेशन निकालना है। तो कांस्टेंट क्या है, डी नोट कांस्टेंट है, कैपिटल डी कांस्टेंट है, और जो 7th नंबर का जो क्रम है वो भी आपका कांस्टेंट है। तो आपको मालूम है जो डी होता है ना, डी होता है, ये होता है एन इंटू लैम्डा इंटू कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। एन सेम है, डी भी सेम है, ये डी डी नोट है ये भी सेम है, तो आप देखो डी समानुपाती कितना हो गया, लैम्डा हो गया। तो यहाँ पे डी वन बाई डी टू हम लोग करेंगे तो वो तो आपका जैसा है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, तो इसका आंसर आपका फर्स्ट चला गया। नेक्स्ट देखो, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है, जिनकी डी प्रोग्ली वेवलेंथ कैसी है, सेम है। तो हमसे पूछा उसकी वेग की निष्पत्ति क्या है, डी प्रोग्ली वेवलेंथ सेम है, तो आप जानते हैं लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, पी का मतलब हो गया एम वी, वेग धारक है, वेग अपन यहां निकाल लें, तो v हो गया आपके पास h अपॉन m into lambda, तो इससे सॉल्व करने पे v समानुपाती कितना हो गया 1 अपॉन lambda, सॉरी lambda समान है ना, lambda तो समान हो गया, तो lambda के समान होने पर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आते हैं, पहले प्रोटॉन है फिर अल्फा है, तो v प्रोटॉन अपॉन v अल्फा इज इक्वल टू m अल्फा अपॉन m cos ऑफ प्रोटॉन, ये 4 mp अपॉन कैंसिल हो गया तो 4/1, ये इसका राइट आंसर यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमको बोला कि जो ए है ना, ए इस ए के बारे में लिखा हुआ है कि ये इसका एटॉमिक नंबर तो है 72 और इसका मास नंबर है 180। तो अब देखो इसमें जो A4 बनेगा वो उसका मास नंबर कितना होगा, उसका जेड कितना होगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखो ये पहले एक्सरसाइज था, एक अल्फा कण निकल गया, दो अल्फा कण निकल गया, एक अल्फा कण के निकलने से 4 कमी होती है, तो ये 180 माइनस का 4 × 8, तो ये हो गया 172, और 172 दो में है तो अब चेक करना पड़ेगा, यहां तो ये कैंसिल हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं इसकी जेड की, तो आपको मालूम अल्फा के निकलने से 2 कमी आती है, तो 2 अल्फा कम होने पर ये देखो 72 माइनस का हो गया 4, पर बीटा के निकलने से बढ़ जाता है तो 1 प्लस हो गया, 72 में से हम लोगों को 3 घटाना है, तो 3 घटाने पे आ गया 69, तो 69 A4 172, ये इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा कि ये कोई EMW है और इसकी तरंग का वेग कितना है, तरंग का वेग निकालना हो कभी भी तो जो आपके पास ये पोर्शन दिख रहा है इसको हमेशा 0 कर दिया बस, तो ये बराबर ये हो गया, दिस बराबर दिस, इसमें x अपॉन t नहीं x अपॉन d, ये x अपॉन t ही तरंग का वेग है, ये v वेव ही कहलाता है, और ये v वेव है तो x अपॉन t में करता हूं तो ये आएगा 9 × 10^14 अपॉन कितना 3 × 10^6, इसको सोल्व करने पे आपका 3 × 10^8 ये मीटर पर सेकंड ही आएगा। EMW प्रकाश समय से गति करती है, इसका वेग फिक्स है 3 × 10^8।
फिर भी मान लो माध्यम की बात आ जाए, निर्वात में जितना होगा माध्यम होने पे आप इसका मान बदल सकते हो, उसका मान कोई नया भी आस्था से गणना आप एग्जाम में ठीक से करेंगे, गलती नहीं करेंगे। दिए गए विस्थापन समय ग्राफ में आपसे पूछा है कण का वेग कितना है, वेग हमको फाइंड करना है। तो वेग से होता है क्या है कि विस्थापन और समय ग्राफ का जो ढाल, ढाल में का टाइम एक्सिस के साथ वाला, ये कोण कितना है 60 डिग्री, तो इसलिए इसका स्लोप कितना हुआ 10 60। इसको उल्टा कर लो, यूं या से लो, विस्थापन और समय ग्राफ का ढाल होता है ना, उसमें स्लोप देखते हैं तो एंगल हमारे पास टाइम एक्सिस के साथ होना चाहिए, तो 10 60 होता है √3। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा √3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखो, यहां दे रखा है अपने को इक्वेशन दे रखा है कि बॉडी है वो इससे मूव कर रही है, और इतना हमसे बोला है कि पहिए पे लगने वाले बल आघूर्ण का मान शून्य होगा। शून्य कब होगा? तो बल आघूर्ण का शून्य होना आपको मालूम है टॉर्क इक्वल टू आपका आई अल्फा है, इसको जीरो करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नॉट इक्वल टू जीरो है, ये तो आपका जीरो नहीं है, तो अल्फा जीरो होना चाहिए। बल आघूर्ण के शून्य होने के लिए अल्फा शुड बी जीरो। अब थीटा से पर निकालने पहले ओमेगा, तो ओमेगा कितना हुआ देखो डी थीटा बाय डीटी, होगा 3 3 √2 कितना 6 टी स्क्वायर, माइनस कितना 6 × 2 = 12 टी आ गया। इसे अल्फा निकाले तो अल्फा हमारे पास है कितना 12 टी माइनस का 12, और ये होना कितना चाहिए जीरो, ये आपका 12 टी माइनस का 12। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 12 टी माइनस का 12 है, तो 12 टी इक्वल टू 12 हो गया, और टी का मान कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, अर्थात फर्स्ट इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, डी व्यास की एक बूंद है, 27 छोटी बूंदों में अपन ने बांट दिया, तो प्रस्ताव टी हो तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन आएगा ये हम लोग याद करें, तो जो ऊर्जा का चेंज हम लोग निकालते हैं डेल्टा टी, वो हम लोग लेते हैं बूंद है, बूंद होने पे 4 pi ये आर स्क्वायर इंटू टी और एन की पावर 1/3 माइनस का 1। आर है बड़ी बूंद की त्रिज्या है, तो 4 pi तो देखो डी कैपिटल डी है वो व्यास किसका है, बड़ी बूंद का नहीं लिखा है कि डी व्यास की एक बूंद इतने में टूट गई, तो बड़ी बूंद का ही होता है, तो आर का मान कितना है d/2 तो डी स्क्वायर बाई 4 इंटू टी, एन की मान एन की वैल्यू 27 का 1/3 कितना होता है 3, 3 माइनस से कितना होगा 2, ये लो 2, और ये से कट गया, तो आपका आंसर है 2 pi d² × t, थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखो, आपको बोला कि ये सब कुछ ऐसा है, तो आपको पूछा अधिकतम कर्ण वेग और तरंग वेग का अनुपात कितना है। पेपर बहुत शानदार इस बार वाला, ये लास्ट पेपर बहुत अच्छा पेपर है, बहुत सिस्टमेटिक, थोड़ा लेंथी जरूर होता है पर क्वेश्चन बहुत काम के हैं। तो इसमें वाई हमारे पास है कर्ण का विस्थापन है, इससे पर निकालते हैं वी कर्ण, कर्ण का वेग वो होता है dy/dt, और वो एक्चुअली इसका अपन निकालते हैं मैक्सिमम, तो आपको मालूम होगा होगा इसका मैक्सिमम निकालना हो तो वो होता है ए ओमेगा, ए हमारे पास है 3, ओमेगा हमारे पास है देखिए ओमेगा टी है, तो 50/25 pi, तो ये हमारे पास 75 pi है, वो कण का मैक्सिमम वेलोसिटी है। और अगर हमको निकालनी है इसमें तरंग का वेग निकालना है, तो तरंग का वेग हम निकालें, तरंग हमारे पास कितनी आएगी, तरंग का वेग मैंने कहा था केवल इस पोर्शन को, आप इस पोर्शन को जीरो कर दो, इसको अपन जीरो करेंगे और एक्स अपॉन टी निकाल लेंगे, तो 50 t माइनस का एक्स बराबर जीरो, तो एक्स को उधर ले गया, एक्स अपॉन टी 50 से आ गया, तो ये लो सा 50, तो इसमें भाग देना ना वी कर्ण का मैक्सिमम और वी तरंग का मैक्सिमम, तरंग का वैल्यू ये तो है 75 pi और ये हमारे पास है 50, तो 25 उड़ा दें 25, तो 3/2 pi, 3/2 pi इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कोई डायपोल है, उसके अंदर हमने चार्ज, उनके बीच में डिस्टेंस और ई में रखा गया है, तो बल आघूर्ण का मान मैक्सिमम कितना होगा, तो टॉर्क मैक्सिमम लोग लिखते हैं वो होता है पीई होता है, पी का मतलब पी का डायपोल मोमेंट, वो डी इंटू क्यू, एक आवेश का परिमाण क्यू इंटू डी और दोनों के बीच की दूरी इंटू ई है, इसको सोल्व करेंगे तो आपका सेकंड आंसर है वो आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एक टोरॉइड के अंदर आपको पूछा है कि इसका बी कितना होगा, तो टोरॉइड के अंदर बी हमको मालूम है, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन है, अब म्यू नॉट स्मॉल एन यहां पे क्या होता है, ये है कैपिटल एन अपॉन 2 pi r into i, तो आपको मालूम है ये हमारे पास एक टोरॉइड है ऐसे, और इस तरह से इसमें टर्न्स है वो अपने लपेट रखे हैं, आर इसकी जो मीन रेडियस है, करंट इसकी कौन सी आई है,
नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे ही हैं, तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी आपका फर्स्ट है वो आ जाएगा, बहुत सिंपल है। उसके बाद देखो आपसे पूछे कि 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन ये सब कितना होगा, तो सी बी और सी ई के दे रखे अपने को करंट गेन के वैल्यू। तो इसमें आप ये देखो कि जितने प्रकार के आपके ट्रांजिस्टर हैं उन सब में एक बात बड़ी कॉमन है कि आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। यदि इसको अपन आई सी से डिवाइड कर दें तो आई ई अपॉन आई सी बराबर कौन सा, आई बी अपॉन आई सी प्लस हो गया 1। अब देखो जो कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस के अंदर और जो कॉमन आपका एमिटर होता है उसके अंदर, ये मान लो सी बी है और ये आपका सी ई, कॉमन बेस में होता है अल्फा, इसमें होता है आपका बीटा, परंतु कौन सा, ये बीटा है, ये हमारे पास है ई और ये आपके पास है सी। आई सी अपॉन आई ई अल्फा होता है, आई सी अपॉन आई ई ये अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू, ऐसे इसमें चेक करोगे तो ये तो बी है, कॉमन एमिटर में ये आपका ई है और ये सी है, तो ये आई सी अपॉन आई बी होगा बीटा, आई सी अपॉन आई बी, आई सी अपॉन आई बी तो 1 अपॉन बीटा और प्लस 1। अब इसमें देखो हमसे पूछा क्या है कि 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा इसको पर ले जाएं इस तरफ तो माइनस का हो गया, ये इधर आ गया माइनस एक हो गया, तो 1 अपॉन बीटा माइनस का 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू गया माइनस का 1 और माइनस 1 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। तो अगला क्वेश्चन देखें, इसमें हमसे पूछा कि क्षैतिज से अल्फा कोण पर बी वेग से प्रक्षेपित किए गए एक प्रक्षेपी का प्रक्षेपण प्रक्षेपी बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या होगा जब पार्टिकल कहां पे हो, टॉप पॉइंट पे हो, यानी आपने किसी प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया है और बी इसकी स्पीड है और ये अल्फा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जब ये टॉप पर है तब इसका मोमेंटम तो इस तरफ है, तो यहां इसकी स्पीड कितनी अपन जानते हैं बी कॉस अल्फा, और इस तरफ खींचने पर टेंजेंट, तो हमें इसके अबाउट इस पॉइंट की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जिस बिंदु से फेंका उसके अबाउट निकालना है, ये इसकी डिस्टेंस आ गई आर परपेंडिकुलर, और वैसे ये इसकी इसके बराबर है एस के बराबर है, तो ओनली इसको मैं कर दूं मास से मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास हो गया पी, तो पी क्रॉस एच या पी इंटू एच हमारे पास इसका हो जाएगा वैल्यू, तो एच को हम इससे लेंगे तो एच इसमें कितना है, ये है एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, ये एच है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका जी आ जाएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना लिखा है एम बी क्यूब साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा अपॉन 2g, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। कैपेसिटर में एनर्जी कहां होती, किस रूप में होती, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है, फर्स्ट आंसर। उसके बाद देखो 28वें क्वेश्चन में है कि एक अपने पास इस तरह से देखो ये वो टेबल है, इसपे हमने कोई एक रस्सी रखी हुई है, ये वो रस्सी रखी है और इसका कुछ भाग है नीचे लटका रखा है, माना कि लंबाई जो लटकी हुई है वो एल डेस है, तो बची हुई लंबाई हमारे पास यहां जो है वो कितनी है एल माइनस का एल डेस, एल माइनस एल डेस, तो अब इसका जो मास है उसको एम डेस मान लेता हूं, वो इसके सेंटर ऑफ मास से मान लो, तो नीचे इस पे जो फोर्स लग रहा है वो है एम डेस इंटू जी, यहां दोनों कॉन्टेक्ट में है और दोनों बीच में फ्रिक्शन भी है, तो नीचे फोर्स यहां जो लग रहा है इसको मान रहा हूं मैं एम, ये एम डेस और ये आपका हो गया एम माइनस एम डेस, एम माइनस एम डेस, तो इसको अपन एक पार्टिकल रूप में माने तो नीचे फोर्स हमारे पास है एम माइनस का एम डेस इंटू जी, ऊपर लगे इसका नॉर्मल फोर्स, और अगर इसमें फ्रिक्शन है तो जैसे इसको फ्री करेंगे तो इसमें टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नीचे तरफ आएगी तो ये आगे मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका हो गया इस तरफ वो है म्यू इंटो ये आपका एम माइनस का एम डेस इंटो जी, और बैलेंस केस में हमारे पास ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल आएंगे, तो ये इसका आपका लिफ्टिंग फोर्स खिंचावल हो गया और ये इसका अपोजिंग फोर्स है, तो मोशन प्रोड्यूसिंग फोर्स और अपोजिंग बराबर हो जाएंगे तो उस केस में हमारे पास बैलेंस केस आ जाएगा, तो बैलेंस केस आपस बराबर है और बराबर है तो इनको बराबर करेंगे तो आपका देखो जी जी कट जाएगा, और म्यू की वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं, या देखो हमको तो लंबाई पूछिए ना तो इसको अपन ऐसे करते हैं, देखो म्यू इंटू स्मॉल एम माइनस का म्यू इंटू एम डेस इज इक्वल टू हो गया आपके पास एम डेस। अब इसमें चूंकि मास जो है उसको अपन यहां डिस्ट्रीब्यूशन रूप में ले हुए तो लीनियर मास के रूप में मान ले तो मास होता है लैम्डा इंटू एल एम, और एम डेस कितना लैम्डा इंटू एल डेस, तो इसमें लैम्डा तो अपन पुट करेंगे तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो लंबाई के समानुपाती है, तो इसको ऐसे कर दूं म्यू इंटू
एम तो एल माइनस का म्यू इंटू एल डेस इक्वल टू कितना एल डेस। इसको अपन यहां से इधर ले आ जाते हैं तो म्यू इंटू एल इज इक्वल टू दोनों हुए प्लस में, जिसमें से हमारे पास एल डेस कॉमन आ गए तो म्यू प्लस वन इंटू एल डेस। एल डेस का मान कितना म्यू एल अपॉन म्यू प्लस वन, ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है ये वायर है, ये कोई लूप है जो इस तरफ मूव कर रहा है, दूर जा रहा है, तो जैसे इसमें करंट आप देखें करंट तो ऊपर की तरफ है, तो यहां बी कैसा नीचे है तो बी तो क्रॉस का नेचर हो गया, बी कैसा है क्रॉस के नेचर रूप में। अब जहां आप देख रहे हैं पहले और इससे अपन दूर जाएंगे तो आपको मालूम है यहां जो बी वन है यहां जो बी टू है, बी तो डिक्रीज होता है ना वायर के पास, बी ज्यादा होता है वायर से, डिस्टेंस की इंक्रीज होने के साथ बी की स्ट्रेंथ आपकी घटती है, तो जैसे इसको अपन दूर ले जा रहे हैं तो बी घट रहा होता है, तो घटने पे आप जानते हैं लेंस लॉ के अकॉर्डिंग घटने पर क्रॉस का क्रॉस ही होता है, क्रॉस का क्रॉस, डॉट का डॉट होता है, बढ़ने पर क्रॉस का डॉट, डॉट का क्रॉस बनता है। तो यहां क्रॉस वाला फील्ड घट रहा है तो इंड्यूस करंट क्रॉस के अनुसार आएगी, वो क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, इसको अपन कह सकते हैं क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि आपसे पूछा है कि जो कंडक्शन करंट है और कौन सी डिस्प्लेसमेंट करंट वो कैसे होती है, तो बहुत सिंपल है कि चाहे एसी सोर्स हो डीसी हो जो कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो करती है उसी को अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हम जानते हैं कि जिस समय आप डीसी आर से डीसी सर्किट में स्विच को ऑन करते हैं तो दोनों करंट वहां फ्लो करती है, वायर में कंडक्शन करंट होती है और कैपेसिटर की जो प्लेट है उनके बीच डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, पर वो हमेशा इक्वल होती है, पहले मैक्सिमम होती है इक्वल होती है, जैसे कुछ टाइम आप छोड़ेंगे उसको सर्किट को तो आप जानते हैं आर से डीसी सर्किट में करंट आपकी घट के जीरो हो जाती है, तो दोनों हमेशा इक्वल होती है डिस्प्लेसमेंट करंट और ये क्या बोलते हैं इसको कंडक्शन करंट, हमेशा एसी सर्किट होते डीसी दोनों में सेम होता है। नेक्स्ट देखो बोर के एच मॉडल में आपसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी उसका मान कितना होता है बोर मॉडल में, जैसे बोर मॉडल में एच एटम में सेंटर पे उसके पास एक एटम के पास है न्यूक्लियस जिसमें है माइनस प्लस वन की एक प्रोटोन है और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन इसका चार से माइनस का बनी वो ऐसे मूव कर रहा है वी स्पीड से, उसका मास स्मॉल एम है, तो आपको मालूम है फर्स्ट पोस्टुलेटी अकॉर्डिंग इसमें जो सेंटर की तरफ नेट फोर्स होता है जो कुलाम फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है ई स्क्वायर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के को मैं लिखो नीचे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर का स्क्वायर, ये के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर फोर्स है और ये इसको प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, तो आर से अपन एक आर उड़ा दें तो हमारे पास है एम वी स्क्वायर, इसको हम लोग दो से भाग दे दें और यहां भी दो से भाग दे दें, भाग देते ये बन गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कितना ई स्क्वायर अपॉन एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, कारण क्या है, तो वहां तो कारण मतलब बनती कैसे हो, बनती कैसे है, तो बनती तो वहां आपको मालूम है जैसे पर पीएन जंक्शन बनाते हैं तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल अपने अधिक कंसंट्रेशन से कम की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स भी अपने अधिक से कम की तरफ मूव करते हैं और आपस में जैसे ही जंक्शन साइड पे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं रिकम्बाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल खत्म हो जाते हैं, उसी से बनती है डिप्लेशन लेयर। तो आवेश वाहकों का जो डिफ्यूजन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पूछा कि टी वन का मान कितना है, तो सारा बैलेंस केस में तो यहाँ नीचे फोर्स लग रहा है 40 G 400 न्यूटन, रस्सी में यहां पर भी आपका 400 न्यूटन हो गया बैलेंस केस है, एक रस्सी में तनाव होता है ये तनाव, तो इसमें देखो यहाँ 30 kg है तो 300 न्यूटन, तो T3 भी कितना आपका 300 न्यूटन हो गया। अब ये T1 है इसके अपन करें कंपोनेंट तो हो गया T1 ये cos थीटा और इस तरफ हो गया T1 sin थीटा, अब T1 sin 400 है T1 cos कितना है 300, तो T1 sin थीटा इक्वल टू 400 और T1 cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 300। अब अगर अपन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे, स्क्वायर करके इसको अपन सम करें तो स्क्वायर करके सम करेंगे ना तो T1 का स्क्वायर sin स्क्वायर T2 T1 स्क्वायर cos स्क्वायर, तो यहां T1 स्क्वायर तो कॉमन आ गया sin स्क्वायर cos हो गया आपका 1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 1600 ये आपका हो जाएगा 500 का स्क्वायर और इसमें ये कट गया तो T1 हमारे पास 500 न्यूटन वो आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, यहां क्वेश्चन है कि एक कैपिटल मास का एक हमारे पास स्फीयर है, जो क्वेश्चन ऐसा है कि कैपिटल मास का एक ब्लॉक है, इसकी स्पीड दे रखी हम लोगों को यू। अब कह रहा है कि दूसरा कोई एक और ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है और रेस्ट में है, इससे टक्कर करता है और टक्कर करने के बाद जो बड़े वाला है उसकी स्पीड तो रह जाती है कैपिटल वी और छोटे वाले की रह कितनी है स्मॉल वी। तो आपको स्मॉल वी का वैल्यू है वो पूछा, यानी एक तरह से यू वन यू है, यू टू कितना जीरो है और वी वन का मान वी है और वी टू कितना वी, और वी टू हमको फाइंड करना है। तो वी टू का फॉर्मूला क्या होता है, वी टू का फॉर्मूला होता है एम टू माइनस का एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये एम टू है तो ये आपका यू टू प्लस टू एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब यू टू जीरो होने से खत्म हो गया, ये शेष रहा बस ये टू एम वन यू वन है, एम वन है कैपिटल एम, यू वन कितना है यू अपॉन कितना कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब इस एम को अपन यहां से नीचे ले आते हैं ऑप्शन की रिक्वायरमेंट के आधार पर, तो टू यू अपॉन कितना एम नीचे होते हैं एम अपॉन एम वन प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम वन प्लस, ये इसका थर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां हमारे पास एक डिस्क है, आर इसकी रेडियस है और एम इसका मास है, ये बोला कि छोड़ने पर इसका कोणीय त्वरण यानी एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो टी इंटू आर, देखो इसमें मेनली है क्या टी इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा है, टॉर्क कितना है टी एक ही फोर्स है टी इंटू आर, तो टी इंटू आर बराबर आई डिस्क का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू अल्फा, अल्फा आपसे पूछा है तो एक आर से एक आर कट गया टू चला गया टू टू टी अपॉन एम आर टू टी अपॉन एम आर, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं जो आपके सेक्शन बी की क्वेश्चन है, सेक्शन बी के अंदर बिल्कुल साफ सा है, यदि आपको शुरू के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कंटिन्यू कर दो, या हो सकता है कि 10 में कई क्वेश्चन से आप पहले अगले 10 क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखें कि आप सबसे पहले 10 क्वेश्चन देख लें, छोटे हो सकता है कि कई बार क्या आपने 10 लगातार क्वेश्चन करने शुरू कर दिए और लास्ट में क्वेश्चन बहुत आसान हो, आसान मतलब टाइम कम वाले हों, थोड़ी बात गौर करना। जैसे 11वां क्वेश्चन है 12वां 13वां 14वां 15वां क्वेश्चन जो है ये मान लो 11th 12th ऐसे क्वेश्चन है वो मान लो बहुत इजी हो तो वहां आप समय बचा सकते हो, क्वेश्चन सही गलत तो बात की बातें हैं वो तो है ही है, क्वेश्चन हार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, पर मान लो कहीं ऐसा बहुत छोटा क्वेश्चन जैसे अपने कहा था अभी कि कैपेसिटर में एनर्जी किस तरह से रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत बहुत जादू वाले काम करते हैं, जादू काम करते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो इसमें यहाँ कोई बड़ा इशू नहीं है, दे रखा है सिंपल कि तार दो तार ए और बी हैं, समान पदार्थ के बने हैं, लंबाई का अनुपात कितना 6:1 है, तो लंबाई का अनुपात मतलब अपने पास एल वन अपॉन एल टू 6:1 दे दिया और दोनों समान पदार्थ के हैं तो रो दोनों के सेम हो गए, श्रेणी में जोड़ रखा है तो धारा उसमें क्या आई सेम हो गई, विभांतर अपने लगा दिया अलग अलग तो पूछा है कि इनकी रेडियस का रेशियो कितना है, तो रेडियस का रेशियो हमसे पूछा है विभांतर का मान दे दिया तो श्रेणी क्रम में आई आपकी सेम है सीरीज में, अब I सेम है तो I इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R, I है V अपॉन R, तो V अपॉन R इसमें कांस्टेंट है तो V1 अपॉन R है हमारे पास रो L बाई A, इसका मतलब ये हो गया पाई R का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, रो फिक्स है पाई भी फिक्स है, लंबाई इसमें कैसी है समान लंबाई, इन लंबाई अनुपात दे रखा है ठीक है पाई उड़ा देते हैं तो V L और ये तीन चीजें हमारे पास रही तो हमको रेडियस पूछा है, रेडियस अपन यहां ले लेते हैं, रो आपका सेम हो गया तो आर को इस तरफ लेते हैं, देखो आर स्क्वायर बराबर या समानुपाती का वी अपॉन एल, इसको उड़ा दो तो रूट आ गया तो आर समानुपाती रूट वी बटा एल है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो आराम से इसका 1/2 आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट यहां क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है कॉन्स्टेंट है और इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हुए मूव कर रहा है तो चुंबक के फ्लक्स में या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड कोई चेंज नहीं होगा तो इसमें इंड्यूस करंट हमारे पास कितनी आएगी, ये इंड्यूस एमएफ वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहां हमसे पूछा है कि ये दे रखी है सब कुछ इक्वेशन और हमको पूछा है कि परिपथ में वेव होने वाली शक्ति कितनी है, तो ये हमारे पास है वी नॉट, ये हमारे पास है आई नॉट, तो आपको मालूम है 150 इंटू कितना 150 वी नॉट आई नॉट अपॉन कितना 2 इंटू कोस फाई, कोस फाई कितना है पाई, दोनों साइन साइन के टर्म्स में है तो पाई पाई 60 डिग्री, कोस 60 कितना 1/2, तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर है वो 5625 करीब है वो आ जाएगा। नेक्स्ट ये पहला सा प्रश्न है, बस इसमें हल्की सी ये गड़बड़ है कि कोई वस्तु ऐसे नतल पर नत समतल पर नीचे की तरफ
नीचे की तरफ चलती है, लिखा ना स्लाइड्स डाउन, स्लाइड्स डाउन नीचे की तरफ है, तो उसमें आपका फर्स्ट सबका सिंपल सा होता है, ये आप सब जानते हैं। यहां देखो इसमें देखो ये हमारे पास एक कोई पाइप से पाइप है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो इसमें लिक्विड अगर इनकंप्रेसिबल है उस केस में आप टोटल इस मास को अपन यहां मान सकते हो, यहां से r इक्वल टू कितना l बाय 2 डिस्टेंस पे, और इससे हम इसका है ना फोर्स है वो निकाल सकते हैं, तो फोर्स एंगुलर मोशन इसकी ओमेगा है ना, तो इसमें फोर्स कितना हो जाएगा ये आपका बताता है m ओमेगा स्क्वायर इनटू रेडियस होती है इसकी r, तो m तो इसका है कैपिटल m, ओमेगा स्क्वायर r कितना है l बाय 2, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट m ओमेगा स्क्वायर इनटू l बाय 2। नेक्स्ट, किसके लिए चुंबकीय पारगम्यता अधिकतम होती है, किसके लिए मैग्नेटिक जो परमेबिलिटी होती है मैक्सिमम, जानते हैं अपन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं फेरो वाले उनका बहुत ज्यादा होता है, बाकी तो बहुत कम होता है। नेक्स्ट देखो, यहां हमको दे रखा है कि कोई कैथोड किरणें हैं इस स्पीड से मूव कर रही है, और ऐसा स्थान है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों कैसे हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, या इस तरह से अरेंज है कि ये जो आपकी कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिना किसी डेविएशन के यहां से बाहर निकल रहे हैं, तो बिना किसी डेविएशन के बाहर निकलने के लिए आपसे पूछा कि ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या है, तो ये एक तरह से वेलोसिटी सेक्टर है, और वेलोसिटी सेक्टर में दोनों फोर्स क्या होते हैं इक्वल अपोजिट, नेट फोर्स जीरो होता है, यानी यहां इलेक्ट्रिक फोर्स और जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है उन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस बराबर होते हैं, दूसरे की उड़ा देता हूं, तो ये आपका ई का मान पूछा, ई है कितना वी इंटू बी, तो वी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, वी हमारे पास 5×10^6 और ये बी इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आया कितना 0.1×10^5, फर्स्ट इसका आंसर आपका हो जाएगा। यहां देखो ये क्वेश्चन 220 वोल्ट निवेशी की मुख्य आपूर्ति को 11 वोल्ट में घटाने के लिए, यानी देखो ट्रांसफॉर्मर अपने पास है एक, इसमें ये प्राइमरी कॉइल है ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कितना 220 है और सेकेंडरी में कितना करना है इसको 11, फिर कह रहा है कि प्राइमरी कोयल में करंट ये हमारे पास 5 एम्पियर और सेकेंडरी में करंट कितनी है देखो 90 एम्पियर, ये लो साहब, तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी आपको निकालनी है, तो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालनी है, तो पी आउटपुट 90×11 वी इंटू आई होता है अपॉन वी इनपुट, तो 220 × 5 × 100, तो इस जरूर उठा दो यहां से 11 × 2 = 22, 5×10 हटा दो, 90% इसकी एफिशिएंसी है वो आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, हम बोला कि आरंभिक आवेश क्यू नॉट वाला एक संपूर्ण आवेश संधारित्र है, उसको टी जीरो पर हमने एल के साथ जोड़ दिया, तो पूछा कि वह समय जहां दोनों प्रकार की एनर्जी कैसी है वो बराबर है, तो दोनों प्रकार की एनर्जी बराबर तब होंगी जब दोनों की एनर्जी, यानी पहले किसके पास है टोटली कैपेसिटर फुली चार्ज है, उसके पास जो यू नॉट है इनिशियली वो कितनी है Q0 square upon 2C, ये टोटल इसके पास एनर्जी है, जैसे ही दोनों में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती जोड़ने के बाद में, तो जो U बाद की है वो कितनी U0/2 रहेगी ना, भी अगर इसी खुद की एनर्जी आधी रह जाएगी तो आधी किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी L के पास, तो ये बस ये कॉमन इसका फंक्शन है वो उसमें देखना होगा, और Q जो किसी इंस्टेंट पे जो इसका पर निकालते हैं वो होता है Q0 cos ωt, किसी कैपेसिटर पे चार्ज करने के बाद में किस तरह से चार्ज है वो आपका एलसी ऑसिलेशन के दौरान डिस्ट्रीब्यूट होता है या टाइम कैसे इसमें चेंज होता है, तो क्यू इनिशियल टी जीरो पे चार्ज मैक्सिमम है आप इस चेक कर लो, तो कोस के टर्म्स में आप इसे बना दे, तो ये हमारे पास फिक्स है। अब देखो यू तो है कितना Q2/2C, ये उस समय का चार्ज मैंने मान लिया, ये 1/2 है और यू नोट हमारे पास कितना देखो है Q0/2C, Q2/2 और ये हो गया अच्छा 1/2 cos 60° पाई बाय 3 ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इनटू टी और ये मेरे पास है पाई बाय 3, पाई से मैं उड़ाता हूं तो टी हमारे पास आ गया कैपिटल टी बाय 6, एक सेकंड हमने कुछ गलती करी क्या,
यू वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1/2 क्यू नॉट था ना, तो इसलिए ये क्यू कितना क्यू अपॉन रूट दो आएगा, क्यू अपॉन रूट दो, रूट दो होने 45 डिग्री, 45 का मतलब हो गया 5/4, 5/4, तो यू गेट t/8, तो हमारे को जो समय लगा वो कितना t/8 है, तो ध्यान दो 1/8 और t होता है 2π√LC, इसलिए पाई से उड़ा इसको अपन, तो 1/4 हो गया, तो π/4√LC, इसका फोर्थ आंसर आपका सही है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां हमसे बोला गया है कि ए और बी दो हमारे पास कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है, ए को अपन ने चार्ज किया है और बी को हमने कर दिया ग्राउंडेड, तो ऐसे केस में अब देखो यहां का पोटेंशियल जीरो हो चुका है, इसका पोटेंशियल कितना है वो हमको देखना है, तो हमको ये मालूम है यहां चार्ज कैसा होता है, प्लस का क्यू होता है, ये आपका माइनस का क्यू होता है, इसका वोल्टेज जीरो हो गया, पर ये डेफिनेट है कि जो इसका अंदर का वॉल्यूम है, अंदर वाला जो है उसका पूरा वॉल्यूम, यहां पोटेंशियल आप निकालोगे जितना इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स है, तो इस छोटे वाले के अंदर वॉल्यूम के अंदर वोल्टेज हमेशा फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं, तो एक के भीतर जो हो आपका नियत होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक पीपीसी हमारे पास है, उसकी कैपेसिटेंस सी है, उस पे चार्ज कितना क्यू है, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना वी है, तो यहां देखो और ये बोला कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस को अपन 3 गुना कर दें तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो एक तो यहां देखो कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब डब्ल्यू आपको निकालना है एक्सटर्नल, वो अब है कितना यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल डेल्टा यू, अब क्योंकि हमें यहां कुछ दे रखा है नहीं कि बैटरी कनेक्टेड है डिसकनेक्टेड है, कुछ लिखा नहीं है, तो चार्ज कॉन्स्टेंट मानना है, तो ऐसे केस में अपन लिखे क्यू स्क्वायर अपॉन 2c फाइनल माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इनिशियल, अगर c इनिशियल को अपन मान लें कितना c, तो डिस्टेंस के 3 गुना करने पर c फाइनल कितनी c/3 होगी, c फाइनल हमारे पास है c/3, इसलिए c इनिशियल को अगर c लिख दो ये हो गया हमारे पास कितना c/3, ओके अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 चला गया ऊपर, 3-1 कितना हो गया 2, तो आपके साथ है इसका आंसर देखो हो जाएगा 3 2/2, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, पर क्यू क्या है देखो क्यू है सी वी, क्यू बराबर कितना सी वी है, तो इसको अपन लिखें सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, सी कट गया तो आपका आंसर आ जाएगा सी वी स्क्वायर, फर्स्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए भाई अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल पैट क्वेश्चन है, यहां ए पे दे रखा है हमको वोल्टेज कितना, ए पे दे रखा है देखो 70 और बी पे दे रखा है हमको कितना 10, बी पे सॉरी 0 और सी पे दे रखा है अपने को 10, तो यहां आपको सबसे पहले वीडी निकालना है, तो वीडी का फॉर्मूला क्या होता है, वीडी का फॉर्मूला होता है V1/R1+V2/R2 70/10 7 प्लस 10/30 1/3 प्लस 0/20 0 आ गया अपॉन 1/10 प्लस 1/30 प्लस 1/20, इसको सॉल्व करने पे आपके पास इसका वोल्टेज आएगा 40, तो जैसे ही इसका वोल्टेज 40 बन जाएगा तो यहां वोल्टेज 70 है, तो देखो 70-40 30/10 यहां धारा कितनी 3 एम्पियर, ये 40 और 10 धारा ऐसे फ्लो करेगी, 40-10 30/30 धारा 1 एम्पियर आ जाएगी, या 40 और ये 0 40-0 40/20 2 एम्पियर, धारा कितनी 3 एम्पियर 2 एम्पियर और 1 एम्पियर आ जाएगी, 3 2 1, तो ये इसका आंसर है ना एडी, एडी में कितना है 3 और डीबी में कितना है 2 और डीसी में 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट ये पूछा है कि हमारे पास कोई गैल्वेमीटर है और उसको बदलना किसमें है, एमीटर में जिसकी करंट हमारे पास इतनी है, तो इसके लिए संट कितना होगा, संट होता है S बराबर ये RZ अपॉन N माइनस का 1, तो RZ अपॉन N होता है I अपॉन IZ माइनस का 1, मैंने सारे क्वेश्चन बस इसी से होते हैं, अब RZ हमारे पास कितना देखो 100 और I हमारे पास है 100 मिली एम्पियर अपॉन IZ कितना है देखो IZ हमारे पास है 10 मिली एम्पियर माइनस का 1, तो 100/10 कितना हो गया 10, 10-1 9, तो 100/9, तो ये हो गया आपके पास 11.11 के आसपास आंसर। नेक्स्ट,
गैलोमीटर को एमीटर में बदलना है तो कैसे करेंगे? गैलोमीटर को एमीटर बदलने के लिए आपको जोड़ना पड़ता है संट, बहुत छोटा रेजिस्टेंस होता है, तो समांतर में लो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, ये है दो बल्ब हैं जोड़ रखे अपने सीरीज में, तो कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? तो सीरीज में आपको मालूम है कि आई कॉन्स्टेंट होती है। अब आई कॉन्स्टेंट होने में जो हीट निकलती है वो होती है आई स्क्वायर इंटू आर। आर है फिलामेंट का रेजिस्टेंस, तो आई स्क्वायर इंटू आर, तो फिलामेंट रेजिस्टेंस पर निकालते होता है वी स्क्वायर अपॉन पी, क्योंकि जो आपके पास बल्ब वगैरह होते हैं उनकी रेटिंग वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज सेम होती है, तो इसलिए अब आई भी सेम है, रेटेड वोल्टेज भी सेम है, तो पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो सीरीज ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है कि जिस बल्ब की वोल्टेज यानी पावर कम होती है वो हमेशा अधिक तीव्रता से अधिक इंटेंस से ग्लो करता है, वो समांतर में इसका उल्टा होता है, एस सी सीरीज कॉम्बिनेशन में कम वाट का अधिक ग्लो करता है, और पैरेलल में क्या होता है जो अधिक वाट का है वही अधिक ग्लो करता है, इसलिए यहां पे तो 25 वाट वाला है उसकी इंटेंसिटी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बिल्कुल इसके लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं, अच्छा पेपर है, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, आप ये पूछता थोड़ा सा लेंदी हो सकता है पर क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत शानदार है, ये अपने नीट में काम आएंगे, अच्छे प्रश्न है, अच्छी तरह से उनको वापस एक बार देख ले, काम आएंगे हमारे, और दंगल के साथ जो अपनी जो पूरी की पूरी जो अपनी तैयारियों का एक बहुत अच्छा रूप हमने दिया है उस तैयारी को अब एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से माइंड को बहुत कूल रखते हुए, सबसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने माइंड पे बिना किसी बहुत दर्शन के, क्योंकि सारे जिस बच्चे का सिलेक्शन टॉप रैंक के साथ होता है ना उसके भी स्ट्रेस रहता है, और जो बिल्कुल एक एवरेज रैंक से सिलेक्ट होता है उसका भी इस तरह का हाल होता है, सबके सेम हाल होते हैं, जिसकी टॉप रैंक आती है वो भी हाई कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं टॉप रैंक से आया इसमें सक्सेस करने वाला होता हूं, तो बिल्कुल सबके टेंशन होते हैं, सब बराबर होते हैं, पर आप अपने को थोड़ा सा सिंपल वे में रखें, पेपर को बहुत अच्छे से रखें, सिंपल वे से करें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं पेपर को 3 स्टेप में सॉल्व करें, जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ जाए मालूम नहीं होते, मालूम नहीं होता पेपर कौन सा कैसा किस से आ जाए, फिजिक्स का हार्ड आ जाए, केमिस्ट्री आ जाए, ईजी आ जाए, जब हमें किसी प्रकार पता नहीं होता ना तो पहले की तैयारी हमारी बहुत शानदार रहनी चाहिए, पेपर को अपन कैसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब ध्यान रखते हुए बहुत बहुत आपको आशीर्वाद, बॉस के साथ मिलकर के हमें बहुत शानदार आपने काम किया है, सीएलसी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे से बच्चों के साथ क्वेश्चन का सोल्यूशन हो, पेपर का सोल्यूशन हो, वीडियो सोल्यूशन हो, बहुत हर तरह से हर प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा काम कर रही है, तो और अच्छा आप भी करें, मस्त रहें, पेपर को दें अच्छे से, और 12 तारीख को पेपर देने के बाद जैसे कि बॉस ने कहा था कि बॉस के नंबर पे आप अपनी जो टोटल मार्क्स होते हैं उनको बिल्कुल अपडेट करते हुए लिख करके बॉस को सेंड कर दें, आपके रिजल्ट के इंतजार में हम लोग हैं। ओके, अब समाप्त करता हूं मैं। ओके, थैंक यू, जय सीएलसी। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर डी राज राव, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। देखिए, हम दंगल 15 में पहुंचे हैं, अब ये हमारा दंगल 15 है वो लास्ट दंगल है बच्चों, और उसके बाद में हमारा जो अगला दंगल है वो नीट है फाइनल, यानी जो 12 सितंबर को जो है वो नीट का एग्ज़ाम हमारा फाइनल दंगल है। तो देखिए, अब इसका जो पहले तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद में मैं लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा जो थोड़ा सा आपको ध्यान रखोगे आप एग्ज़ाम देते टाइम। तो मैं इसमें ऑर्गेनिक पोर्शन जो है वो सोल्व करा रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आईयूपीसी नेम ऑफ, तो देखिए इसमें फर्स्ट बच्चों क्या होता है, ये क्वेश्चन तो बड़े आसान है लेकिन इसमें क्या नंबरिंग का रूल होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोवेस्ट लोकेंट से नंबरिंग कीजिए, फर्स्ट क्या करोगे, लोवेस्ट लोकेंट से नंबरिंग करोगे, ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग। अब तो देखो ये 1 हो गया आपका, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 इथाइल हो गया और 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट, लोवेस्ट लोकेंट से नंबरिंग कर दो। फिर अल्फाबेट में ई पहले आएगा और इसमें डाईमेथिल में डी काउंट नहीं होगा, यहां पर एम काउंट होगा और यहाँ ई काउंट होगा, तो ये अल्फाबेट में भी थोड़ा ध्यान रखना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन,
अब देखिए विच द मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। देखो बच्चों SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर। SN1 की जो रिएक्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करती है। तो देखिए ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये आपका 2 डिग्री है लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक। और यहां से बीआर आपने हटाया तो अब इसमें क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, यानी एक तरह से मैं बोलूं एलील एलाइलिक पोजीशन, एलील कार्बोकेटाइन हो गया, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। भाई पहले 1 और 2 में तो रेजोनेंस ही नहीं है कहीं, अब 3 और 4 में रेजोनेंस अपन देखें, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4th होगा, उसके बाद में आपके पास होगा 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री होगा एंटी एरोमेटिक सबसे लास्ट में। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें NaOH आ रहा है, ये एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, ये है एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन। तो इसमें क्या करोगे, आपके पास डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप सीधा क्या करो, इधर से ये ले लिया आपने, दूसरा मॉलिक्यूल ले लो आप, यहां से डबल बॉन्ड O ले लिया, यहां से H, यहां से H, तो ये H2 निकल जाएगा, यहां से क्या निकल जाएगा आपका H2O। अब सिमेट्रिकल होता है ये है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब देख लो एल्डोल कंडेंसेशन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट, 3rd आंसर। द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये भी बच्चों क्या है, ESR का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम कार्बोकेटाइन बोल दो, ESR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन, एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ESR। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट में प्लस एम इफेक्ट आ रहा है आपका, माइनस आई से डोमिनेंट है, इधर प्लस एच इफेक्ट आ रहा है, प्लस आई भी आ रहा है आपके पास, इधर माइनस एम इफेक्ट हो गया है, माइनस आई भी है, ये माइनस एम भी है और माइनस आई भी है। तो देखिए फर्स्ट जो है वो ज्यादा रिंग क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इसमें मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इसमें आएगी आपके पास, ये ग्रुप जो है आपका इलेक्ट्रॉन डोनर। तो फर्स्ट आंसर हो गया बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। CH3COOH SOCl2 A से B बना, फिर B से C, C से D बन रहा है आपके पास, आइडेंटिफाई D इन द अबो रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपके पास देखिए एसिटिक एसिड आया, तो सबसे पहले बच्चों SOCl2 के केस में NSR रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, यहां से ये लिविंग ग्रुप रिमूव होगा तो प्रोडक्ट आएगा CH3COCl, ये बनेगा आपका A। अब अगला स्टेप आपके पास है, अमोनिया से रिएक्शन करोगे तो ये लिविंग ग्रुप रिमूव होके यहां से HCl के फॉर्म में निकलेगा, एमाइड बन जाएगा, ये बन गया आपका B।
फिर अगला जो स्टेप आ रहा है डी आर टू के ओ एच, हाफमान हाइपोब्रोमेमाइड रिएक्शन होगी, जिसमें सी ओ ग्रुप क्या होगा डिसअपियर, तो ये आ जाएगा आपका सी एस थ्री एन एस टू। ये हो गया बच्चों 1 डिग्री एमीन। इसके बाद में अगला जो है वो है सी एच सी एल थ्री और के ओ एच। अब आपके पास जो है ये 1 डिग्री एमीन का टेस्ट होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो ये आ जाएगा आपका सी एस थ्री एन सी। इसकी बैड फाउल स्मेल आएगी आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट जो है वो 1 डिग्री एमीन शो करेंगे, 1 डिग्री एमीन शो करते हैं। Which of following is an anti-diabetic drug? Anti-diabetic drug आपको पूछ रहा है, तो इसमें हमारे पास एक तो है रहा पेनिसिलिन, ये तो एंटीबायोटिक हो गया। इंसुलिन ये है आपका, इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, और बॉडी में जब इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। फिर आपके पास एस्प्रिन जो है वो एक एनाल्जेसिक हो गया, ये एनाल्जेसिक है ये, और क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया के अंदर देते हैं, ये एक एंटीबायोटिक हो गया आपका, तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, तो देखिए पीएच बीवी पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक ब्यूटरेट और वैलरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट और पॉली हाइड्रोक्सी वैलरेट, तो ये आपका एक ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नायलोन टू नायलोन सिक्स ये भी हमारा एक, इसके बाद में स्टार्च देखोगे तो ये भी नेचुरल पॉलीमर हो गया, तो ऑल ऑफ दिस फोर्थ इज करेक्ट। Which of following does not show metamerism? Metamerism कौन सा show नहीं करेगा, तो देखिए बच्चों इसमें ये NH है, इसके दोनों साइड में अपन इधर एक मिथाइल लेके आ जाए, एक ग्रुप चेंज कर लें तो ये शो कर सकता है, और इधर यहाँ से एक CH3 इधर लेके आ जाए तो ये भी शो कर सकता है, और इधर यहाँ से एक CH2 ग्रुप इधर लेके आ जाए तो ये भी शो कर सकता है, लेकिन इधर आप CH2 इधर रखोगे तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा। जैसे आपने CH3 CH2 CO CH3 ये 1-2 पे है और अभी भी यहां 1-2 पे है, ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो ये कभी भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। मेटामेरिज्म में कीटोन के लिए मिनिमम 5 कार्बन इज रिक्वायर्ड। विच ऑफ फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, तो लिविंग ग्रुप की देखो भाई NSR रिएक्टिविटी अपन पास किस पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा ये, तो लिविंग ग्रुप देखो ये जो CL है वो गुड लिविंग ग्रुप है, गुड LG है, ठीक है ना, और ये OC2H5 आ गया, इधर NH2 आ गया, इधर R आ गया आपके पास, तो ये सबसे फास्ट लीव करेगा तो फर्स्ट हो जाएगा। और वैसे आपको लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट देखना है तो
तो आप क्या करो, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, और वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, तो Cl के साथ में HCl बना लो, ऐसे R के साथ RH बना लो, O सिटोसाइड OH बना लो, NH2 के साथ NH3 बना लो, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन वीकली एसिडिक मीडियम गिव्स, देखो एसिडिक मीडियम में जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन का बोल रहे हैं, ये नाइट्रोबेंजीन है NO2 और आपने लिया है SnCl2, H+ लेते हो आप एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो यहां पर ये NO2 ग्रुप चेंज हो जाएगा आपका NH2 में। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो इसका तो एनिलीन बनेगी। वेल पॉपुलर क्वेश्चन है, कुछ आपने रिडक्शन वाले पढ़े हुए भी होंगे, तो रिडक्शन में क्या कुछ चीजें अपने को याद भी करनी पड़ती है बच्चों। इसके बाद में आइए COCl आया H2PdBSO4, ये रोजेनमुंड रिडक्शन है। रोजेनमुंड रिडक्शन में हमारे पास ये जो COCl ग्रुप जो है वो कन्वर्ट किसमें होगा बच्चों, CHO में ग्रुप में कन्वर्ट होता है, ये है रोजेनमुंड रिडक्शन। वेल पॉपुलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो आप ये देखिए इसमें CHO में कन्वर्ट होगा और ये PdBSO4 आपको पता है PD कैटलिस्ट होता है, BSO4 इसका पॉइजन का काम करता है जो इसको इसकी रिएक्टिविटी को रोकता है अप टू एल्डिहाइड तक, अदरवाइज नहीं तो एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होकर के अल्कोहल में जा सकता है। तो हमारे पास रोजेनमुंड रिडक्शन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिक्सटी टू नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट नॉट फॉर्म द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। देखिए ब्यूटेन जो है एल्कीन और एल्काइन से बन सकता है क्या, बन सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड आ सकता है इसमें कहीं पर भी। नियोपेंटेन में कभी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता बच्चों, देखो नियोपेंटेन ऐसे होता है, अब इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड आएगा तो वो गलत हो जाएगा आपका, ये इस तरह से नहीं बन सकता कभी भी। इसके बाद में हमारे पास मिथेन में कभी डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता, तो बी और सी, इथेन में डबल बॉन्ड आ सकता है तो बी और सी सेकेंड आंसर इज करेक्ट। हाइड्रोजिनेशन का प्रोडक्ट पूछा एल्कीन, तो आपके पास है इसमें देख लीजिए। ये अब आपके इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो गए। फिजिकल इनऑर्गेनिक का पार्ट है, अब लास्ट में हमारे पांच क्वेश्चन और है ऑर्गेनिक के। अब देखिए 86 करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप इन SN2। तो बच्चों आपको पता है आयोडीन जो होता है ना वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, तो ये हमारे पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट एनायन होता है वीक बेस, वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप, वीक बेस, ये लाइन याद रखो, वीक बेस आर गुड एलजी, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा आपका। मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेन प्रोडक्ट पूछा है आपको,
तो देखिए एच आई के साथ रिएक्शन कराओगे आप, तो यहां पर आयोडीन जो है बच्चों, अब ये एस एन टू रिएक्शन हो रही है, एस एन टू रिएक्शन। तो एस एन टू रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन लेस हिंडर्ड इथाइल ग्रुप, तो ये लेस हिंडर्ड हमारे पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर। तो देखिए ये आ गया, तो सेकेंड आंसर इज करेक्ट, एस एन टू टाइप रिएक्शन होगी। ये आपको पता है ऑक्सीजन के दोनों साइड में यदि 1 डिग्री 2 डिग्री है ना, तो हमारे एस एन टू रिएक्शन होती है, 3 डिग्री है कार और एलिल है बेंजिल है, तो फिर एस एन वन रिएक्शन होती है ईथर की। विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट शो जीमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई के लिए पूछ रहा है। तो देखिए अपन क्या करते हैं इसमें बच्चों, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन लेते हैं ऐसे, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और डिफर ग्रुप होने चाहिए और सेम प्लेन होना चाहिए, ये तीन कंडीशन होती है। तो जीआई के लिए तो अपन कुछ कंडीशन में कहते हैं जीआई शो करेगा। तो पहले में देखो 1,2-डाइक्लोरो-1-पेंटीन आ रहा है, तो 1-पेंटीन का मतलब ये डबल बॉन्ड आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां पर 1,2-डाइक्लोरो यानी 1 पर क्लोरीन है और 2 पर भी क्लोरीन है, तो यहां हाइड्रोजन है, तो ये जीआई शो कर गया आपका। फिर 1,3-डाइक्लोरो-2-पेंटीन, देखिए 2-पेंटीन है, ये कंडीशन आ गई, और 1 पर, ये तो 2-पेंटीन हो गया, 1 पर क्लोरीन लगा दो और 3 पर क्लोरीन लगा दो, तो फिर आपके पास देखो कंडीशन, फिर यहाँ एच आ गया, फिर जीए शो कर गया, लेकिन 1,1-डाइक्लोरो-1,1 आ गया, ये जीए शो नहीं करेगा, और 1,4 फिर वापस 1 और 4 पर आ जाएगा, तो फिर शो कर जाएगा आपके पास। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड इज करेक्ट। ग्रेमिल थैलेमाइड यूज इन द सिंथेसिस ऑफ, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ग्रेमिल थैलेमाइड से हम ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एलिफेटिक एमीन ही सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। अब अपन इसमें हम क्या करते हैं कि पहले स्टार्ट करते हैं थैलेमाइड से, थैलेमाइड से स्टार्ट करते हैं, फिर वहां पर बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, एनायन बनाते हैं, फिर हम वहां पर एलिफेटिक का एल्किल हैलाइड लेते हैं, और उसके बाद में ये एस एन टू रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है, तो बड़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो ये आप कर लोगे, नेमिंग रिएक्शन है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, विच कैन फॉर्म हेलो फॉर्म H2OH। देखिए बच्चों ये आपको बताया कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव हेलो फॉर्म नहीं दे सकते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं देगा, लेकिन इसमें आगे जाकर के हमारे पास इधर हाइड्रोलाइसिस करोगे OCH3, तभी भी ये नहीं देगा। फिर हमारे पास CH3OCOC2H5, तो ये कैन फॉर्म हेलो फॉर्म, ये दे सकता है, क्यों दे सकता है कि इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे ना तो आपके पास CH3CH2OH और बनेगा, ये हेलोफॉर्म शो करेगा। 1 डिग्री एल्कोल में इथाइल एल्कोल शो द हेलोफॉर्म रिएक्शन। फिर हमारे पास यहां बात करोगे तो ये हेलोफॉर्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH3CH2OH बनेगा, फिर ये आपका डायरेक्ट जो एसिड ग्रुप है वो सीधा शो करेगा ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो ये बच्चों जैसे आपने देखा कि हेलो फॉर्म का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हेलो फॉर्म कौन से कंपाउंड देंगे, एक तो एल्कोल में 1 डिग्री एल्कोल याद रखो, कार्बोनिल में एल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड हेलो फॉर्म देता है, और कोई एल्डिहाइड नहीं देगा, और कीटोन में आपके पास इस तरह के जो ग्रुप होते हैं CH3CO ग्रुप, ये जो है वो हेलो फॉर्म शो करेंगे, इससे हेलो फॉर्म बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हेलो फॉर्म, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि पेपर आपका आज का भी अच्छा हुआ होगा, ऑर्गेनिक का पेपर,
काफ़ी इजी भी है, स्कोरिंग भी है, ठीक है, और ऐसा ही एग्ज़ाम में पेपर इससे भी इजी पेपर आता है। तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अभी हमारे पास जो टॉपर बच्चा जो रहा है पहले, वो 690 पे, जैसे ज्योति जो है कुमावत 690 पे रही, उसके पहले हमारे पास आर्यन भी था, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे हमारे पास रहे हैं, जो टॉप जिन्होंने किया है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट रैंक है ना हिंदुस्तान में, फर्स्ट रैंक सीएलसी की हो, तो आप ये जो सपना है आप ही पूरा कर सकते हो। वो पेपर को करना कुछ नहीं, पेपर आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली मेंटेन करना है आराम से, ठीक है बच्चों, और बिल्कुल टेंशन नहीं करना, डिप्रेशन नहीं करना, लास्ट टाइम आपको बिल्कुल मेंटेन रह के चलना है। और जो बच्चा क्या है, जैसे पढ़ाई तो पूरे साल भर आपने कर ली, लेकिन अब आप इतने टाइम में देखो फिजिकली और मेंटली फिट होकर के, और यदि आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया ना, तो जो है सिलेक्शन की तो बात ही नहीं है। आप, मैं चाहता हूँ कि टॉप करें, टॉप 100 में आप आए, और मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट रैंक जो है वो सीएलसी को इस बार, और हमारा 25 और 30 का जो डिफरेंस है वो पूरा हो जाए, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से करें, और मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर ध्यान रखें, लास्ट तक मेंटेन रहे, थोड़ा बहुत आप सुबह 10-15 मिनट प्राणायाम जो है मेडिटेशन आप करिए, और दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स करके आपको रहना है बिल्कुल, और खाना अच्छे से खाना है, डाइट का भी अपना प्रॉपर ध्यान रखना है, और नींद का भी पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि नींद बहुत ही ज़रूरी होती है इस टाइम। पूरी नींद नहीं होती ना तो पेपर अच्छा नहीं होता है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं करना बच्चों, और ठोक के आना है, फोड़ के आना है, ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय सीएलसी, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवरतन जांगी, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दंगल नंबर 15। इसके बाद तो 16 दंगल अपन 12 सितंबर को होने वाला है। उम्मीद आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन। बहुत अच्छा हुआ होगा पेपर आपका। एक दो क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हुए, छोड़ने भी पड़े हैं, तो स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को आप थोड़ा देख लें और आप कॉन्फिडेंट रहें, है ना। नीट एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सैकड़ों क्लासेस लिए आपने खूब मेहनत की है, तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। और इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने डाले हैं, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन, गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप मेमोराइज करके आप नेक्स्ट पेपर के अंदर, अपने नीट एग्जाम के अंदर, 16वें दंगल के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर अपन बहुत अच्छा अपने को करना है। तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, SiO2 इज सोल्यूबल इन, वेरी इंपॉर्टेंट, SiO2 है ना, बहुत ही कम रिएक्टिव होगा, और अगर अपन बात करें इसकी रिएक्शन की तो HF के साथ में रिएक्शन शो करेगा SiO2। अगर अपन रिएक्शन कराएं इसकी HF के साथ में, तो स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले अपन प्रोडक्ट बना सकते हैं SiF4 प्लस 2H2O, और फर्दर रिएक्शन करवाएंगे यदि अपन SiF4 की, तो यहां पर 2HF अपन ले सकते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर H2SiF6। इसका तो कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, प्लस 2 प्लस अक्स माइनस 6 बराबर 0, तो यहां पर अक्स बराबर कितना हो गया 4। प्रोटोनिक एसिड है, IUPAC नाम क्या होगा, हेक्साफ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरिडो सिलिक फोर एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, और HF के साथ में SiO2 रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट ये बनेगा। आंसर इसमें कौन सा होगा, सेकंड। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, ये क्वेश्चन, विच इज नॉट अ मेथड टू प्रिपेयर H2O2, H2O2 बनाने की कौन सी विधि ठीक नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो NCERT की लाइन, ऑक्सीडेशन ऑफ 2-ethyl anthraquinol, इससे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले अपन जैसे बेरियम है ना, BaO2 दे रखा है, BaO2 में O2 क्या हुआ, परऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड जब कभी भी अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, डाइल्यूट एसिड से कराओ या फिर वाटर से कराओ, यहां पर क्या बनेगा बोलो, हाइड्रोजन परऑक्साइड देगा H2O2। जैसे फॉर एग्जाम्पल BaO2 की रिएक्शन आपने वाटर से करवाई, तो यहां पर क्या बनेगा बोलो, BaO प्लस H2O2। अगर आप एसिड से भी करवा दो, जैसे डाइल्यूट H2O सपोर्ट से आपने करवा दी, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा बोलो, BaO2 है, यहां पर बनेगा क्या, BaSO4 और H2O2। तो बात यह है कि फर्स्ट वाले में H2O2 बनाने का ठीक मेथड है,
BaO2 प्रोक्साइड की रिएक्शन आप वाटर से करवा रहे हो, बनेगा इसके अंदर। अपन देखते हैं फोर्थ ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? फोर्थ K2S2O8 K+, ठीक है ना, O- सल्फर ऑक्सीजन। अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रोक्सी लिंकेज होगा इसके अंदर, और अगर अपन बात करें इसके हाइड्रोलाइसिस की तो बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो KHSO4, क्या बनेगा प्रोडक्ट KHSO4, और यहां से क्या बनेगा बोलो KHSO5, KHSO5। इसकी फर्दर रिएक्शन होगी वाटर के साथ में, यहाँ पर क्या बनेगा KHSO4 और H2O2। तो स्टूडेंट्स अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट जो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। अपन चेक करते हैं सेकंड वाला, ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, अपन देखते हैं सेकंड वाला। अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर अपन बना देते हैं, यहाँ पर अगर आप इसकी बात करते हो हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट, बोलो क्या बनेगा यहाँ पर, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा OHH, यहाँ तो दो H2SO4 बनेंगे, अगर इनमें अगर कोई H2SO5 बनता तो अपन फर्दर हाइड्रोलाइसिस के बाद में प्रोडक्ट क्या बना देते, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। तो इसके अंदर हाइड्रोजन प्रोक्साइड नहीं मिल रहा, करेक्ट आंसर सेकेंड। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, Which of the following expression are correct for zero order and first order reaction respectively? तो आप जानते हो zero order reaction जो है वो x बराबर क्या होगा kt, x बराबर क्या होगा इसका जो integrated rate law क्या होगा, है ना, x बराबर kt। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर a बराबर zero आप रखोगे, ये dissociated amount है, तो आप कह सकते हो कि t half जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। अगर आपने इनिशियल कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर अपन बात करें, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो आंसर विल बी सेकंड। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बारे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, विच इज करेक्ट वेरिएशन ऑफ द इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज। सबसे पहला क्वेश्चन है बेरियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और बेरियम, यानी कि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। सॉल्युबिलिटी की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ए में जनरली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज, और सल्फेट जो है जनरल में आएगा, जनरल की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। लेकिन ये तो सेकेंड ए के दे रखे हैं अपने, वो सेकेंड ए के अंदर जनरली सॉल्युबिलिटी डिक्रीज एंड इंक्रीज फॉर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड C2O4-2। तो जनरली डिक्रीज और जनरल फॉर जनरल ऑर्डर फॉर सल्फेट, तो यहां पर ये ऑर्डर क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं अपन, जनरली डिक्रीज बट इंक्रीज फॉर OH- O-2 C2O4-2। तो यहां पर बट इंक्रीज है ना, हाइड्रोक्साइड के लिए इंक्रीज होगी, तो ये करेक्ट दे रखा है अपने को स्टूडेंट्स। अगर अपन बात करें थर्ड वाला, इसमें तो BCl2 दे रखा आगे पीछे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर अपन बात करें इसके फोर्थ ऑप्शन की, तो BCl2 LiCl MgCl2 NaCl, अपन जानते हैं स्टूडेंट्स कोवलेंट कैरेक्टर अपन किसके द्वारा बताएंगे, पोलराइजिंग पावर के द्वारा। तो पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, बेरिलियम के अंदर। तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, BCl2 के अंदर। इसमें NaCl दे रखा है तो ये क्या होगा, गलत। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना कौन सा, देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 67, बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। अगर अपन बात करें ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन की, तो ये अपने पास HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है ना। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये वाला। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कौन सी होगी, ये वाली होगी। अपन जानते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर भी एसिडिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ेगा, इससे भी डायरेक्ट। ये तो बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है, आंसर विल बी सेकंड। आंसर कौन सा होगा, सेकंड। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, द मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड इज परक्लोरिक एसिड, करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। चलिए जी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये वाला, द ब्लू कंपाउंड फॉर्म इन द पॉजिटिव टेस्ट फॉर नाइट्रोजन विद लेसानी सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ये क्वेश्चन जो है हो सकता है आपका गलत हो गया हो, ठीक है ना। वैसे अपन नाइट्रोसोपोसाइड वाला टेस्ट देखते हैं सल्फाइड आयन के लिए, उसके अंदर तो प्रोडक्ट अपना कौन सा बनेगा बोलो, ये वाला Na4FeCN6NOS। लेकिन पूछा किसके लिए है, फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं, मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे रखा है जिसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो अपन रिएक्शन करवाएंगे सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या बनेगा, NaCN, जो कि एक सोल्यूबल कंपाउंड बनेगा। अब अपन NaCl की रिएक्शन करवाएंगे, अगर नाइट्रोजन का अपन टेस्ट कर रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ में सोल्यूबल सोडियम साइनाइड कंपाउंड बना लिया अपन ने, सोडियम साइनाइड, तो इसमें अपन FeSO4 डालेंगे, FeSO4 अपन डालेंगे, FeSO4 अगर अपन डालते हैं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सोडियम साइनाइड बना इस सॉल्यूशन के अंदर अपने FeSO4, तो यहां पर अपन 4 ले लेते हैं, तो Na4FeCN6, इसको बैलेंस स्टूडेंट्स अपन कर लेंगे, यहां से प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बनेगा। कंफर्मेटरी अपन टेस्ट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन के अंदर अपन ले सकते हैं Fe+3 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बोलो, Fe4FeCN6 thrice, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रशियन ब्लू, ब्लू कलर का कंपाउंड होगा, इसके अंदर ऑक्सीजन स्टेट फर्स्ट आयरन की कौन सी होगी 3 और सेकंड की कौन सी होगी 2, नाम क्या होगा, फेरिक हेक्सासाइनो हेक्सासाइनिडो फेरेट फेरेट सेकंड, या फिर इसको अपन फेरी फेरोसाइनाइड भी बोल सकते हैं, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स अपन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, px orbital probability of finding electron residing in a px orbital is 0। तो स्टूडेंट्स इसमें तो सिंपल सी बात है, px orbital अगर आपने लिया है, px orbital अगर आपने लिया है तो आप जानते हो कि इसमें स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आप कह सकते हो इसके अंदर नोडल प्लेन कौन सा होगा, नोडल प्लेन विल बी YZ, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर PY ऑर्बिटल होता तो आप क्या बोलते बोलो, PY ऑर्बिटल होते तो अक्ष वाई आप प्लेन बोल देते, और अगर PZ ऑर्बिटल होता तो PZ ऑर्बिटल अगर होता Z एक्सिस है तो कौन सा प्लेन आता, अक्ष वाई, एंगुलर नोड, नोडल प्लेन कौन सा होगा इसके अंदर, PX की बात करिए तो YZ होगा, आंसर विल बी फर्स्ट। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है आपका रिएक्शन टू N2O5 4NO2+O2, है ना। इस रिएक्शन के लिए आपको कुछ चीजें दे रखी है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 7.2 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 20 मिनट NO2 इज 3.6 मोल पर लीटर, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन मोल पर लीटर, है ना। अब अपन इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें तो अपने पास रिएक्शन दे रखी है N2O5 दे रखा है अपने को, यहां पर क्या बन रहा है 4NO2+O2। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन के लिए अगर अपन मैं रेट, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1/2 डेल्टा N2O5/ΔT, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, यहां पर लिख सकता हूं 1/4 डेल्टा NO2/ΔT, ये रेट ऑफ, है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। यहां पर क्या लिख सकता हूं अपन, यहां पर बराबर का साइन लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन। अपन बात कर रहे हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो अपन लिख सकते हैं ओनली रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 विल बी माइनस ऑफ डेल्टा N2O5/ΔT, ठीक है ना, ये तो हुआ डिसोसिएशन। और अगर अपन NO2 के फॉर्मेशन की रेट के बारे में बात करें, है ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 विल बी डेल्टा NO2/ΔT। तो स्टूडेंट्स ये तो आप चीजें जानते हो, तो अब अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, देखो इधर अब आपको सिंपल मोल कंसेप्ट अपन इसके अंदर लगा रहे हैं, ये रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री आपको इस टाइप से बोल रही है। अब अपने को ये बोल रहा है कि इनिशियली आपने 7.2 मोल लिया है, यहां पर कितना लिया 7.2 मोल पर लीटर,
यहाँ पर अपन इनिशियली बोला है तो अपन यहाँ जीरो ले सकते हैं, पर NO2 की कंसंट्रेशन 3.6 है। आप जानते हो स्टूडेंट्स, अगर अपन ये कहें कि इसके चार मोल बनते हैं तो इसके दो मोल कम होंगे, इसका मतलब अपन कह सकते हैं 1.8 मोल जो है इसका कम होगा, ठीक है ना। 7.2 माइनस 1.8 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पर कितना होगा 20 मिनट के बाद में 5.4 आपके पास हो गया। इनिशियली कितना था 7.2, तो अपने को निकालना बेसिकली क्या है, डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा T अपने को निकालना है, ठीक है ना। तो अपने पास कितना आ गया भाई, पहले अपने पास 7.2 था और बाद में बच गया कितना 5.4, तो माइनस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो आंसर अपना प्लस में आएगा। तो अपन लिख सकते हैं 5.4 माइनस 7.2 और यहाँ पर 20 मिनट का इंटरवल है तो अपने पास माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, 1.8 बाई 20 ये कितना हो जाएगा 0.09, तो आंसर विल बी फर्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर ऑफ वन मोल ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए है ना, इसमें प्रेशर दे रखा है आपको, पिनोट दे रखा है 100 mmHg एंड 3 मोल ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। तो क्वेश्चन ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर आप अगर डेविएशन के बारे में देखोगे तो राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव डेविएशन, एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है वो क्या आपको मिलेगी ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके अंदर कम होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बिटवीन ए एंड बी एंड बिटवीन बी एंड बी है ना। तो इसके अंदर सारे स्टेटमेंट क्या है करेक्ट, सॉल्यूशन का एक बहुत ही है ना सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 72, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनायन प्रेजेंट इन Cl2O6। अगर अपन Cl2O6 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं Cl2O6 जो है वो Clo2 प्लस और Clo4 माइनस। अगर अपन Clo4 माइनस की बात करें तो इसके अंदर Clo माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा और ज्योमेट्री कैसी होगी बोलो, टेट्राहेड्रल। तो सॉलिड स्टेट के अंदर आप ये कह सकते हो कि Cl2O6 सॉलिड जो है वो आयनिक फॉर्म में रहता है इस टाइप से। अगर अपन बात करें इसके अंदर और कोई एग्जांपल जैसे PCl5 है वो PCl4 प्लस प्लस PCl6 माइनस में रहेगा, PBr5 जो है वो PBr4 प्लस Br माइनस के रूप में रहेगा, है ना। तो इस टाइप से ये कुछ सॉलिड स्टेट में जो आयन सकते हैं स्टूडेंट्स वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, विच ऑर्डर आर करेक्ट। इसमें थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जैसा कि अपन जानते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो कैटायन एनायन के बीच में अगर साइड डिफरेंस कम है, अगर साइड डिफरेंस कम है तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि वहां पर अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा, पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी बोलो, ज्यादा। ऐसा कब होगा, जब लार्ज कैटायन के साथ में लार्ज एनायन होगा या स्मॉल कैटायन के साथ में स्मॉल एनायन होगा। तो अपन जानते हैं कि सल्फेट जो है वो एक पॉलीएटॉमिक है, सल्फेट कैसा है पॉलीएटॉमिक है, और पॉलीएटॉमिक एनायन को अपन क्या लेंगे, लार्ज एनायन के अंदर अपन लेंगे तो लार्ज कैटायन के साथ में स्टेबल होगा तो ये सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा। तो इसके अंदर पहला तो करेक्ट है, दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा स्टूडेंट्स अगर अपन देखें तो बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं तो अपन ये जानते हैं कि ZnO और BO तो एम्फोटेरिक है, क्या है एम्फोटेरिक, मतलब इसमें तो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर है और ये ओनली बेसिक है तो ऑब्वियसली बेसिक नेचर ZnO को ज्यादा दे रखा है, ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट अपना सही था। सॉल्युबिलिटी इन वाटर है ना, तो अगर अपन फर्स्ट है कि हाइड्रोक्साइड दे रखे हैं तो फर्स्ट है के अंदर जनरली सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है और हाइड्रोक्साइड जो उसी में आएगा तो अपन ये कह सकते हैं कि जनरली है ना, अगर अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इंक्रीज होती है सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पर डिक्रीज दे रखा है तो ये क्या हो गया गलत हो गया। अगर अपन बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन के बारे में तो अपने को इसमें दे रखा है फर्स्ट है के हेलाइड में क्लोराइड दे रखा है तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। अगर अक्ष बराबर क्लोरीन और ब्रोमीन है तो स्टूडेंट्स लिथियम को छोड़कर यहां पर आपको लैटिस एनर्जी से क्वेश्चन करना है
आप जानते हो इस साइड में अपन जाएंगे तो आर प्लस प्लस आर माइनस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगी और उससे मेल्टिंग पॉइंट घटेगा, है ना, इस साइड में मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। लेकिन लिथियम की स्मॉल साइज के कारण पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के कारण इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे और कोवलेंट कैरेक्टर के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो NaCl का सबसे ज्यादा, फिर KCl का, फिर RBCl का, फिर CHCl का और उसके बाद में स्टूडेंट्स LiCl का। बात क्लियर है क्या? तो आप ये कह सकते हो कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है और ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, आंसर विल बी फर्स्ट। बात क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पी ब्लॉक का एनसीईआरटी का बहुत सिंपल सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर अपन फॉस्फीन के बारे में बात करें, अगर ये प्योर कंडीशन में है तब तो अपन इसको बोल सकते हैं नॉन इनफ्लेमेबल। लेकिन अगर आपको केवल फॉस्फीन बोल रखा है तो इसके अंदर इम्प्योर अपन इसको लेके चलते हैं और इम्प्योर के अंदर इम्प्योरिटी बेसिकली किसकी होती है बोलो, P2H4 की। और इस P2H4 जो है वो इनफ्लेमेबल नेचर का होता है। तो आप ये कह सकते हो कि एयर की प्रेजेंस के अंदर ये बर्न होगा और जिसके कारण आपको फ्यूम्स नजर आएंगे, है ना, ये स्मोकी रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। तो आंसर विल बी फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या बोला है, इन ग्रेफाइट सीसी बॉन्ड लेंथ 141.5 पिकोमीटर फाउंड टू बी शॉर्टर देन नॉर्मल सीसी बॉन्ड लेंथ, है ना। नॉर्मल कार्बन कार्बन बॉन्ड की तुलना में ग्रेफाइट के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ क्या आ रही, कम आ रही है, इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रेफाइट की लेयर वाली स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से, ठीक है ना। एक लेयर के अंदर एक कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से कितने कार्बन से जुड़ा होता है, 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ठीक है ना। इस टाइप की अपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एक कार्बन एटम जो है वो 3 अन्य कार्बन एटम से एक लेयर के अंदर जुड़ा रहता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। अपन जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो अपने पास वैलेंसी होती है कार्बन की कितनी होती है, 4। इसका मतलब एक वैलेंसी इसकी फ्री है, तो 2 लेयर के बीच में इस फ्री वैलेंसी के कारण ही कोवलेंट सॉलिड होते हुए भी ये क्या है, कंडक्टर है और सॉफ्ट सॉलिड है। इसके उलट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कोवलेंट सॉलिड की क्या होती है, काफी हार्ड होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ग्रेफाइट अपवाद क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट की फोर्थ वैलेंसी यहां पर फ्री है और वो 2 कार्बन के बीच के अंदर प्रेजेंट होती है। या फिर आप उसको ये कह सकते हो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी फ्री वैलेंसी है, तो यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या, कौन से बॉन्ड का, कोलेट्रल पी पाई पाई बॉन्ड। और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ में भी बना सकता है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बना सकता है, तो डी लोकलाइज पाई बॉन्ड होगा। वो जो फ्री वैलेंसी है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ इधर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड डी लोकलाइज है, जिसके कारण यहाँ पर आप ये कह सकते हो सीसी बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, अपन ये कह सकते हैं लेयर के अंदर पी पाई बॉन्ड होते हैं और वो डी लोकलाइज रहते हैं, है ना। इसके कारण आप कह सकते हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो नॉर्मल जो बॉन्ड लेंथ होती है उससे क्या होती है, यहाँ पर कम होगी। तो आंसर विल बी फर्स्ट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। इन रिएक्शन आपको एक रिएक्शन दे रखी है स्टूडेंट्स, ये वाली रिएक्शन दे रखी है, ठीक है ना, कैपिटल एल स्मॉल एम मोल दे रखे हैं आपको एम के, ठीक है ना। इन कंडीशन ऑफ सडन वॉल्यूम इंक्रीज, अपन जानते हैं कि डिसोसिएटेड अमाउंट अगर अक्स है तो अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी की पावर डेल्टा एनजी अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये एक मैं आपको रिलेशन बता रहा हूं। इससे क्या है कि अगर मान लो ये डेल्टा एनजी अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट करेंगे तो अगर अक्स बढ़ेगा तो आप मान के चलो वियोजन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर आप ये कह रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ाने पर डिसोसिएशन घट रहा है, इसका मतलब डेल्टा एनजी का मान क्या होगा बोलो, नेगेटिव होगा। डेल्टा एनजी का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात क्लियर है क्या?
डेल्टा एन जी का मान नेगेटिव होगा तभी आप जो है वो ये रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव कब होगा, जब रिएक्टेंट के मोल गैसेस मोल जो है वो एल और एम की तुलना में क्या होंगे, ज्यादा। बोलो भी बात क्लियर है क्या? एक के जो ये रिएक्टेंट के जो मोल है वो प्रोडक्ट के मोल की तुलना में क्या होंगे, ज्यादा। तब अपन कह सकते हैं कि डेल्टा एनजी का मान नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तभी ये डिसोसिएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आंसर विल बी 4। चलो स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 77 क्वेश्चन। देखो आप, एक काफी फेमस सा क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो ना अल्फा दे रखा आपको 1.9 × −7% डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 g/cm³ द आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर विल बी। अब देखो इधर अपन बात करते हैं, अगर अपन वाटर के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो अपन लिख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये H+ और OH- के अंदर टूटेगा। आप इनिशियली कंसंट्रेशन C ले लेते हैं, मान लेते हैं C में से C अल्फा जो है डिसोसिएट हो गई, तो आप यहां पर लिख सकते हो है ना, K का मान आप वाटर के लिए लिख सकते हो क्या, C अल्फा इंटू C अल्फा, और नीचे लिख सकते हो C इंटू 1 − α। तो अपन इसको आगे लिख सकते हैं स्टूडेंट, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन C माइनस C अल्फा है तो C को तो कॉमन अपन ने ले रखा है 1 − α, तो C से C कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 − α। अल्फा का मान 5% से अगर कम होता है तो अपन इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं C अल्फा स्क्वायर। तो अपने को C अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। आगे अपन बात करते हैं, तो अपने को वाटर की कंसंट्रेशन अगर आपको निकालनी है तो अपन 1000/18 तो 55.56 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन आएगी। डेंसिटी का मान अपने को कितना दे रखा है, 1 g/cm³। इसका मतलब अपन कह सकते हैं 1000 ग्राम जो है वो वेट ले सकते हैं 1 लीटर का। तो अपन यहाँ पर कंसंट्रेशन सी का मान इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो के का मान कितना होगा, सी का मान दे रखा आपको 55.56 और अल्फा का मान दे रखा है 1.9 × 10⁻⁷ − 7% दे रखा है। तो 100 से मैं डिवाइड कर देता हूं और इसको स्क्वायर कर दूंगा, तो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करने पर आपका आंसर आएगा कौन सा, 4th आएगा। बात क्लियर है क्या? तो अपन स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 78। ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, चलो अपन बात करने जा रहे हैं, डाइक्रोमेट आपको दे रखा है, डाइक्रोमेट आपको दे रखा है और ये जा रहा है किसमें, Cr+3 के अंदर, ठीक है ना। इस रिएक्शन को अपने को इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस और वाटर मॉलिक्यूल के टर्म्स में अपने को बैलेंस करना है। तो अपन क्यों ना सबसे पहले तो क्रोमियम को बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप चार्ज को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अपन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में हटाएंगे, 7 ऑक्सीजन को, तो अपने को 14H+ काम में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब अपन चार्ज को जब बैलेंस करेंगे तो अपने को 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे दोनों साइड के चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के लिए तो डिजिट अपने पास कौन सी आएगी, 6 आएगी, आंसर तो आपका ये आ गया। H+ के लिए अपने पास डिजिट कौन सी आएगी, 14 आएगी, और वाटर मॉलिक्यूल के लिए अपने पास कौन सा आएगा, 7, तो आंसर विल बी 3rd। स्टूडेंट्स बात क्लियर है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपने को एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिजीज ऑप्शन। देखो फिजीज ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो अपन जानते हैं कि जो एडजोरबेट और एडजोरबेंट के बीच के अंदर, ठीक है ना, यहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा एडजॉर्प्शन के दौरान, एडजोरबेट और एडजोरबेंट के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होगा, वीक वांडरवाल फोर्स। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स, अगर वीक वांडरवाल फोर्स है तो वो एक प्रकार से इन पार्टिकल्स को डिसॉर्प्शन करना भी इजी होगा, वापस से एडजॉर्प्शन भी इजी होगा, मल्टीलेयर्ड। तो आप कह सकते हो कि वांडरवाल फोर्स की रेंज क्या होती है, ज्यादा, तो ज्यादा लेयर जो है वो फॉर्मेशन होगा। अगर केमीज ऑप्शन होता तो सिंगल लेयर होता, लेकिन अपन ये कह सकते हैं, फिजीज ऑप्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो अपन कह सकते हैं
है ना, मल्टी लेयर्ड होगा, और रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला पॉइंट गड़बड़ है। ये गड़बड़ इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कोई सफिशियंट, कोई सिग्निफिकेंट एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। वांडरवाल फोर्स फॉर्मेशन के लिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी का कोई स्पेसिफिक वैल्यू की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, है ना। तो ये अपना आंसर जो है वो फिजिज ऑप्शन के लिए नहीं होगा। इट डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप जानते हो कि अगर अपन कह सकते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप जानते हो कि एंट्रोपी का मान डिक्रीज होता है एडजॉर्प्शन के अंदर, डेल्टा एच का मान नेगेटिव है। आप ये कह सकते हो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो गया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ेगी जो डेल्टा जी नेगेटिव को लेस नेगेटिव बनाएगी, और लेस नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनिटी डिक्रीज होगी, है ना। तो आप कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी का मान लेस नेगेटिव हो रहा है ना, तो अपन कह सकते हैं स्पॉन्टेनिटी डिक्रीज होगी, यानी एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपका गड़बड़ आंसर इसमें कौन सा है स्टूडेंट्स, थर्ड वाला। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉपर इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए अपन ने कॉपर इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं, अपन कॉपर का इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉपर का इलेक्ट्रोड अपन काम में ले रहे हैं, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने काम में लिया है, कॉपर सल्फेट, और उससे क्या हुआ 2.5 ग्राम कॉपर कैथोड पर, ये इलेक्ट्रोड भी कॉपर का है, ठीक है ना। ये अपने कैथोड ले लिया, ये आपने एनोड ले लिया। आप जानते हो कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है रिडक्शन होता है। अब 2.5 ग्राम कॉपर अगर मान लो डिपॉजिट हो रही है तो वो कहां पर होगी स्टूडेंट्स, वो कैथोड पर डिपॉजिट होगी, क्योंकि Cu+2 अगर डिपॉजिट हो रहा है इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस कहां पर होगी, यहां पर। और कॉपर आएगा कहां से, कॉपर आएगा अपने पास एनोड से, कहां से आएगा एनोड से। तो आप ये कह सकते हो एनोड पर जितना मास डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर, उतना एनोड पर क्या होगा कम हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट आंसर आपका क्या होगा करेक्ट। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में अपने बोला एन एजियोट्रॉपिक मिक्सर ऑफ टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ देम व्हेन इट, तो ये बहुत ही सिंपल सा, इसमें नेगेटिव डेविएशन जो है वो राउट दो से अपन कह सकते हैं शो होगा। तो आंसर इसका कौन सा होगा, सेकेंड होगा। अपन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो रॉन्ग है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर अपन सेकेंड वाले के ऑप्शन के बारे में अपन बात करें, सेकेंड वाले ऑप्शन के बारे में बात करें तो पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म है, पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म है, पीरियोडिक टेबल का जो लॉन्ग फॉर्म है उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंडेंट है। कैसे, अगर मैंने बोल दिया हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये 1s1 है ना, 2s1 2s1 3s1, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम वाले को अपन एक ग्रुप दे रखा है। तो बेसिकली लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट करेक्ट है। अपन ऑप्शन थर्ड देखते हैं कि मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, बिल्कुल मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर ही डिपेंड करती है, यह भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मेंडलिफ की पीरियोडिक टेबल में 9 जो है वो क्या है, कॉलम है, जिसको अपन ग्रुप कहते हैं, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें 1 to 7 वो आपको पता है स्टूडेंट्स ए और बी के अंदर क्लासिफाइड थे, 8th ग्रुप जो था वो क्लासिफाइड नहीं था। फिर रैमसे नाम के साइंटिस्ट ने जो इनर्ट गैसेज की डिस्कवरी की थी है ना, उसको अपने कौन से ग्रुप में रखा था, 0 में। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं अपन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन जो करेक्ट है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि एटॉमिक नंबर की जगह पर एटॉमिक मास होगा। अगर ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर थोड़ा अपन अगर एटॉमिक मास होता तो आपका ये कोई क्वेश्चन होता और आपका आंसर जो है वो कौन सा हो जाता, फर्स्ट। बाकी यहाँ जो चारों ऑप्शन है इसमें एटॉमिक नंबर की जगह पर मास रीड करो बेटा, तब आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। अदरवाइज इसके अंदर चारों ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर रह गई, टाइपिंग मिस्टेक, एटॉमिक मास यहाँ पर कंसिडर करें। चलो अपन नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं स्टूडेंट्स 83 वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपको चार एलिमेंट के बारे में बात की गई है। एक तो एलिमेंट अपने पास P, एक Q, एक R और एक कौन सा है S। अगर इसमें ये बोला है अपने को कि Z बराबर अपने पास 17 है और P जो है वो Z माइनस 1 है, इसका मतलब 16 होगा। Q जो है वो Z है, इसका मतलब 17 इसका एटॉमिक नंबर है। Z प्लस 1 का मतलब 18 है और यहाँ पर कितना होगा 19। तो एलिमेंट कौन सा हो गया यहाँ पर, 16 का मतलब सल्फर हो गया, 17 का मतलब क्लोरीन हो गया, 18 का मतलब आर्गन हो गया और 19 का मतलब पोटेशियम हो गया। तो इसमें पूछा है कि आयोनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा बनेगा, तो अपन जानते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर डेल्टा ई एन का मान मैक्सिमम होगा, तो आंसर विल बी क्यू एंड एस और एस और एस एंड क्यू, तो आंसर विल बी फर्स्ट। बात क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा है, लीस्ट मोबाइल पूछा है। कौन सा पूछा है अपने को, लीस्ट मोबाइल, लीस्ट मोबाइल। तो आप जानते हो कि बेसिकली लीस्ट मोबाइल अगर आपको पूछा है, इसका मतलब जिसकी मैक्सिमम साइज होगी, मैक्सिमम हाइड्रेटेड साइज होगी, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अगर अपन बात करें अपने पास एक तो है बेरिलियम प्लस टू है, एक आपके पास सोडियम प्लस है, एक आपके पास मैग्नीशियम प्लस टू है और एक आपके पास लिथियम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में अपन जानते हैं कि ये चार्ज अपॉन साइज, जिसकी साइज सबसे कम होगी उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा। तो बेरिलियम प्लस टू सबसे कम साइज वाला है, इसका मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा, मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा और साइज ऑफ मैक्सिमम हाइड्रेटेड आयन विल बी फॉर बेरिलियम। बेरिलियम वाटर के अंदर सबसे बड़ा होगा, जो साइज में सबसे छोटा है वो वाटर में सबसे बड़ा होगा। तो बेरिलियम का हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा और हाइड्रेटेड, बड़े से हाइड्रेटेड इस बेरिलियम आयन के द्वारा इसकी मोबिलिटी क्या आने वाली है, कम आने वाली। स्टूडेंट्स आंसर विल बी फर्स्ट। चलो स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन द साइनाइड प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ओर्स द साइनाइड सॉल्यूशन एक्ट एज ए, है ना, साइनाइड सॉल्यूशन के बारे में अपने को बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अपन जानते हैं कि जब भी अपन कंसंट्रेशन की बात करते हैं और एजी और एयू के लिए जब अपन काम में लेते हैं, तो अपन एनएससीएन काम में ले सकते हैं या फिर अपन पोटेशियम साइनाइड काम में ले सकते हैं। उससे अपने पास एक सोल्यूबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है, सोल्यूबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है और साइनो कॉम्प्लेक्स को फिर अपन मेटल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा, मेटल डिस्प्लेसमेंट के द्वारा अपन मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर जो अपन ये रिएजेंट काम में लेते हैं ना, इस रिएजेंट को अपन बेसिकली, इसमें खास बात क्या है कि ये अपने डिजायर्ड ओर जो अपना नॉन कंसंट्रेटेड ओर जो है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो है ओर और दूसरी कौन सी है, इम्प्योरिटी है। तो इसमें रिएजेंट की खास बात क्या होती है कि वो ओर के साथ में तो रिएक्शन करेगा और इम्प्योरिटी के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा। इसको अपन बोलते हैं लीचिंग या निक्सालन। तो अपन कह सकते हैं साइनाइड प्रोसेस जो एजी या एयू के लिए अपन काम में लेते हैं, कंसंट्रेशन का एक केमिकल मेथड है और अपन रिएजेंट इस टाइप का काम में लेते हैं जो अपने डिजायर्ड ओर के साथ में एक सोल्यूबल कंपाउंड बनाए और इम्प्योरिटी के साथ में इनसोल्यूबल रहे, और इस प्रोसेस को अपन लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग एजेंट हो गया ये, लीचिंग एजेंट टू ब्रिंग गोल्ड एंड सिल्वर इनटू ए सॉल्यूशन एज साइनाइड, है ना, साइनाइड कॉम्प्लेक्स एंड दस सेपरेट दीज मेटल फ्रॉम इम्प्योरिटी। इसको अपन कॉम्प्लेक्स के रूप में अलग कर लेते हैं और इम्प्योरिटीज अपनी क्या रह जाती है, साइड में रह जाती है। तो आंसर विल बी इसमें, आंसर कौन सा होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ये तो आपने ऑर्गेनिक में डिस्कस कर लिया होगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपने डिस्कस कर लिया। अपन आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपने डिस्कस कर लिया, ये वाला क्वेश्चन भी आपने डिस्कस कर लिया, है ना, ये वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या है, इफ टू डिफरेंट नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं डी ऑर्बिटल्स की। अपने पास पांच ऑर्बिटल है, एक तो है डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है और डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और एक कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। ये तो आपके पास एक्सियल है, तो आपको नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स में से बात कर रहा है। तो अपने पास ये तीन ऑर्बिटल है, बात क्लियर है।
अब इसमें बोला है हैविंग एक्सजेड नोडल प्लेन, तो सबसे पहले तो डीएक्सवाई में नोडल प्लेन अपन चेक करते हैं, तो नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक तो होगा स्टूडेंट्स एक्सजेड और एक कौन सा होगा वाईजेड, इसमें कौन सा होगा एक्सवाई होगा और कौन सा होगा स्टूडेंट एक्सजेड, इसमें नोडल प्लेन कौन सा होगा एक्सवाई होगा और स्टूडेंट इसमें कौन सा होगा वाईजेड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ टू डिफरेंट नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैविंग एक्सजेड नोडल प्लेन, एक्सजेड इसमें है और इसमें है, तो ये अपना ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। एक्सजेड नोडल प्लेन वाले दो डिफरेंट डी ऑर्बिटल, इसका मतलब एक्सजेड वाला सेम डी ऑर्बिटल नहीं है, दो ऑर्बिटल दोनों क्या है डिफरेंट है, इसका मतलब अपने ऑर्बिटल्स कौन से हैं डीएक्सवाई और डीवाईजेड है। तो देखो डीएक्सवाई और डीवाईजेड ऑर्बिटल ये डिफरेंट नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हो गए, जिसके अंदर आप कह सकते हो कि एक्सजेड नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा। अब क्या बोल रहा है, क्या ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन सी एक्सिस के अलोंग करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स अगर मैं डीएक्सवाई की अगर मैं बात करता हूं तो ये डीएक्सवाई ऑर्बिटल हो गया, ठीक है ना। अब अगर दूसरा ऑर्बिटल अगर इसको पाई बॉन्ड बनाना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दूसरा डीएक्सवाई ऑर्बिटल ही हो और एक्स एक्सिस के अलोंग आए या फिर वाई एक्सिस के अलोंग आए। अगर यहां पर डीएक्सवाई ऑर्बिटल है तो वो पाई बॉन्ड किसके साथ बना सकता है, अगर डी ऑर्बिटल्स में से अपन सोचे तो ओनली डीएक्सवाई ऑर्बिटल के साथ में ही एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग बना सकता है। लेकिन इसमें अपने पास ऑर्बिटल कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल कौन सा है अपने पास, दूसरा ऑर्बिटल डी वाई जेड है, है ना। तो डी वाई जेड का मतलब आप समझ गए होंगे, इसमें जेड एक्सिस के अलोंग आ रहा है वो, तो एग्जैक्टली वो ऑर्बिटल जो है वो इस टाइप से आएगा, वाई जेड वाला जो है इस प्लेन के अंदर बिटवीन द एक्सिस लॉब होगी, बात क्लियर है क्या, इस प्लेन के अकॉर्डिंग डी वाई जेड ऑर्बिटल आएगा, ठीक है ना। और इस प्लेन के अंदर जो एक्सिस बन रही है उसमें एक प्रकार से बिटवीन द एक्सिस लॉब होगी, तो जीरो ओवरलैपिंग होगी, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। बात सबको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि आंसर कौन सा होगा, फोर्थ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज थर्मली मोस्ट स्टेबल। तो अपन जानते हैं कि इसके अंदर अपने को कार्बोनेट बोला है, एक पॉली एटोमिक एनायन है और पॉली एटोमिक एनायन को अपन लार्ज एनायन मानते हैं, और लार्ज एनायन जो है वो स्टेबल विथ स्टेबलाइज बाई लार्ज कैटाइन, इसका मतलब लार्ज कैटाइन में कैटाइन सबसे बड़ा कौन सा है, पोटेशियम सबसे बड़ा है, तो पोटेशियम के साथ में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, पोटेशियम कार्बोनेट की होगी स्टूडेंट्स, आंसर विल बी थर्ड। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह है जो कि मेटलर्जी का है। मेटलर्जी में अपन एक पॉइंट पढ़ते हैं एल्युमिनियम डायग्राम, बेसिकली डेल्टा जी नेगेटिव और वर्सेस टेम्परेचर ये ग्राफ होता है। आप जानते हो कि ऑक्साइड का फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए है, इसमें कोई लाइन जितनी नीचे है इसका मतलब उसके फॉर्मेशन के दौरान डेल्टा जी का मान नेगेटिव उतना ही ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड उतनी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो अगर डिकम्पोजिशन की बात करवानी है तो आपको पता है मेटल ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मेटल ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जिस मेटल ऑक्साइड का आपको रिडक्शन करवाना है उसका वैल्यू जो है वो यहाँ से अपन पॉजिटिव के रूप में, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव दे रखा है, अपन जो डिकम्पोजिशन करवाना है तो वही वैल्यू अपने लिए नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो अपने को इसमें FeO को रिड्यूस करना है, तो FeO को रिड्यूस करना है तो ये वाली वैल्यू जो कम पॉजिटिव हो तो अच्छा है, और रिड्यूस किसके द्वारा करना है, कार्बन के द्वारा, तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, तो वो तो ज्यादा से ज्यादा एक प्रकार से डेल्टा जी का मान नेगेटिव दे तो अच्छा है, इसका मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन जिस रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा हो रहा है वो लाइन जो है वो क्या होनी चाहिए, नीचे। तो रिड्यूसिंग एजेंट को जो काम में ले रहे हो वो लाइन एल्युमिनियम डायग्राम में कहां होनी चाहिए, नीचे। तो ये लाइन नीचे कहां से है, पॉइंट ए से है स्टूडेंट्स, पॉइंट ए के बाद में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का काम, रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो इस रिएक्शन में भी हो सकता है,
लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि प्रोडक्ट कौन सा बने सीओ, इसका मतलब इस लाइन के बारे में अपने को सोचना है। पॉइंट एक के बाद में है ना, कार्बन जो है वो एफयू को रिड्यूस करके प्रोडक्ट क्या देगा, सीओ देगा। या फिर एक सिंगल सेंटेंस में अपन कंक्लूजन की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स एलिंगम डायग्राम में जो लाइन नीचे आती है उसका एलिमेंट अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऊपर आने वाली रिएक्शन के जो ऑक्साइड है उसका डिकम्पोजिशन के लिए, उसके रिडक्शन के लिए। तो अपन कह सकते हैं आंसर इसमें कौन सा होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा इसके अंदर अबो, ये थर्ड वाला आंसर इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लिगेंड कैन स्टेबलाइज नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक मेटल। आपने मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्डिंग भी पढ़ी होगी है ना, आपने पॉलीमराइजेशन भी पढ़ा होगा, ईएन रूल जब आपने पढ़ा था, तो आप एक चीज देखो, अगर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है जैसे NiCO4 हो गया स्टूडेंट्स, FeCO5 हो गया, CrCO6 हो गया, इन सब के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो है वो कितनी है बोलो, जीरो। कितनी है स्टूडेंट्स, जीरो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि FeCO4 है, इसके लिए आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे, Z-OS+2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर Z का मान स्टूडेंट्स कितना है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहां पर कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब EN रूल फॉलो नहीं करेगा, EN रूल तो फॉलो अगर 36 होता तो करता। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एक्ट एज OA। तो ये कन्वर्ट हो सकता है स्टूडेंट्स FeCO4-2 के अंदर, और इस कंडीशन में वो EN वैल्यू 36 लाएगा, मतलब EN रूल को फॉलो करेगा। तो बेसिकली इस कंपाउंड, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है, इस कंपाउंड में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, माइनस में है। तो आप कह सकते हो कि कार्बोनिल एक ऐसा लिगेंड है जिसके साथ में मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है स्टूडेंट्स, तो अपना आंसर इसमें कौन सा जाएगा, थर्ड। अब अपन बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अगर अपन बात करें एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट का पूछा है, तो पहले तो अपन बात करें Xc-F6 के बारे में। अगर Xc-F6 के बारे में बात करें तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, 6 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है और 6 क्या है स्टूडेंट्स, बॉन्ड पेयर। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसा होगा, sp3d3। आप ये कह सकते हो इसकी ज्योमेट्री किस टाइप की होगी है ना, पेंटागोनल पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना, इस टाइप से। एक एक्सियल बॉन्ड इसके पास फ्लोरीन का है और बाकी फ्लोरीन जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, बात क्लियर है क्या, बीच में सेंटर में कौन होगा, जिनोन होगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ये कंपाउंड तो बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर NF3 की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन 2s2 2p3 हो गया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो आपको पता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैव टेंडेंसी टू बी फुली फिल्ड, तो यहाँ पर फ्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पर कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, NF3 बन जाएगा। अगर PF5 की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसका कॉन्फिगरेशन 3s2 3p3 होगा, 3s में दो इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है और d खाली पड़ा है। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एस वाला आगे आ गया, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 हो गए, तो 5 फ्लोरीन के साथ PF5 इजीली बना लेगा। तो अपना आंसर जो है वो Cl-F7 होगा, ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा आप जानते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लोरीन जो है ना उसके चारों तरफ 7 फ्लोरीन आ नहीं पाएंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग। आप कह सकते हो कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और आप ये भी जानते हो कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम कोवलेंसी जो कितना शो कर पाता है वो up to 6 है ना। तो मेन कॉज यहां पर होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है सिंपल सा, देखो इधर, इसको अपन कैसे कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज 26.89, अप्रोक्सीमेट आपको बोला है, अप्रोक्सीमेट अगर आपको एटॉमिक वेट बोला है स्टूडेंट्स,
वो कितना दिया आपको 26.89 आपको दिया है, और आपको इक्विवेलेंट वेट आपको कितना दिया है स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट वेट आपको कितना दिया है 8.9। जैसा कि अपन जानते हैं कि एटॉमिक वेट्स जो है वो कितना के बराबर होगा, वैलेंसी फैक्टर या वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। तो यहां से अपन वैलेंसी फैक्टर अपन पता कर लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेट है स्टूडेंट्स, ये कैसा है अप्रोक्सीमेट। तो यहां पर वैलेंसी फैक्ट क्या होगा, इसमें अपन इसे डिवाइड कर देंगे तो अपन ये कह सकते हैं 26.89 अपॉन 8.9। इसका जो भी आंसर आएगा इसको अपने को होल नंबर में लेना है ना, पूर्णांक में अपने को लेना है, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है पूर्णांक में। तो ऑलमोस्ट अपन इसको तीन लेंगे, कितना लेंगे तीन। अब अपन रियल एटॉमिक वेट आपको अगर निकालना है तो रियल एटॉमिक वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू जो आपने वैलेंसी आपने निकाली है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट है ना। तो वैलेंसी यहां पर कितनी होगी, तीन होगी, और अपन कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट अपने पास कितना 8.9। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट एग्जैक्ट जो एटॉमिक वेट आएगा वो कितना आएगा 26.7। बात क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें आंसर कौन सा होगा अपना फोर्थ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स अपन, क्वेश्चन नंबर 97। आपने ये देखा होगा कि इस क्वेश्चन के लिए अपन अगर अल्फा का फॉर्मूला निकालें, अगर अल्फा का फॉर्मूला अगर अपन निकालते हैं तो आपने ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कैपिटल डी माइनस डी अपॉन डी, यहाँ पर 1/(n-1) तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। पर मोल कितने प्रोडक्ट हैं, वही एक प्रकार से n है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, अल्फा बराबर कैपिटल डी अपॉन डी माइनस 1 आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए पर डी बाई डी का मान कितना होगा, तो पॉइंट ए पर डी बाई डी का मान जो है वो आप 1 रखोगे तब अल्फा का मान जो है वो कितना आएगा 0, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि अल्फा का मान यहां पर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो इसमें आंसर कौन सा होगा थर्ड। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा एच का मान, डेल्टा एच का मान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप खुद इसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी अपन चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा, आपको डेल्टा जी का मान जो है वो पूछा है, डेल्टा एच का मान आपको दे रखा है और टेम्परेचर भी आपको दे रखा है और डेल्टा एस का मान भी स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो आप डेल्टा जी इसमें सिंपल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आंसर आप इसमें चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 4 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन इनटू फ्री हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन जो है वो फ्री हाइड्रोजन के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो आपको यहां पर दे रखा है कि 4 ग्राम अगर आपने ये लिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां पर एनर्जी जो है वो कितनी है, 208 किलो कैलोरी है। तो आपको पूछा क्या है, द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी स्टूडेंट्स अपन पर मोल बात करते हैं, एक मोल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो आपको पता है कि अगर अपन एक मोल लें इसका मतलब अपन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब स्टूडेंट्स हो गया अपने पास कितना, 2 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है, तो 4 ग्राम के लिए इतना है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो 2 ग्राम के लिए इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, 2 मोल यहाँ से अपने को अपन डिसोसिएट करें तो 4 ग्राम के लिए इतना है, तो 2 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 104 किलो कैलोरी आंसर अपना कौन सा होगा, फर्स्ट वाला आंसर होगा। बात क्लियर है क्या, डेल्टा एच जो है वो एंथैल्पी जो किस टाइप की प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, 4 ग्राम के लिए 208 है, तो 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करने मतलब 2 ग्राम के लिए कितनी होगी, 104 किलो कैलोरी आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अपन जानते हैं स्टूडेंट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर वेट के, तो आप ये कह सकते हो मोलर वेट जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन क्या होगा, सबसे कम। तो अपन जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन
हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपको दे रखे हैं। ऑक्सीजन का मोलर वेट सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर, उसके बाद में 28 होगा, सबसे कम होगा ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके है ना, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो उम्मीद आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और लास्ट में अपने अगर कोई एक दो क्वेश्चन आपके अगर कोई गड़बड़ हुए हैं तो स्टूडेंट्स उसको पॉजिटिव लें, है ना, पॉजिटिव लें और उन क्वेश्चंस को वापस ठीक करें, उनकी थ्योरी को देखिए गलत क्यों हुए, हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है वो आपको आगे आपका फाइनल जो 16वां दंगल है उसके अंदर आपको हेल्प करेंगे। बात क्लियर है क्या? तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने सैकड़ों क्लासेस ली है, आप रेगुलरिटी के साथ में आए हो, आपने सिस्टम को बहुत दिल से फॉलो किया है, आपने बहुत सारे सैकड़ों क्वेश्चंस आपने निकाले हैं, बहुत मॉड्यूल सोल्व किए हैं, एनसीईआरटी पढ़ी है, है ना। तो आप नो डाउट विश्वास रखिए आपका पेपर बहुत अच्छा होने जा रहा है ना, 16वां दंगल ठोक के आना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर आयुष पारिक, टीम जूलॉजी सीएलसी सीकर से वेलकम है आप सभी का। तो 15वां दंगल आज हुआ आप लोगों का, और इसी के साथ एक बहुत बेहतरीन सी जो टेस्ट सीरीज थी हमारी वो यहां पर एंड होती है, और 16वां दंगल आपको अब करना है नीट के एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो वो आपका 16वां दंगल है, आपको ये मेंटेलिटी रख करके चलनी है, कहने का मतलब वो आपका 16वें नंबर का मेजर टेस्ट है, ये आप मेंटेलिटी रखेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अगर आप उसका थोड़ा भी लोड लेंगे कि नीट है वो, नहीं बिल्कुल लोड नहीं लेना, क्या है वही जो हमने पढ़ा है उसी में से पेपर आएगा, तो बिल्कुल लोड नहीं लेना, एकदम अपनी तैयारी को पूरी को शार्प करते हुए बिल्कुल अब पिक्यूलर हो जाना है आपको एकदम 100%, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट आएगा अगर आप ये मेंटेलिटी रखेंगे पॉजिटिव कि बस 16वां दंगल है। ये मेंटेलिटी ही अपने आप में पॉजिटिव कर देती है, क्योंकि 1 से लेके 15 तक हम लोग दे चुके हैं। तो बिल्कुल आज जूलॉजी का पेपर मैं डिस्कस करूंगा, पेपर के बारे में ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय भी नहीं है ना आप लोगों के पास, अब समय केवल बस कंसेप्ट आपको देखना है कि जहां से क्वेश्चन गलत हो गया तो क्यों गलत हुआ था बस, ताकि आप उसको कोई छोटा मोटा कोई कंसेप्ट आपका रह गया हो तो आप उसे क्या कर सके, एक बार रिवाइज कर सके, बस अभी इतना ही वक्त हमारे पास में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिलेंड्रेट, सिलेंड्रेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सिलेंड्रेट्स की बात की है बच्चों, एनिमल किंगडम का इक्वेशन है, दे पजेस एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विद सिंगल ओपनिंग, इनमें एक केंद्रीय जठर संवहनी गुहा उपस्थित होती है जो कि एक रंध्र द्वारा बाहर खुलती है। बिल्कुल सही बात है, इनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, जठर संवहनी, क्योंकि यहां पर जो उनके अंदर ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो भी यही करती है, और कहीं ना कहीं जठर यानी कि एक तरह से ये क्या कह सकते हैं हम लोग की जो फूड है, जो फूड इंजेस्ट करते हैं ये, वो भी इसी से करते हैं और उसे रिलीज भी बाहर इसी से करते हैं, तो सिंगल ओपनिंग होती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैसे सिंगल करेक्ट पूछा है तो ये हो जाता है हमारा ट्रू। पॉल्प को मोटाइल बोल दिया, मेडुसा को सिसाइल बोल दिया, गलत हो गया, दोनों को मोटाइल बोल दिया, गलत हो गया, और यहां पर वापस ये गलत हो जाता है। तो बहुत ही क्लियर कट आंसर, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, आपको बस यहां पर उन डायग्राम्स को पहचानना है, तो बहुत सही पहचाना आप लोगों ने। ये पहला कौन हो गया, ये पहला हो गया एस्केरिस, तो ये कौन है एस्केरिस, ये कौन है हिंदी में बोले तो एस्केरिस ही कहेंगे हम लोग इसे, और ये कौन है, ये है टेप वॉर्म, टेप वॉर्म यानी कि फीता कृमि, कौन सा कृमि हो गया ये बच्चों, फीता कृमि, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम, ये किसका मेंबर है, टेप वॉर्म, ये प्लेटी हेलमेंथीस का मेंबर है, और ये जो है एस्केरिस ये किसका मेंबर है, राउंड वॉर्म यानी एसके हेलमेंथीस का है। फिर ये क्या है बच्चों, ये हो गया साइकॉन, और ये कौन हो गया, पाइलम, जिसे हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं। तो ए पर हमें एस्केरिस ढूंढना है, तो देखो ए पर एस्केरिस हमें कहां दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ए पर एस्केरिस, बी पर टेपवर्म, सी पर साइकॉन, और डी पर पाइलम। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या चला गया, सेकंड ऑप्शन। आगे आ जाओ,
ये वापस से एक बहुत एक डायग्राम है हमारे एनसीईआरटी का और बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ में आ भी जाएगा कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डायग्राम है और इसमें साफ तौर पर देखिए क्या है। सबसे पहले अगर हम इसको पहचाने, ये फोटो हमारी देखी हुई लगती है, हम सभी ने एनिमल किंगडम को पढ़ा है और बिल्कुल आप सब सही हैं। ये कौन है? ये लोकस्ट है। ये कौन हो गए? ये टिड्डा है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लोकस्ट है, जिसका खतरा अभी पिछली साल अगर आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा तो टिड्डी दल का हमला हो गया, ये जहां बैठ जाते हैं वहां से पूरा खेत खत्म कर देते हैं। तो ये क्या है? ये एक ग्रिगेरियस पेस्ट है, ठीक है, और इसकी बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट में, हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमन में। किसका है मेंबर ये लोकस्ट? ये मतलब कौन सा फाइलम से बिलोंग करता है? ये फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। तो इसीलिए बच्चों 103 की हम लोग बात करें, सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे, चलो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता कराना है, गलत कथन। देखिए ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, पहली ही चीज गलत हो गई यहां पर, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते बच्चों। आपको पता है कि हमने कॉर्डेटा को, ठीक है, इस कॉर्डेटा को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हो गया कौन? प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, और दूसरा कौन सा हो गया? यूकॉर्डेट्स, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, यानी प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, और यूकॉर्डेट्स के अंदर हम लोग बात करें तो फिर इसमें कौन आएगा आगे चल करके? वर्टीब्रेट्स आएंगे। कौन आएगा? वर्टीब्रेट्स आएंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या रहता है इसमें, इसका एक जनरल सा क्लासिफिकेशन रहता है। तो पहला लाइन क्या बोल रहा है कि सारे ही कॉर्डेट्स को इसने वर्टीब्रेट्स बना दिया, तो गलत हो गया। तो यही हमारा सही आंसर भी यहां पर हो गया। आगे बोल रहा है देखो, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड होती है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में कशेरुकी जंतु में भ्रूणी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, तो सही बात हो गई, पर क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है इसलिए हमारा गलत हो गया ऑप्शन। इसमें नोटोकॉर्ड जो जनरली कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से या बोनी से रिप्लेस हो जाती है, सही बात है, गलत हो गया पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर इसमें वर्टिब्रल हर्ट होता है जिसमें चैंबर्स हो सकते हैं। तो सही आंसर हमें कहां मिल गया? फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें सही आंसर मिल गया। आगे चले, चलो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आपको पार्ट्स को पहचानना है। तो बच्चों अगर हम लिखें तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया फंडस। ये कौन सा पार्ट हो गया? ये हो गया बॉडी पार्ट। ये कौन सा पार्ट हो गया? पाइलोरिक पार्ट। ओके ओके, ये फंडस था, पूरा इनफ हो गया, ये फंडस हो गया। और बी वाले को देखें तो देखो बी वाला पार्ट कहां पर है? ये इसोफेगस जहां पर ओपन हो रही है उस जगह पर है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? कार्डियक। इसमें बॉडी वाला पार्ट शो नहीं हो रहा। अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये बॉडी वाला पार्ट हो गया, और सी वाला कौन सा वाला पार्ट हो गया? पाइलोरिक वाला पार्ट हो गया। तो बहुत ही आसानी के साथ ए पर आ जाएगा कार्डियक, बी पर आ जाएगा फंडस, और सी पर आ जाएगा पाइलोरिक, जो कि हमें कहां पे दे रखा है, जो कि हमें बच्चों सेकेंड ऑप्शन में ही आंसर मिल गया। ए पर फंडस, बी पर कार्डिक, सी पर पाइलोरिक। सही आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब पूछा है, कृत्रिम वीर्य सेचन का क्या तात्पर्य है? स्पर्म हेल्दी डोनर के डायरेक्टली ओवरी में डाल देना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है? बिल्कुल गलत बात है। हेल्दी डोनर के स्पर्म का इंसेमिनेट करना तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, बट डायरेक्ट ओवरी में नहीं, किसमें? वेजाइना में। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ हेल्दी डोनर टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ऑफ ओवा, नहीं, ये बात भी गलत है। जो नॉर्मल फीमेल है जो कंसीव कर सकती है, यदि उसके मेल पार्टनर में स्पर्म के रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर है, देन हम एआई टेक्निक का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स ऑफ है बच्चों, ये है ना, ऑफ हस्बैंड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, नो नहीं, टेस्ट ट्यूब में नहीं करते, तो ये भी गलत हो गया। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना, तो ये हमारा क्या हो गया यहां पर बच्चों? सही ऑप्शन हो जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ आंसर हो गया, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो
लैक्यूनी की बात पूछिए। देखो एक ध्यान रखना, लैक्यूनी वर्ड का मतलब जब हम जाएंगे ना तो इसका मतलब ही एक तरह से क्या होता है, कैविटी होती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से ये क्या कह सकते हैं कि गुहा है, या मैं कहूं एक तरह से क्या है, स्पेस है, जगह है जिसपे कोई चीज पाई जाती है या रखी जाती है। तो कोसेंट्रिक रिंग्स हैं जिनमें ऑस्टियोसाइट्स अरेंज होती है, नहीं कोसेंट्रिक रिंग्स नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, स्पेस है जो किसको हाउस करते हैं, या वो स्पेस है, वो अवकाश है जिनमें कौन व्यवस्थित रहती है, ऑस्टियोसाइट व्यवस्थित रहती है। ठीक है बच्चों, तो बस सेकंड में ही हमें सही आंसर मिल जाता है बच्चों, इसी वजह से आंसर क्या चला गया इसका, सेकंड ऑप्शन। ठीक है आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है वो कहां कहां प्रेजेंट होती है। एनसीईआरटी क्लियर कट यहां पर हमसे बात करती है कि जो ट्रेकिया है, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई है, टर्शरी ब्रोंकाई है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स है, यहां तक हमें क्या मिलेगी, इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलती है जो कि हाइलीन कार्टिलेज की क्या होती है बच्चों, बनी हुई होती है। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी एंड ई, तो फर्स्ट में ही मिल गया, तो बस सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है आगे आ जाओ, स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में बट एब्सेंट होती है स्टोमक में। तो देखिए सीरोसा भी ऑब्वियसली पाई जाती है जिसे हम ओमेंटम कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है स्टोमक में, और बेसिकली हम कहें कि जो इंटेस्टाइन में क्या होती है वहां पर भी प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स। तो फिर सबम्यूकोसा की बात करें तो सबम्यूकोसा तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की लाइनिंग में प्रेजेंट होती ही होती है। तो अब आंसर क्या है, देखो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है, ऐसी स्ट्रक्चर है विलाई। विलाई आपको कहां देखने को मिलेगी, या अंकुर कहां देखने को मिलेंगे, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेंगे आपको। कहां नहीं देखने को मिलेंगे, आमाशय में नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, आमाशय की जो लाइनिंग है या स्टोमक की जो इंटरनल लाइनिंग है वो कौन बनाती है, सिंपल कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम। बट इंटेस्टाइन में हम चले जाएं तो क्या बात करेंगे, ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉल्यूमनार ग्लैंडुलर एपिथीलियम। तो वहां विलाय और माइक्रोविलाय आ जाती है। सही आंसर हमें कहां पे मिल गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारा सही आंसर मिल जाता है। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन की रेट की बात की है, डिफ्यूजन की रेट का मतलब हो गया कि हाई से, ठीक है, हाई से कहां मूव करना, लो की तरफ। अब ये प्रेशर भी हो सकता है, कंसंट्रेशन भी हो सकती है, ये डिफ्यूजन होता है। तो यहां बीच में जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाते हैं उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बुला सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट बिल्कुल करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस बिल्कुल करेगा, ठीक है, इसके साथ में थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो इन्वॉल्व हो रही है डिफ्यूजन में बिल्कुल करेगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स वो हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी एंड डी, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चले आगे, चलिए देखिए अब यहाँ पे हम मैच द फॉलोइंग की बात करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, हमें मैच द फॉलोइंग करनी है। तो लेबिया मेजोरा, लाइनिंग एनसीईआरटी की है, लेबिया मेजोरा की हम बात करें तो देखिए क्या है, थिन फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, थिन नहीं है, स्मॉल सिलेंड्रिकल है, इरेक्टाइल, ये तो क्लिटोरिस के रिगार्डिंग बात हो गई, ये ग्लैंड हो रहा है तो ग्लैंड भी नहीं है। तो क्या है लेबिया मेजोरा, देखिए लेबिया मेजोरा क्या है, फोल्ड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। और बात करें किसके होमोलोग, यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए फॉर्किटिंग नहीं, होमोलोगस टू स्कॉटम बिल्कुल। तो क्या हो गया, यानी कि 1C2, यानी इसके बाद में यहां पर C आना चाहिए और क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेबिया माइनोरा की बात करें तो थिन फोल्ड हो रही है, यानी कि 2 पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और फॉर्चिटे इससे रिलेटेड हो गया तो यहां पर क्या आना चाहिए, फर्स्ट। तो ये हो गया 2A फर्स्ट। क्लाइटोरिस की बात करें तो देखो क्लाइटोरिस क्या है, क्लाइटोरिस की हम बात करें तो स्मॉल सिलेंड्रिकल और इरेक्टाइल है, और किसके होमोलोगस है, पेनिस के होमोलोगस है। तो 3 में क्या आना चाहिए, बी और फोर्थ। फिर बचा बार्थोलिन ग्लैंड जो कि क्या है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, और किसके होमोलोगस है, कॉपर ग्लैंड के। तो यहां क्या हो गया, 4D3, यानी 4D और 3।
ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब यहां पे हमें ढूंढना है, तो इधर क्या था हमारा 1C2, तो देखो 1C2 पहले ही एक ही ऑप्शन में हमें 1C2 मिल गया, 2A first, 3B4, 4D third, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें सही आंसर मिल गया, इसलिए आंसर क्या गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। जो देखो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो नीट 2019 में भी पूछा गया, इस तरीके के न्यूमेरिकल आती है आपको पता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं फटाफट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो क्या दे रखा है हमें, कार्डिक आउटपुट पूछा है हमसे, और हमें क्या दे रखी है, स्ट्रोक वॉल्यूम दे रखी है, हार्ट की बीटिंग रेट दे रखी है। देखिए सबसे पहले तो आपको कार्डिक आउटपुट का मतलब समझना है, कार्डिक आउटपुट का मतलब हो गया ईच वेंट्रिकल के द्वारा, यानी ईच वेंट्रिकल अपनी रेस्पेक्टिव aorta में, चाहे वो पल्मोनरी aorta हो और इधर सिस्टेमिक aorta हो, उसमें कितना ब्लड पंप करती है एक मिनट में, तो एक बीट में कितना करती है, एक बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम करती है, ठीक है, एक बीट में स्ट्रोक वॉल्यूम करती है 70 ml, और एक मिनट में कितना करेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हार्ट रेट से। अब यहाँ पे बच्चों हमें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या दे रखी है, 0.08 लीटर दे रखी है हमें स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, यानी हमें कितनी दे रखी है, स्ट्रोक वॉल्यूम 80 ml दे रखी है, और बीटिंग रेट हमें 80 दे रखी है। तो हमें इसका कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला आपको पता ही है, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम किससे रेट कर देते हैं, हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है कितना हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम यहां पर 0.08 यानी कि 80 ml को किससे मल्टीप्लाई करें हम लोग, 80 से, तो 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड कितना आएगा, 6400 ml में आएगा, ठीक है, और लीटर में हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आंसर, ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए बस इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखना हो तो क्या आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है, 6.40, ठीक है, आगे चले। चलो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसमें रक्त कोशिकाओं का समूहन, समूहन मीन्स एग्लूटिनेशन होगा, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ये देखना कि देखो एक्सेप्टर की एंटीबॉडी से किसको खतरा है, डोनर के ब्लड को खतरा है, यानी एक्सेप्टर की बस एक ही ट्रिक है इसकी, कि एक्सेप्टर की जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, उससे किसे खतरा होता है, उससे डेंजर किसको है, उससे डेंजर किसको है, उससे डेंजर है डोनर के एंटीजन, ठीक है, उससे किसको खतरा है, डेंजर किसको है, एक्सेप्टर के एंटीबॉडी से डोनर के एंटीजन को, क्योंकि एक्सेप्टर के अंदर एंटीबॉडी है, ठीक है, और डोनर का वो ब्लड ला रही, जब डोनर का ब्लड हम उसे चढ़ा रहे हैं तो एक्सेप्टर की एंटीबॉडी ने अगर उसको एग्लूटिन कर दिया, यानी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो गई, तो क्लंपिंग हो जाएगी आरबीसी का, और आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से इतना ज्यादा बाइल पिगमेंट्स बनेगा कि जो एक्सेप्टर है उसका लीवर फेल हो सकता है, तो डेथ का रीजन ये होता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में ये गलत फहमी है लोगों की कि डोनर की सारी आरबीसी खत्म हो गई इसलिए उसकी डेथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो अब हमें ये इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखते हुए करना है। तो देखो ये हम बात करें, ये पॉजिटिव है, ये यहां पर हमें क्या दे रखा है, ओ, तो देखो ओ कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर, और इधर भी आरएच फैक्टर है, इधर भी आरएच फैक्टर है, तो ये आसानी से इसको ब्लड दे देगा। इधर हम बात करें ए माइनस ए, तो सम एबीओ ग्रुप के हिसाब से देखें तो ए से ए को ब्लड दे सकता है, पर अब देखो इधर कंफ्यूजन है, इधर देखो क्या है, इधर पॉजिटिव है, यानी कि ये आरएच के लिए क्या है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब आरएच फैक्टर तो है ही नहीं, तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगी, और वैसे भी नहीं बनती क्योंकि ये तो खुद भी पॉजिटिव है, तो ये भी ब्लड दे सकता है। इधर हम बात करें देखो एबी की, एबी कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, इसको कोई भी ब्लड दे सकता है, तो बिल्कुल बी ने दे दिया इसको, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इस केस को देखो आप, फोर्थ ऑप्शन को, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब यहां पर आरएच जो फैक्टर है वो एब्सेंट है, आरएच फैक्टर नहीं है, आरएच फैक्टर नहीं है, ऐसे में जब आरएच फैक्टर आएगा इसकी बॉडी में, तो एक्सेप्टर के अंदर
उस आरएच फैक्टर के लिए क्या बनेगी? एंटीबॉडी। और एक्सेप्टर की एंटीबॉडी की वजह से किसका एंटीजन जो है डोनर का, उसे क्या होता है? डेंजर है, यानी उसका एग्लूटिनेशन होता है। तो इसी वजह से सही आंसर क्या गया बच्चों? इसका हमारा चला गया फोर्थ ऑप्शन। चलो आगे हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। देखिए, इसोफेगस पास होती है नेक, थोरैक्स, डायफ्राम और ओपन हो जाती है स्टोमक से। सही बात है। स्टोमक जो लोकेटेड है अपर राइट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, राइट पोर्शन में नहीं, लेफ्ट में होता है। ये गलत हो गया राइट इधर, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। स्टोमक जे शेप ऑर्गन है, इज द लॉन्गेस्ट, ना द लॉन्गेस्ट नहीं है, कैसा है? वाइडेस्ट है, तो ये हमारा गलत हो गया। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सेक, इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नहीं, किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो सही आंसर हमें कहां मिल गया बच्चों? हमें आंसर मिल जाता है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे आ जाओ, डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, पीलिया, इसमें यकृत प्रभावित होता है यानी लीवर अफेक्टेड है, स्किन और आई येल्लो हो जाती है, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट, ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिपेशन में फीसेस रिटेन हो जाते हैं रेक्टम में, ठीक है, पीसेस रिटेन हो जाते हैं रेक्टम में, और गतिशीलता क्या हो जाती है? अनियमित हो जाती है। तो इसकी हम बात करें तो देखो, रिटेन विद इन रेक्टम यहां हमसे कह दिया। तो बच्चों देखो क्या होता है कि हम लोग अगर पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी देखें तो भी कॉन्स्टिपेशन में रेक्टम भी लिखा हुआ है, और रेक्टम और कोलोन दोनों आ जाए तो भी हम उसको सही मान सकते हैं। तो हम इसको स्टेटमेंट को पूरा इनकरेक्ट नहीं मान सकते, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? ट्रू। वॉमिटिंग में क्या है? इजेक्शन है माउथ के थ्रू, ठीक है, तो ये बात भी क्या हो गई? सही हो गई आपकी। और उसके बाद इनडाइजेशन के कॉजेज आप देखो, कम एंजाइम सीक्रेट होना, टेंशन हो जाना, ओवर ईटिंग वगैरह, ये सारे क्या हो गए? कॉजेज हो गए। तो लगभग ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सही है। तो सही आंसर क्या चला गया? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वेरिएशन इन विच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड डू नॉट अफेक्ट रेस्पिरेशन, तो ध्यान से देखना। देखिए, जो रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने के लिए जो हमारे पास रिसेप्टर्स है, तो रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? कीमोसेंसिटिव एरिया, कैरोटिड आर्टरी हो गई और एरोटिक आर्क हो गई, और इनमें कैसा ब्लड बहता है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही हम लोग क्या कर पाएंगे? जज कर पाएंगे। अब इसमें भी किसकी कंसंट्रेशन के लिए होते हैं वो रिसेप्टर्स? कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए पार्शियल प्रेशर के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए। ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो रेस्पिरेशन को अफेक्ट नहीं करती। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करें बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है ये, तो कहीं ना कहीं देखो बाइकार्बोनेट आयन्स जो है एट्रियल ब्लड की, वो भी धमनी की बाइकार्बोनेट आयन्स की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो ये जो है रेस्पिरेशन को बेसिकली, आप देखो CO2 की जब रिएक्शन होगी पानी के साथ में तो क्या बनता है? CO2 जब रिएक्ट होगी H2O के साथ में तो किसका फॉर्मेशन करेगी? H+ HCO3 नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज का, इस चीज को इंप्लाई करता है कि CO2 की भी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी ही होगी। इसीलिए तो ये प्रभावित तो करेगा ही, क्योंकि ये CO2 से रिलेटेड है। हाइड्रोजन आयन क्लियर कट करता है, CO2 कंसंट्रेशन हमें डायरेक्टली भी दे रखी है। तो अब सोडियम जो है, सोडियम का यहाँ पे रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं है। ब्लड प्रेशर की तो हम बात कर सकते हैं, बट रेस्पिरेशन पूछा है, इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, देखिए सिस्टमिक डायग्राम आपको यहाँ पर बताना है। पल्मोनरी सर्कुलेशन को जो क्या करता हो, यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण का सही निरूपण करता हो। तो फुफ्फुसीय परिसंचरण कहां से है? राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम। तो देखो राइट लेफ्ट ऑरिकल की बात कर रहे हैं यहां पर, राइट वेंट्रिकल से होगा, ऑरिकल से नहीं होगा तो गलत हो गया। राइट वेंट्रिकल से अच्छा ब्लड भी कैसे लेके जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड, तो सही बात है। वहां से कहां गया? लंग्स, ऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड और कहां पे आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। यहां से इसने राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड बोल दिया, इसलिए गलत हो गया। तो सही आंसर हमें कहां पे मिल गया बच्चों? थर्ड ऑप्शन में हमें सही आंसर क्या हो जाता है? मिल जाता है। चलो आगे, हिंज जॉइंट बोला है, हिंज जॉइंट जिसमें 180 डिग्री का मूवमेंट हो सके। तो देखो हिंज जॉइंट की हम लोग बात करें, फीमर और पेल्विक ग्रिडल में बोल दिया, पेल्विक, फीमर और पेल्विक ग्रिडल में, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया।
ठीक है, ये एसिटाबुलम उसी के है, फीमर का जो है हेड है उसके रिगार्डिंग हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल में कैसा हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया। तो सही आंसर देखो, ह्यूमरस और रेडियो अल्ना जो ज्वाइंट है वो कैसा है, हिंज ज्वाइंट। तो सही आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो करेक्ट पाथवे की हमें बात करनी है बच्चों। करेक्ट पाथवे की हम लोग बात करें तो देखो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से डक्ट ऑफ बेलेनी, बिल्कुल सही है। उसके बाद रीनल पेपिला, फिर मेजर काइलेक्स और रीनल पेल्विस और यूरेटर। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमें यहीं पे ही हमारा सही आंसर मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या किया कि रीनल पेपिला को बाद में दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें फिर यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर देखो, कलेक्टिंग में रीनल पेपिला को सबसे पहले दे दिया, डक्ट ऑफ बेलेनी, देखो गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही आंसर हमें कहाँ मिल गया, सही आंसर हमें कहाँ मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे आ जाओ, देखो डेफिकेशन क्या हो गया, डेफिकेशन वे एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, या क्या होता है देखो, ये थोड़ा सा ये आपस में आ गए, यानी कि मल त्याग यानी कि डेफिकेशन, ये जो पार्ट है ये यहां लिखा हुआ है इसके साथ में। तो डेफिकेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल किसका हो गया, वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड का हो गया, तो ए में क्या आना चाहिए, सेकंड आ जाना चाहिए। एक्सक्रीशन का मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब क्या मान सकते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना, तो इसमें क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। ऑस्मोरेगुलेशन की हम क्या बात कर सकते हैं, तो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हो सकता है कि जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर क्या रखना, एक तरह से बॉडी की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को क्या रखना, मेंटेन रखना। तो आप देखो, जल की मात्रा को बेसिकली स्थिर रखने के लिए शरीर से अतिरिक्त जल का निष्कासन, तो ये एक तरह से ऑस्मोरेगुलेशन में कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड आ गया, मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है, यूरिन यानी मूत्राशय से मूत्र का निष्कासन। तो फोर्थ नंबर पर यानी मिक्चुरेशन का क्या है, एक्सपुल्शन ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, तो हम इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, फोर। तो 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ठीक है, फर्स्ट में ही हमें बच्चों सही आंसर मिल गया। तो 120 में हमारा सही आंसर क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आगे आ जाओ, इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन देन कौन सा कंपाउंड बचेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन के अंदर किन के बीच में होते हैं, अमीनो एसिड्स के बीच में होते हैं, तो अगर सारे पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, सारे पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने पे अमीनो एसिड्स बचेंगे। तो सही आंसर कौन सा हो गया, 121 में फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ, डीपोलराइजेशन, नर्व का डीपोलराइजेशन, अगर नर्व पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है तो क्या होगा, देखो पोलराइज्ड है तो अंदर नेगेटिव होगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा। और डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाती है, और सोडियम की वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाने से रैपिड इनफ्लक्स होता है, किसका इनफ्लक्स होता है, सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है। तो इनफ्लक्स गलत हो गया, कैल्शियम का गलत हो गया, इफ्लक्स नहीं होता, इफ्लक्स मींस बहिस्त्राव नहीं होगा, अंतः प्रवाह के प्लस का नहीं होगा, सीए का नहीं होगा, तो बचा क्या, सेकंड ऑप्शन बचा। तो 122 में सही आंसर हमें कहां मिल गया, सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या कार्य नहीं है, देखो बॉयंसी बिल्कुल देता है, जो ब्रेन का वेट है उसे लगभग काफी कम कर देता है, कौन, सीएसएफ, तो बॉयंसी देता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट की तरह भी काम करता है, ठीक है, और शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है, यानी रक्षा करता है, बट न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं करता, इसीलिए कौन सा फंक्शन नहीं मानेंगे हम लोग इसका, 123 में फोर्थ ऑप्शन जो है हम उसे सीएसएफ का फंक्शन कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसलिए हमारा 123 में सही आंसर क्या चला गया। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो एफ क्या हो गया, एफ क्या हो गया हमारा, मैक्यूला लूटिया हो गया यहाँ पे, यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा मैक्यूला लूटिया हो गया। ठीक है, मैक्यूला लूटिया हो गया, ठीक है, और इस पर सबसे कॉन्ट्रास्ट इमेज बनती है, डी क्या हो गया, डी हो गया स्क्लेरा। ए की बात करें तो देखो ए क्या हो गया, विट्रस चैम्बर। बी क्या हो गया, बी की हम बात करें तो बच्चों देखो बी क्या हो गया, कॉर्निया। ई क्या हो गया, एक्वस।
हमें यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करनी है, तो देखो ए पर एक्वस चैम्बर है क्या? नहीं है, गलत हो गया। बी पर कॉर्निया है, सही बात है। सी पर देखो, सी पर क्या है आपको पता है, आयरिस है, सही बात है। डी पर रेटिना है, नहीं स्क्लेरा है। ई पर एक्वस चैम्बर होना चाहिए, तो विट्रस दे रखा है। एफ पर ब्लाइंड स्पॉट, नहीं ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता है, बल्कि येलो स्पॉट होता है। तो सही आंसर कहां पे मिला? बी और सी, यानी कि बी और सी। तो देखो बी और सी हमें केवल कौन से ऑप्शन में दे रखा है? थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए 124 में सही आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड ऑप्शन। आगे आ जाओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी पूछ रहा है कि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पे है? तो देखो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर होता है, न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहां पे होता है? पोन्स में होता है। तो पोन्स को कौन शो करेगा? ये तो किसको शो कर रहा है? कॉर्पस कैलोसम को शो कर रहा है। यहां पर अगर हम देखिए तो ये एक्विडक्ट को शो कर रहा है, ठीक है, ये एक्विडक्ट को शो कर रहा है। ये देखो ये डी जो है यहां पर, ये मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड यहां पर ये अराइज हो रही है। ए जो है, ए पर देखो ये है पोन्स, ठीक है। तो सही आंसर क्या चला गया 125 में हमारा बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो क्या पूछा है हमसे 126 में, करेक्ट मैच बताना है। सी, अब ऐसे क्वेश्चन में पूरी लेबलिंग करके टाइम मत वेस्ट करना कभी भी। ऐसे क्वेश्चन में जब सीधा ही हमें दे रखा है कि इन्हीं चार को चेक करना है, तो बाकी की लेबलिंग हमें हम क्यों टाइम वेस्ट करें? जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप पूरा एक ही टेबल करोगे, तो आपका कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फोकस रहना है। देखो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्या सी की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 में हम बात कर रहे हैं, सी की बात करें तो वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। देखो सी कहाँ पे बता रखा है इसने, सी जो है देखो, क्या ये वेंट्रल हॉर्न होगा क्या? नहीं, ये तो क्या होगा, डोर्सल हॉर्न होगा। तो ये हो गया यहाँ पर गलत, ठीक है। उसके अलावा जी, जी कहाँ पर है? देखो जी की बात करें अगर हम लोग, ये जी रहा जी, ठीक है। तो जी से मोटर न्यूरॉन्स निकलते हैं, जी से कौन से निकलते हैं? मोटर, या फिर हम बात करें चालक, या फिर हम क्या बात कर सकते हैं, इफ्रेंट, या क्या बात कर सकते हैं, अपवाही। तो बिल्कुल वो कहां पे निकलेंगे? हमारे इफ्रेंट न्यूरॉन, सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ही हमारा ठीक हो गया। बी में देखो लेटरल जो हॉर्न है, बी में लेटरल तो कौन से होने चाहिए, ये एच वाले लेटरल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और डी पर इसने क्या बता रखा है, व्हाइट मैटर बता रखा है, क्योंकि डी तो क्या है यहाँ पर, ग्रे मैटर है, क्योंकि यहाँ पर ये व्हाइट मैटर है, इसके अंदर ग्रे मैटर के कौन से कर रहे हैं। सही आंसर हमारा हमें कहा मिल गया, आंसर नंबर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सही आंसर हमें कहा मिल गया 126 में, सेकेंड ऑप्शन में ही मिल गया। आगे आ जाओ, मोरूला एक डेवलपमेंट स्टेज है, किस किस के बीच में? ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रोला के बीच में। अगर हम लोग देखें तो ब्लास्टोसिस्ट से पहले बनता है मोरूला, ना कि बाद में या बीच में, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन, नहीं बिफोर इम्प्लांटेशन, बिटवीन जायगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। तो सही ऑप्शन हमें कहां मिला, थर्ड पे मिल गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, किसका, 127 का। 127 पे हमें कहां मिल गया, थर्ड ऑप्शन। फिर से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछ रहा है कि करेक्ट लेबलिंग जो है वो किसके लिए दे रखी है। तो ए पर देखो पेरी लिम्फ बता रखा है, पार्ट ऑफ कॉक्लियर डक्ट। सी पर क्या बता रखा है, स्केला टिम्पैनी। तो गलत नामांकन को ढूंढिए, क्या पूछता है ये, फाइंड आउट द इनकरेक्ट लेबलिंग, जो इनकरेक्ट लेबलिंग है उसकी बात हमें करनी है बच्चों। तो देखो ये लेबलिंग सही है, ये टिम्पैनी है, सही है, ठीक है, टिम्पैनी है क्या ये, बी वाली। और ये देखो यहां पर डी को क्या बोल रहा है, बेसिलर मेम्ब्रेन, और सी पर क्या बोल रहा है, पार्ट ऑफ कॉक्लियर डक्ट। तो इसमें अगर आप लोग देखो तो स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी, ये ठीक हो गया, कॉक्लियर ठीक ठीक हो गई। ये बेसिलर मेम्ब्रेन नहीं है, बेसिलर मेम्ब्रेन तो ये वाली होती है, ये तो कौन सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी, एक्टोरियल मेम्ब्रेन होनी चाहिए थी, बट क्या दे रखा है, बेसिलर। इसलिए 128 में सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ,
हमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, पता करना है। देखो यूट्रस की लेयर्स की बात कर रहा है वो, और उधर फैलोपियन ट्यूब के क्या पूछ रहा है, पार्ट्स पूछ रहा है। तो देखो एपर क्या है, एपर एंडोमेट्रियम है। एपर एंडोमेट्रियम है क्या, ये तो साफ पता चल रहा है हमें। ए सबसे अंदर की लेयर है इस तरह की, तो एपर अंदर की तरफ कौन सी लेयर होती है, एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, यहाँ पर इनफुंडिबुलम, ये एम्पुला, इस्थमस, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक से हमें पार्ट करने हैं। तो एपर है एंडोमेट्रियम, ठीक है, बी पर मायोमेट्रियम, सी पर पेरिमेट्रियम, डी पर इस्थमस, ई पर एम्पुला, एफ पर इनफुंडिबुलम। तो देखो थर्ड ऑप्शन में ए पर एंडोमेट्रियम ढूंढते ही आगे की सारी कहानी मैच द फॉलोइंग हो गई, ये यहाँ पर पूरा के पूरा गलत हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आप क्या ढूंढो, पूरा मत चेक करो, लेबल मत करो, पहले आपको जो क्लियर कट लग रहा है उसे ऑप्शन में से क्या कर लो, चेक कर लो। इससे क्या होगा, समय बचेगा, और सारा खेल ही बच्चों समय का है। ठीक है, 129 में सही आंसर हमें कहां पे मिल जाता है, थर्ड ऑप्शन। आगे आ जाओ, हाउ मेनी स्पर्म्स एंड ओवम आर प्रोड्यूस्ड By 100 primary spermatocyte and 100 primary oocyte. तो 100 primary oocyte की हम बात करें, 100 primary oocyte है, तो देखो एक primary oocyte जो है वो एक ही क्या बनाएगा, ovum बनाएगा, जो हमें clear cut answer यहाँ से पता चल जाता है, ये 100 ही क्या मिलेंगे, ovum हमें मिलेंगे। अब उसके बाद हमें बात करनी है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात कर रहा है, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएगा, 4 स्पर्म बनाएगा। तो किसके रिगार्डिंग है, 100 के लिए। तो जब एक कितना बनाएगा, 4, तो बताओ 100 कितने बनाएंगे, 400। तो हमें क्या मिलेंगे, स्पर्म्स मिलेंगे, और 100 क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा। तो 400 स्पर्म्स एंड 100 ओवम, जो हमें फोर्थ ऑप्शन में ही मिल गए। इसके 130 में हमारा सही आंसर क्या चला गया, फोर्थ ऑप्शन। आगे आ जाओ, ट्रांसफर किसका, ओवम का ट्रांसफर, जो डोनर से कलेक्ट किया है, किसमें, फेलोपियन ट्यूब में, किसकी, अनादर फीमेल की, जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है। तो ये क्या है, ये है गैमेट का ट्रांसफर है, जो हमने फेलोपियन ट्यूब में किया है, यानी कि गिफ्ट है ये, एक फीमेल के द्वारा ऐसी फीमेल को दिया गया गिफ्ट जो खुद कंसीव नहीं कर सकती, यानी गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। सही फुल फॉर्म क्या हो गई, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 131 में हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो ICSI की बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो ICSI की फुल फॉर्म क्या हो गई, इंट्रा साइटो प्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कौन सा हो जाएगा, देखो इंट्रा सेलुलर बोल दिया, गलत हो गया, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अंतरकोशिकीय द्रव स्पर्म इंजेक्शन। तो 132 में सही आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन। आगे आ जाओ, देखो हीमोफीलिया को क्या बोला है, सेक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर। हीमोफीलिया एक लिग्न सहलग्न अप्रभावी लक्षण है, तो ये बात हो गई सही। डाउन सिंड्रोम पॉलीप्लॉइडी के कारण होता है, नहीं, पॉलीप्लॉइडी तो किसमें होती है, प्लांट्स में होती है, बहुगुणिता नहीं, तो ये हो गया गलत। फिनाइल किटोनोरिया क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, तो बिल्कुल ऑटोसोमल जीन रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे ही डोमिनेंट बोल दिया, वापस इसी का पूछे, डोमिनेंट नहीं होता। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, तो बिल्कुल ये बात भी कैसी हो गई हमारी, सही हो गई, ये बात भी सही हो गई। तो कहीं ना कहीं ए सही है, सी सही है, ई सही है। तो देखो ए सही है, सी सही है, ई सही है, ये हमें कहां मिला, सेकेंड ऑप्शन में मिला। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो सही आंसर 133 का कौन सा हो गया बच्चों, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एबिलिटी ऑफ जीन हैव ए मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो देखो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट होना क्या कहलाता है जीन की, कौन सी एबिलिटी कहलाती है, प्लियोट्रॉपी कहलाती है। कौन सी एबिलिटी कहलाती है बच्चों, प्लियोट्रॉपी, बहुप्रभाविता। ठीक है, स्किन कलर भी जैसे हम इसका एग्जांपल मान सकते हैं प्लियोट्रॉपी का। तो 134 में हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ,
पेरेंटल फिनोटाइप जो है F2 ऑफस्प्रिंग में डायहाइब्रिड क्रॉस में वो कितने होते हैं? पेरेंटल फिनोटाइप की हम बात करें तो देखो रेशियो 9331, तो पेरेंटल फिनोटाइप कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो गया 10, तो 10 हो गए कितने में से, टोटल कितने हैं 16, तो 10 हो गए मतलब कि 16 में से कितने हो गए 10 हो गए। तो देखो कहां दे रखा है हमें बच्चों, थर्ड ऑप्शन में ही हमें 10/16 मिल जाता है, तो 135 में सही आंसर हमें कहां मिला, थर्ड ऑप्शन में हमें सही आंसर बच्चों मिल गया। ठीक है, चलो आगे, ये सेक्शन बी स्टार्ट होता है हमारा और सेक्शन बी में हमें सही करने हैं क्वेश्चंस। इसमें से आपको नीट में कितने करने हैं 10 क्वेश्चंस, पर सॉल्यूशन हम यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस का देखेंगे। एक महिला है सामान्य दृष्टि की, उसकी अभी आईसाइट जो है वो सामान्य है और उसकी शादी होती है एक सामान्य किससे, पुरुष से, और वो किसको जन्म देती है, एक कलर ब्लाइंड एक वर्णांध पुत्र को जन्म देती है। फिर क्या हो जाता है, वर्णांध पुत्र आ गया, मतलब दोनों मदर फादर दोनों नॉर्मल थे और वर्णांध पुत्र आ गया, कहने का मतलब वो जो महिला हो गई, वो महिला यानी कि ये जो सामान्य दृष्टि वाली जो महिला है ये क्या हो गई, कैरियर, कैरियर हो गई, मतलब इसका जीनोटाइप क्या हो गया एक्स एक्स और ये स्मॉल सी और ये कैपिटल सी, ये हो गई कैरियर। किसके लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस कैसी बीमारी है, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो केवल किस केस में बीमारी करता है वो, जब क्या हो जाता है, जब क्या हो जाए, जब रिसेसिव कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो इसके कारण देखिए वर्णांध पुत्र को इसने क्या दिया, जन्म दिया, क्योंकि बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि अगर इसकी मैरिज, मैं फर्स्ट पर्सन की अभी बात कर रहा हूं, इसके साथ में अगर हम मैरिज कराते एक्स वाई जो कि नॉर्मल कंडीशन है, तो जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो बन जाएगा एक्स स्मॉल सी और वाई, यानी कि ये हेमीजाइगस कंडीशन हो गई और हेमीजाइगस कंडीशन में जो भी जीन होता है वो अपना प्रभाव शो करता है। तो बिल्कुल ये यहां तक हमारे कहानी समझ में आ गई, यानी कि कैरियर हो गई, हमें पता चल गया। अब इसके पति की डेथ हो गई, अब इसने ऐसे व्यक्ति से शादी करी जो खुद कलर ब्लाइंड है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये कैरियर हो गई तो इसका जीनोटाइप हो गया ये, उसके अलावा जो इसका हस्बैंड है नया वाला जिससे उसने शादी की है उसका क्या हो गया स्मॉल सी वाई। तो बस अब आप क्रॉस करा के देख लो कितने होंगे, तो अगर हम क्रॉस करा के देखें, ठीक है, ऐसे करा लेते हैं हम क्रॉस, इसको इधर लिख देते हैं, यानी कि एक्स कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, ठीक है, और यहां पे हम कराएं ऊपर की तरफ एक्स स्मॉल सी, क्योंकि हस्बैंड बीमार है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए, मतलब जब हो रही है उसको कलर ब्लाइंडनेस, तो उसमें एक्स कैसा होगा स्मॉल होगा, तो देखो एक्स कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, इस कंडीशन में बीमारी नहीं होगी, एक्स कैपिटल सी और वाई इस ये भी नॉर्मल रहेंगे, और ये एक्स स्मॉल सी और इधर वाले में एक्स स्मॉल सी और वाई। तो देखो 50% यहाँ पर 50% कैसे हो गई, ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया नॉर्मल, ठीक है, ये जो कैसा है ये भी किसान कैसा हो गया नॉर्मल, और ये कैसे हो गए डिजीज, और ये भी कैसा हो गया डिजीज। तो आप देखो फीमेल्स में देखो एक तो क्या है नॉर्मल और एक हो गई बीमार, और एक हो गया नॉर्मल और एक हो गया बीमार, यानी कुल मिलाकर के 50% तो हमें कलर ब्लाइंडनेस सन्स मिलेंगे और टोटल सन मिले, जैसे दो लड़के हुए तो दो में से एक कलर ब्लाइंड हुआ, दो लड़कियां हुई तो एक कलर ब्लाइंड हुई, तो 50-50% हो जाएगा, तो सही आंसर हमें कहां मिल जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सही आंसर कहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आगे चलें, देखो एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है, फ्रीक्वेंसी जो है रिसेसिव जीनोटाइप की 16% हमें दे रखी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप। तो ये क्वेश्चन देखो कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है हमारा हार्डी वेनबर्ग की जो हमारी इक्वेशन थी, तो हम देखो कैसे इसे सॉल्व, तो देखो इसमें हमें पता है क्या दे रखा है हमें, एक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी दे रखी है रिसेसिव जीनोटाइप की, यानी कि हमें क्या दे रखा है, यानी कि हमें क्या दे रखा है बच्चों क्यू स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है 16% पे दे रखा है क्यू स्क्वायर, 16% यानी परसेंट अगर हम लोग चेंज करें तो यहां पर आ गया 0.16, तो क्यू निकाले बच्चों हम लोग तो कितना आ जाएगा लगभग
0.4 के समथिंग आ जाएगा अगर हम लोग इसका अंडर रूट यहां पर ले लेते हैं। तो ये हमारा 0.4 आ गया। क्यों हमारा 0.4 आ गया? अब हमसे क्या पूछा है, देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी पूछी है होमोजाइगस डोमिनेंट जीरोटाइप की और हेटरोजाइगस की। तो अब हमें पता है कि p प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है। क्यों हमारा 0.4 आ गया? तो देखो p हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस 0.4, तो p कितना आ गया, 0.6 आ गया। अब हमें p मिल गया, q मिल गया। अब हम आराम से निकाल सकते हैं इक्वेशन, हमें पता है क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये इक्वेशन है। तो देखो हमसे सबसे पहले किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, होमोजाइगस डोमिनेंट, और होमोजाइगस डोमिनेंट कौन है, ये p। तो होमोजाइगस यानी कि 0.6 into 0.6 कितना आ गया हमारा, लगभग 36 आ गया। और परसेंटेज में वापस अगर हम लोग इसे चेंज करें तो कितना आ गया, 36%। फिर हमसे पूछा है हेटरोजाइगस की, तो 2 × 0.6 × 0.4, 6×4=24, 24 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, और 0.48, और इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48%। तो हमारा सेकंड आंसर कहां मिल गया, 48%। तो देखो 36% तो किसकी आई, फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस डोमिनेंट की, और 48% किसकी आई, हेटरोजाइगस की। तो सही आंसर हमें मिल गया फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो हीमोफीलिया को मेंशन किया गया है, ट्रेट जो कि मदर के द्वारा कैरी किया जाता है और सन को पास कर दिया जाता है, तो इस ट्रेट का पैटर्न क्या है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये हीमोफीलिया के बारे में बात कर रहा है, जो कि क्या है, एक एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, तो देखो हीमोफीलिया इज एन एलील कैरिड वन ऑफ द मदर्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर नहीं होता इसलिए गलत हो गया। हीमोफीलिया इज एन एलील कैरिड ऑन द वाई क्रोमोसोम, वाई पर भी नहीं होता, किस पे होता है, एक्स। हीमोफीलिया इज एन एलील कैरिड ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड कैन बी डायरेक्टली इनहेरिटेड द सन फ्रॉम द फादर ऑफ और मदर, नहीं फादर पे नहीं होता, क्योंकि ये कैसा है, एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक होता तो जरूर हो जाता। Hemophilia is carried on the X chromosome and can be inherited by the son if the mother is carrier. तो mother अगर carrier है तो बच्चे में हो सकता है, क्योंकि homozygous condition में, यानी जब क्या हो जाए, X वाला Y के साथ आ जाए, तो उस condition में वो अपने आप को शो करता है। तो सही आंसर 138 में हमारा कौन सा हो गया बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ, देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है। मिलर ने ग्लूटामिक एसिड ऑप्टेन किया था, Miller obtained glutamic acid like amino acids in his experiment. सही है। In other stimulation experiments by other workers observed formation of sugar, fat and pigments. सही है। इसके बाद में temperature की बात करें 139 number के question में, तो भी हमारी बात क्या है, सही है। But एक चीज देखिए ध्यान से, okay. एक चीज देखिए, तो glutamic acid की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो specify इसने कर दिया है ना, अमीनो एसिड्स तो उसने एब्जॉर्ब किए थे, बट यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की बात कर दी। टेम्परेचर भी 800 डिग्री था, रेशियो भी 2:1:2 था, ठीक है, और बाकी लोगों ने ये भी किया है, तो सिंपल अमीनो एसिड्स हमें देखने को मिलेंगे, ग्लूटामिक एसिड नहीं देखने को मिलेगा। इसी वजह से 139 में बच्चों सही आंसर हमारा कहां पे दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन हमें दे दिया। आगे आ जाओ, Which of the following pair of mammals does represent the parallel evolution? तो देखो parallel evolution show करने वाले mammals कौन थे? Anteater और bobcat. अगर आप उस diagram को देखोगे NCERT को, तो आप इसका answer clearly पता लगा सकते हो कि basically parallel evolution जिनका हुआ है, ठीक है? तो parallel evolution की हम बात कर रहे हैं, तो answer क्या चला गया? चींटीखोर तथा bomb cat. आप NCERT का diagram खोलो और वहाँ पर उसको देखने की कोशिश करो, जो examples उसमें हैं. और वो आप दोबारा देख के जाना, क्योंकि हो सकता है इस पे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सके। देखो विंग्स बात कर रहा है किसके, इंसेक्ट्स की और बर्ड्स के विंग्स की बात कर रहा है। तो देखो इंसेक्ट्स के विंग्स की बात करें और बर्ड्स के विंग्स की बात करें, तो एक चीज तो क्लियर है कि वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में तो नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिकली समजात संरचनाएं वो नहीं है। कीट जो है वो आर्थ्रोपोडा पे आ गया, और बर्ड्स जो है आगे वर्टिब्रेट्स के आ गए, तो उनमें समानता नहीं है। एनालॉगस स्ट्रक्चर हम उन्हें बोल सकते हैं, बिल्कुल। रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट क्या होता है,
एक जगह से इस तरह से फैलना, यानी कि अपसारी, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक जगह पर क्या करना, इस तरह से आ जाना। तो देखो आप क्या हो रहा है, अगर हम कहें कि डाइवर्जेंट नहीं है क्योंकि एक जगह से नहीं निकली, डाइवर्जेंट क्या शो करता है, होमोलॉजी, तो ये भी हो गया हमारा गलत। बिल्कुल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है सही है, और एडप्टिव कन्वर्जेंस है ये भी सही है। तो ए सही हो गया, डी सही हो गया और ई सही हो गया, सॉरी ए गलत हो गया, बी सही हो गया, डी सही हो गया, ई सही हो गया। तो देखो बी डी ई कहां दे रखे हैं हमें, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, किसमें, क्वेश्चन नंबर 141 में। आगे आ जाओ, आगे हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडप्टिव रेडिएशन, एडप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल कौन सा नहीं है। तो डिफरेंट मार्सुपियल का जो बेसिकली है शिशुधानी का उद्विकास, वो हम एडप्टिव रेडिएशन को मान सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बटरफ्लाई एंड ह्यूमिंग बर्ड और एरियल हैबिटेट, वायवीय आवास के लिए तितली व हमिंग बर्ड का उद्विकास। तो देखिए आप इसको अगर देखोगे, किसको, एडप्टिव रेडिएशन अगर हमने इसको क्यों नहीं माना, क्योंकि देखो इधर बटरफ्लाई आ गई और इधर कौन आ गई, ह्यूमिंग बर्ड आ गई, तो ये एक तरह से एडप्टिव कन्वर्जेंस जो थी उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर सकते थे 141 में, जैसा हमने डिस्कस किया। बट यहाँ पर हम इसे एग्जाम्पल एडप्टिव रेडिएशन में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि डार्विन फिंचेस को देखोगे तो एक ही जगह से वो क्या हुए हैं, अराइज हुए हैं, और इसी तरीके से डिफरेंट प्लेसेंटल मेंबर्स का देखोगे तो भी हुए हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, इसलिए यही पूछा है कि नॉट एन एग्जांपल। तो आंसर क्या चला गया हमारा, सेकंड ऑप्शन। डार्विनियन वेरिएशंस कैसी थी, जनरली कैसी कंसिडर की जा सकती है, देखिए डार्विनियन वेरिएशन को, तो डार्विनियन वेरिएशंस की हम लोग बात करें 143 पे, तो डार्विनियन वेरिएशन देखिए मेजर वेरिएशन नहीं है क्योंकि म्यूटेशन से नहीं हो रही, ठीक है, तो माइनर वेरिएशंस है, बिल्कुल सही बात है, माइनर वेरिएशंस है, डायरेक्शनल है, बिल्कुल डायरेक्शनल है, दिशात्मक है, क्योंकि म्यूटेशंस कैसी होती है, रैंडम होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल है। फिर कंटिन्यूअस वेरिएशंस है, बिल्कुल कंटिन्यूअस वेरिएशंस है, तो फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया और फिफ्थ हो गया, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए हमारा 143 में सही आंसर क्या चला गया, सेकेंड ऑप्शन चला गया। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी स्टडी है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ अर्थ की, ठीक है, और स्टीलर डिस्टेंसेस को लाइट ईयर में नापा जाता है, जब हम पीप करते हैं पास्ट में तो किसको देखते हैं, स्टार्स को देखते हैं, व्हेन वी कैन पीप इन द पास्ट बाय सीइंग, हम तारों को देखते समय बीते हुए समय या भूत में झांक सकते हैं, बिल्कुल, अर्थ बहुत ओल्ड है और इसका जो ओरिजिन है वो कितना दे रखा है, 20 बिलियन ईयर अगो। तो यहाँ देखो हम लोग बात करें कि कौन कौन सी सही है, तो अर्थ का देखो जो ओरिजिन जो है वो 20 बिलियन ईयर नहीं होगा बच्चों, है ना, अर्थ के ओरिजिन की हम लोग बात करें तो कितना मानते हैं, 4.5, और 20 बिलियन ईयर्स तो किसकी हो गई, एक तरह से यूनिवर्स की हमारी पूरी की पूरी क्या हो गई, एज की बात हो गई, तो इसीलिए डी गलत हो जाता है, बाकी ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो ए बी सी हमें कहां दे रखे हैं, देखो सेकंड ऑप्शन में हमें केवल ए बी और सी बता रखा है, इसी वजह से आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या चला गया 144 में, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या पूछ रहा है, सिमुलेटेड रेन को किसने सिमुलेटेड किया, तो देखो रेन को किसने सिमुलेटेड किया, यहां से रेन का मतलब वाटर वेपर्स से यहाँ के रिगार्डिंग है, वर्षा का अनुकरण करता है, तो वर्षा के अनुकरण की हम लोग बात करें बच्चों, तो देखो वर्षा का अनुकरण यहाँ से बॉइलिंग वाटर हमें कहाँ मिल रहा है, बी पर, सी से यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रही है वाटर की। तो 145 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग देखें तो यहां पर से जो वेपर्स जा रहे हैं और वेपर्स इसमें क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो देखो ये कंडेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, इसके कारण ये वेपर सारे इकट्ठे होकर के किस में जा रहे हैं, वापस इस बॉइलिंग वाटर में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो हम 145 नंबर के क्वेश्चन को ढंग से देखें तो मतलब कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें रेन को सिमुलेटेड किया है, तो हम क्या मान सकते हैं कि जो ए नंबर का पार्ट है वो वाला, वो किसको सिमुलेटेड कर रहा है, रेन को, क्योंकि ये कंडेंसर है, यहां से वेपर सी, सी तो बॉइलिंग हो रही है वाटर की, यहां से ये वेपर्स इसमें आ रहे हैं और रेन के थ्रू इसमें हमें कंडेंस होकर के मिल रहे हैं और हमें
फाइनली जो लिक्विड मिलेगा हमें इसको ही चेक करना है। यहीं पर ही हमें जो है हमारे जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन या केमिकल इवोल्यूशन के सॉरी जो केमिकल इवोल्यूशन में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो ही हमें इस वाटर में देखने को मिल सकते हैं। तो सही आंसर 145 में कौन सा चला गया, फर्स्ट ऑप्शन। आगे आ जाओ, फाइलेरियासिस की बात की है तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, बिल्कुल सही है। एफेक्ट्स यूजुअली इन लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ अपर लिम्स, नहीं कहां पे होता है बच्चों, लोअर लिम्स में होता है। फाइलेरियासिस बीमारी कौन सी हो गई, एलिफेंटियासिस, जो किसके कारण होता है, वुकेरिया बानक्रॉफ्टाई। तो सही आंसर कौन सा हो गया 146 में, इनकरेक्ट पूछा था तो देखो सेकंड में ही हमें इनकरेक्ट मिल गया, इसलिए 146 में सही आंसर कौन सा चला गया, सेकंड ऑप्शन। आगे आ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है स्पेसिफिक और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब एंटीजन अनस्पेसिफिसिटी, नहीं हमेशा एंटीजन क्या होगी, स्पेसिफिसिटी होगी। डायवर्सिटी फॉर एंटीजन नहीं, अगर हम लोग देखें डायवर्सिटी की बात करें तो देखो डायवर्सिटी जो है यहां पर एंटीजन के लिए डायवर्सिटी बिल्कुल हो सकती है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो सकती है। मेमोरी बिल्कुल मेमोरी, और प्रतिजन के लिए विभेदन बिल्कुल कर सकती है, यानी बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो 147 में अगर हम लोग बात करें बी सही है, सी सही है, डी सही है, तो कौन सा आंसर मिल गया, सेकंड ऑप्शन हमें क्या मिल जाता है बच्चों, सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नीजर्क रिफ्लेक्स एक्शन जो कोऑर्डिनेटेड किया जाता है, नीजर्क रिफ्लेक्स एक्शन जो किसके द्वारा कोऑर्डिनेटेड किया जाता है, अगर हम 148 की बात करें तो देखो स्पाइनल कॉर्ड में ही हमें नीजर्क रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। सेरेबेलम मेडुला ऑब्लेंटा और ऑप्टिक लोब इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो कहां किसके द्वारा किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। फिर हम बात करें एट विच स्टेट ऑफ एचआईवी इंफेक्शन डज वन यूजुअली शो सिम्टम ऑफ एड्स, किस कंडीशन में जो एड्स के सिम्टम शो करता है। एचआईवी पॉजिटिव होना एड्स होना नहीं है, एचआईवी पॉजिटिव होना एक अलग क्रिया है और एड्स हो जाना एक अलग क्रिया है। विदिन 15 डेज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विदिन इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं। व्हेन द इन्फेक्टिंग रेट्रोवायरस एंटर्स इन द होस्ट सेल्स, नहीं, क्योंकि होस्ट सेल्स में एंटर होती है हम एड्स उसे नहीं कह सकते। जब वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जब भी नहीं कह सकते। जब क्या कह सकते हैं, एचआईवी रेप्लिकेट होने लगता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में, क्योंकि जब पहले एचआईवी आएगा तो मैक्रोफेजेस को निशाना बनाएगा और बाद में किसको बनाएगा, टी लिम्फोसाइट्स को। तो सही आंसर हमें कहां मिल गया बच्चों, सही आंसर हमें मिल गया फोर्थ ऑप्शन में, 149 में क्या हो गया हमारा, फोर्थ ऑप्शन। आगे आ जाओ, देखो इसमें वैक्सीन को हमें लगाना है, एटीन्यूटेड वैक्सीन, इनएक्टिव होल एंटीजन वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, ये डिफरेंट क्या है, टाइप्स हो गए किसके, वैक्सीन के। तो देखो इनका क्या मतलब होता है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आप याद रख के जा सकते हो। एटीन्यूटेड का मतलब हमने क्या किया, थोड़ा सा वीक कर दिया उसको पैथोजन को, और इनएक्टिवेट कर दिया कंप्लीट एंटीजन को, तो वो हो गई इनएक्टिवेटेड। और टॉक्सॉइड में हमने टॉक्सिन दिया, एंटीजन नहीं लिया। सब यूनिट वैक्सीन में हमने कोई उसकी यूनिट दी। तो देखो यहाँ आप इसको याद रख सकते हो 150 के अंदर, इसमें तो जो एटीन्यूटेड है उसमें एटीन्यूटेड का एग्जांपल हो जाता है बीसीजी की वैक्सीन, जो है वो कौन सी कैटेगरी में आती है, एटीन्यूटेड की कैटेगरी में आ जाती है। और फिर हम बात करें इनएक्टिवेटेड होल एंटीजन वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी की वैक्सीन है। टॉक्सॉइड वैक्सीन की हम लोग बात करें तो टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी हो गई, टिटनस की वैक्सीन है। और सब यूनिट वैक्सीन की हम लोग बात करें तो एंटीजन फ्रेगमेंट्स हो गए किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे मैंने कहा था टुकड़ों की। तो डी पर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि ए पर क्या हो जाना चाहिए, सी, बी पर क्या हो जाना चाहिए, बी, और सी पर ए, और डी पर डी। तो ऐसा हमें देखो कहां दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में ही आंसर हमें दे रखा है। 150 में सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो इसी के साथ बच्चों हमने सॉल्यूशन किया, आपको जो जो क्वेश्चंस में डाउट थे आपने उन क्वेश्चंस को देख लिया अच्छे से। अब बिल्कुल आज हमारा लास्ट दंगल था, सीएलसी ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल कराया, जिससे बाकी उन बच्चों को भी फायदा हुआ जो सीएलसी से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हुए। अब आपकी बारी है और अब आपको परफॉर्म करना है, तो अपने आप को ठंडा रखते हुए, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हुए, अपनी पूरी एनर्जी को एक पॉइंट पे फोकस करते हुए 16वां दंगल
आपके भरोसे और आपके उस 16वें दंगल के इंतजार में आपकी अपनी सीएलसी शाम को, और जब वो रिजल्ट आए, जब हम नंबर मैच करें, तो एक नया इतिहास हम लिखेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, हमारी टीम को पूरी भरोसा, टीम को पूरा भरोसा है। तो बच्चों, बहुत सारा बेस्ट विशेज आप लोगों को, बहुत अच्छा आपका एग्जाम हो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम फोकस रहना है और सब अच्छा होगा, ठीक है, थैंक यू। हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? तो अपने पास में सीएलसी के द्वारा चलाएगी दंगल सीरीज का आज लास्ट टेस्ट है। जैसा कि बॉस बोलते हैं कि अपने पास में 15 दंगल यहाँ पर आपने किए हैं और 16वां दंगल आप नीट के साथ में करोगे, तो आपकी अपनी सीएलसी का लास्ट 15वां दंगल अपने पास में आज खत्म हो रहा है और आपको नीट के लिए बेस्ट विशेज के साथ में अपने पास में 16वें दंगल को आपको करना है। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन करके आए होंगे और आज के दंगल में भी आप सब ने बेहतरीन प्रदर्शन किया होगा। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज कॉमन डीएनए एंड आरएनए? डीएनए और आरएनए में कौन सा गुण समान है? एबिलिटी टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल सही बात है बच्चों, क्योंकि कुछ वायरसेस जो होते हैं उनके अंदर अपने पास में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आरएनए, जबकि अपने पास में अधिकतर में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए। तो दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क कर सकते हैं। दूसरा, रेट ऑफ म्यूटेशन, आपको पता है डीएनए में अपने पास में कम होती है, आरएनए में क्या होती है? ज्यादा होती है, तो ये अपने पास में रॉन्ग हो गया। एबिलिटी ऑफ रिपेयर इटसेल्फ, दोनों का बहुत अंतर होता है अपने आप को रिपेयर करने के लिए। जब अपने पास में म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसका मतलब खुद को रिपेयरिंग पावर कम होती है, ठीक है। एबिलिटी ऑफ डायरेक्टली फॉर्म प्रोटीन, ये आरएनए के पास में होती है, डीएनए डायरेक्टली अपने पास में प्रोटीन का फॉर्मेशन कभी भी नहीं करता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए पर ट्रांसफर करेगा, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपने पास में हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिएगा, एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन आरएनए प्ले, भाई अपने पास में आर आर एन ए क्या प्ले करता है? आपको पता है बच्चों, तीन आर एन ए होते हैं, आर आर एन ए, टी आर एन ए, एम आर एन ए, सब अपना अपना काम करते हैं। एडेप्टर का रोल प्ले करता है टी आर एन ए, ठीक है, स्ट्रक्चरल का रोल अपने पास में प्ले करता है एम आर एन ए, और अगर हम कैटलिस्ट की बात करें तो ये आर आर एन ए पर अपने पास में रोल प्ले करता है, और स्ट्रक्चरर का अपने पास में फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चरर का करता है वो अपने पास में कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम अपने पास में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, तो इसके अंदर कौन सा आरएनए होता है? आर आरएनए होता है, ठीक है। तो अपने पास में और स्ट्रक्चरल और कैटलिस्ट का अपने पास में रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जानते हो बेटा उत्प्रेरकी में राइबोजाइम जो एंजाइम होता है, राइबोजाइम एंजाइम में अपने पास में 23 एस आर आर एन ए अपने पास में प्रेजेंट होता है, जो कैटालिस्ट की तरह क्या करता है? वर्क करता है, ठीक है। तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्टेडिन लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इट्स फंक्शनिंग इज बेस्ड ऑन, स्टेडिन रक्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, ये क्या करता है? स्टेटिन जो होता है बच्चों, स्टेटिन क्या करता है? अपने पास में जो एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला, कोलेसिस्टोकाइनेज, तो कोलेसिस्टोकाइनेज के लिए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर वो होते हैं बेटा जो अपने पास में एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए अपने पास में कंपिटिशन करते हैं। कहां पर जुड़ने के लिए? एंजाइम की एक्टिव साइट पर जुड़ने के लिए कंपिटिशन करते हैं, वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। तो ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है एंजाइम का, कंपिटिशन करेगा, अगर ये जुड़ गया तो अपने पास में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और ये नहीं जुड़ा तो अपने पास में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब कोशिश ये करता है कि ये जुड़ दे, अब अपने पास में ये जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा और अपने पास में रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की, और जब कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की रेट कम हो जाएगी तो बच्चों ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ए नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रोब एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड, वैसे तो बच्चों एजोला के अंदर एजोला पिनोटी होती है जो अपने पास में एनाबिना ग्रुप के अंदर आती है,
ये बीजीए है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी और अपने पास में क्या करेगी, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देगी। और बच्चों अगर नाइट्रोजन का अमाउंट सोइल के अंदर बढ़ गया तो अपने पास में राइस फील्ड की जो अपने पास में पैदावार है, यील्ड है, वो बढ़ जाएगी। इसलिए ही चावल के खेतों में पानी भरा जाता है, क्योंकि बेटा एनाबीना और ये बीजीए जो होती है ये अपने पास में किसके अंदर होती है, एजोला के अंदर। और एजोला आपको पता है एक टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइट अपने पास में कहाँ उगते हैं बेटा, वाटर के अंदर उगते हैं, इसलिए चावल के खेतों में पानी भर करके रखा जाता है। क्लियर है भाई? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 155, क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट ऑफ ए रेस्ट्रिकेशन एंडोन्यूक्लियस विद इन द वेक्टर विल कॉम्प्लिकेटेड द जीन क्लोनिंग। बच्चों अपने पास में कह रहा है कि किसी संवाद के अंदर अपने पास में एक रेस्ट्रिकेशन साइट की, एक एंजाइम की एक से ज्यादा रेस्ट्रिकेशन साइट है, तो क्या होगा बच्चों, वो एंजाइम इसको यहां से भी काट देगा, यहां से भी काट देगा, और यहां से भी काट देगा। मान लो किसी एंजाइम की तीन रेस्ट्रिकेशन साइट है, तो इसके अपने पास में क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, और टुकड़े हो जाएंगे तो अपने पास में प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओ आर आई साइट ऑफ द वेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, ठीक है। अपने पास में लिंक्ड डीएनए की कॉपी को करने के लिए अपने पास में क्या है, उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ORI अपने पास में प्लाज्मिड की कॉपी के लिए अपने पास में उत्तरदायी होती है, और प्लाज्मिड से ही अपने पास में कौन जुड़ा होता है, लिंक्ड डीएनए। तो आंसर अपने पास में बोथ ट्रू चला जाएगा। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस, प्रथम ट्रांसजेनिक जो काउ थी रोजी वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी। तो बेटा ट्रांसजेनिक काउ रोजी उन बच्चों के लिए बनाई गई थी जिनकी माताएं अपने पास में जन्म देते वक्त मर जाती हैं, या किसी कारणवश उनमें मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, तो ऐसा अपने पास में जीन डाला गया जो ह्यूमन मिल्क का प्रोडक्शन करे, और वो था अपने पास में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। तो दैट मीन्स बच्चों अपने पास में आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, निम्न में से कितने कथन सत्य हैं, ठीक है। बायोवार इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स अगेंस्ट ह्यूमन एंड देयर क्रॉप्स एंड एनिमल, ठीक है। जैविक हथियारों का उपयोग मानव व उसकी फसल पशुओं के विरुद्ध करना जैव युद्ध कहलाता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बायो वेपन्स अपने पास में सबसे खतरनाक वेपन्स है, इनको आप एक बार फैल गए तो रोक नहीं सकते। जैसे कई बार बोला भी जाता है कि कोरोना जो है वो अपने पास में ह्यूमन मेड वायरस है, तो इसका मतलब वो बायो वेपन की तरह यूज किया गया। मान लो कि चाइना ने उसको बायो वेपन की तरह यूज किया, तो अब चाइना थोड़ी ना उससे बच सका, वो भी उसके चपेट में आया, ठीक है बच्चों। तो बायो आर सबसे खतरनाक वार है, तो ये बात सही है। बायोपायरेसी इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायो रिसोर्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स फॉर कमर्शियल बेनिफिट, ठीक है। व्यापारिक मुनाफे के लिए अनाधिकारित रूप से जैव संसाधन एवं परंपरागत ज्ञान का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में, बायोपेटेंट इज एक्सप्लोटेशन ऑफ बायो रिसर्च ऑफ अदर नेशनल विदाउट प्रॉपर ऑथराइज, नहीं, बायोपेटेंट आपको क्या करता है बेटा, ऑथराइज करता है कि आप ही उसका यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड हमारे पास में सही है, बाकी गलत है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट इज ए नोट ऑफ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, आपसे पूछा गया है कि कौन सा फिजियोलॉजिकल कार्यात्मक अनुकूलन नहीं है। देखो बच्चों, आप क्या नाम है, इकोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पर क्रियात्मक और अपने पास में मॉर्फोलॉजी और शारीरिक एडेप्टेशन आते हैं, ठीक है। कार्य की शारीरिक अपने पास में ऐसे एडेप्टेशन आते हैं। तो आपको पता है कि कंगारू चूहा जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए आंतरिक वसा के ऑक्सीकरण की क्षमता रखता है, वसा का ऑक्सीकरण करता है, तो इससे दो चीजें प्राप्त होती है बेटा, एक तो एनर्जी और साथ में H2O, और जो ये H2O प्राप्त होता है उसको अपनी उपापचय क्रियाओं में काम ले सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, और ये कार्य की एडेप्टेशन हो गया। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन इन फिश टू टॉलरेट कोल्ड, बिल्कुल सही बात है।
जब कोल्ड रीजन की फिश होती है उनके अंदर क्या होता है बेटा, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होती है। ये कोई कोल्ड रीजन की फिश है तो ये कोल्ड रीजन में जाती है तो ये एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, जिसके कारण से इसका साइटोप्लाज्म अपने पास में जमता नहीं है और ये जिंदी रहती है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्रोलिन एंड सॉर्बिटॉल इन द सेल ऑफ हाई टेम्परेचर एरियाज प्लांट, ये बिल्कुल सही बात है। प्रोलिन और सॉर्बिटॉल जो है बेटा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में भी काम आते हैं और अपने पास में हाई लवणता वाले एरिया में भी ये एडप्टेशन डेवलप करते हैं। फोर्थ आंसर है डिक्रीज हार्ट पल्सेशन ऑन हाई एल्टीट्यूड, तो हाई एल्टीट्यूड पर हार्ट पल्सेशन को इंक्रीज किया जाता है बच्चों, डिक्रीज नहीं किया जाता है, वहां पर अपने पास में इनको क्या किया जाता है बढ़ाया जाता है, और ये बढ़ जाती है तो अपने पास में रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगी और सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर अपने पास में क्या हो गया बेटा, 4 हो गया, जो कि अपने पास में रॉन्ग है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। 159 क्वेश्चन आपको डाइवर्सिटी से दिया गया है और कहा गया है इन द डायग्राम गिवन अबाउ सम ऑफ द एल्गी हैव बीन लेबल्ड एज ए बी सी, दीज सेल्स दीज एल्गी आर रेस्पेक्टिवली करेक्टली आइडेंटिफाइड, उपरोक्त चित्रों में से कुछ सवालों को ए बी सी से अंकित किया गया है, किस विकल्प में इन सवालों को सही पहचाना गया है। तो देखो बच्चों ये वोल्वैक्स है, आपको ये डायग्राम याद ही रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोल्वैक्स पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया के बाद में ये है जो अपने पास में क्या हो जाएगी लेमिनेरिया। ठीक है, तो अपने पास में आंसर क्या हो गया 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपने पास में कहा गया है कि द एस्टिवेशन इन पेटल्स ऑफ केसिया एंड कैलेट्रोपस प्लांट आर रेस्पेक्टिवली, केसिया और कैलेट्रोपस में अपने पास में एस्टिवेशन पूछा गया है। तो केसिया जो है, केसिया और गुलमोहर जो है बेटा उसके अंदर अपने पास में कौन सा होता है इम्ब्रिकेट होता है। ठीक है, तो अपने पास में कौन सा होता है इम्ब्रिकेट, अब आपको इम्ब्रिकेट इसके अंदर छाटना है। तो देखिए बच्चों अपने पास में केसिया गुलमोहर में अपने पास में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, और आपको पता है बेटा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की खास बात क्या है, वन इज कंप्लीटली इन एंड वन इज कंप्लीटली आउट। ठीक है, एक अपने पास में सब में कंप्लीटली इन होता है और एक अपने पास में कंप्लीटली आउट होता है, तो केसिया में सी हो गया। अब कैलेट्रोपस की बात करें तो इसमें वोल्वेट अपने पास में क्या है एस्टिवेशन है, और वोल्वेट एस्टिवेशन की बात करें तो बच्चों वोल्वेट एस्टिवेशन में सभी के कॉर्नर एक दूसरे को क्या करते हैं अटैच करते हैं, तो अपने पास में वो हो गया वोल्वेट, तो ये हो गया ए। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए एंड सी फर्स्ट आंसर। अब प्यारे बच्चों एक बस ये देख लो, इसको ट्विस्ट बोलते हैं, ट्विस्ट में एक कॉर्नर अपने आगे वाले से नीचे दबा हुआ होता है तो ये ट्विस्ट है, और वैक्सिलरी तो अपने आप में एक अलग ही एक्सटिवेशन है, तो ये एस्टिवेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन अपने पास में आ सकता है। क्लियर है भाई, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है रिकॉग्नाइज द फिंगर ऑफ एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग, दिए गए चित्र को पहचानिए, सही सुमेलित को अपने पास में चयन कीजिए। देखो बेटा खिला हुआ जो होता है वो अपने पास में क्या होती है मादा फीमेल, और मुरझाया हुआ होता है वो अपने पास में क्या होता है बेटा नर मेल। ठीक है, तो अब जो फीमेल जिसके ऊपर लगी होती है वो फीमेल को अपन क्या बोलते हैं आर्किगोनिया, तो वो आर्किगोनियोफोर, और जिसके ऊपर मेल लगा हुआ होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों एंथ्रीडियोफोर। आंसर अपने पास में सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर ए एंड ए अकर ड्यूरिंग, क्योंकि बच्चों देखो आप जानते हो कि मेंडेलियन फैक्टर है वो किसके ऊपर रहेंगे भाई, अपने पास में ये ए है और ये अपने पास में यहाँ भी ए होगा, ये क्रोमोसोम और अपने पास में यहाँ स्मॉल ए है यहाँ स्मॉल ए होगा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर अपने पास में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है भाई, आपको पता है कि अपने अंदर एक क्रोमोसोम मेल से आता है एक क्रोमोसोम फीमेल से आता है, तो मेल वाले पे मान लो कैपिटल ए है फीमेल वाले पे स्मॉल ए है, आपके अंदर क्या हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए। अब बच्चों कब मेल और फीमेल वाले क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो
तो सिंपल सी बात है, ये सेपरेट कब होंगे, जब अपने पास में कौन सी स्टेज आएगी, एनाफेज फर्स्ट, जहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि ये एंजाइम होता है यहां पर आकर के जुड़ेगा सबस्ट्रेट, लेकिन अपने पास में जो इनहिबिटर होता है जिसे सबस्ट्रेट एनालॉग बोलेंगे, वो यहां पर जुड़ने के लिए क्या करता है, कंपिटिशन। अगर वो यहां पर जुड़ जाएगा तो अपने पास में वो इससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा और इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब ये यहां पर कौन सा जुड़ेगा वो अपने पास में किस पर डिपेंड करता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर। मान लो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सबस्ट्रेट जुड़ेगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये जुड़ेगा। तो इनहिबिटर रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दीज आर कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिशन टू ऑक्यूपाई एक्टिव साइट, बिल्कुल सही बात है, एक्टिव साइट से जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। और अपने पास में बाइंडिंग ऑफ द इनहिबिटर टू एक्टिव साइट एंड डिक्लाइन द एंजाइम एक्शन, बिल्कुल सही बात है, एंजाइम का एक्शन भी कम होता है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों, तो पोटेटो ब्रिंजल लॉयन लियोपार्ड एंड टाइगर अबाउ द गिवन ऑर्गेनिज्म रिलेटेड विद हाउ मेनी स्पीसीज एंड जेनेरा रेस्पेक्टिवली। आपसे कहा गया है, देखो पोटेटो और ब्रिंजल है ये सोलेनम अपने पास में जेनेरा से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। लियोपार्ड पैंथ्रा टाइगर जो है ये किससे करते हैं, बिलोंग पैंथ्रा से, तो इसका मतलब टू जीनस हो गए। और स्पीसीज तो आपको पता है जितने नाम लिखे होंगे उतनी ही क्या होंगी, स्पीसीज होगी, पांच स्पीसीज दो जीनस। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिट्रस कैंकर इज ए, सिट्रस कैंकर आपको पता है क्या है, सिट्रस कैंकर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है अपने पास में। नेक्स्ट है एसोसिएशन बिटवीन माइकोबायोंट, माइको अपने पास में बायोंट का मतलब क्या हो गया, फंजाई, और फाइकोबायोंट का मतलब क्या हो गया बेटा, एल्गी। तो फंजाई और एल्गी का रिलेशन किसमें होता है, लाइकेन में, आंसर हो गया लाइकेन। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट अपने पास में क्या कह रहा है बच्चों, एंडोस्पर्म सेल ऑफ पाइनस हैज 15 क्रोमोसोम। आपको पता है कि पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है, तो एन बराबर 15 है और लीफ जो है वो स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 30, ठीक है। तो लीफ के अंदर 2n हो जाएगा क्योंकि स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन ग्रासेज एंड रिजर्नेट द पार्ट रिमूव बाय द ग्राजिंग हर्बिवेरस, एनसीईआरटी की लाइन है, अंतर्विश्वी विभाजक इंटरकैलरी मेरिस्टम खाए गए पुनर्भाग को जीवित करने का काम करता है। नेक्स्ट है स्प्रिंग वुड, देखो बच्चों आपको पता है कि वुड जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक अपने पास में हार्ड वुड होती है, एक स्प्रिंग वुड होती है। स्प्रिंग वुड जब बनती है, जब अपने पास में स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन अपने पास में उसमें बनेगी तो इसमें कैम्बियम जो होती है वो अपने पास में मोर एक्टिव होती है और ज्यादा मात्रा में अपने पास में जाइलम का अपने पास में फॉर्मेशन करती है। आपको ज्यादा काम दिया जाएगा तो आप किस तरह से करोगे, उसकी क्वालिटी अपने पास में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अपने पास में वही कंडीशन यहां पर होती है कि कलर क्या हो जाता है, लाइटर हो जाता है और डेंसिटी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, ठीक है भाई। ज्यादा काम करेगा तो एफिशिएंसी एकदम से गिरनी है तो सब चीजें लोअर हो जाएंगी, और अगर अपने पास में काम कम करेगा तो अपने पास में सब चीजें हायर हो जाएंगी, वो हार्टवुड के टाइम पर होता है। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल में क्या एब्सेंट होता है, तो आपको पता है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हमेशा ही आता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच ऑर्गेनलीज इन द फिंगर विद इट्स फंक्शन, ये क्या है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी किसका फॉर्मेशन करती है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि अपने पास में क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है, और ये ही सेल के आधार कार्ड है, सेल से इसी से पहचान होती है, तो अपने पास में किसका फॉर्मेशन करती है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए एब्सेंट इन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस में अनुपस्थित होता है? आपको पता है बेटा प्रियोन जो है ये प्रोटीन से बने हुए इन्फेक्शियस मैटर है, ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो इनमें डीएनए का नामो निशान तक नहीं होता है। तो अपने पास में इसके बाद में लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको क्या करना है ये देखना है कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। एम फेज के बारे में पूछा गया है तो आपको इंटरफेज नहीं लगाना है, इंटरफेज तो एम फेज की फेज थोड़ी है, वो तो माइटोसिस की कंप्लीट है, ये एम फेज जो है माइटोसिस फेज है, वो कंप्लीट फेज में आती है। तो अपने पास में यहां पर कौन हो जाएगा बेटा, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज हो जाएगी एम प्रावस्था की, जो ड्रामामेटिक प्रावस्था है कैरियोकाइनेसिस की अपने पास में जो है, कैरियोकाइनेसिस जिसे एम फेज बोलते हैं अपन, और उसका अपने पास में प्रोफेज क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट स्टेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों, तो द नंबर ऑफ बाइवेलेंट आर 8 इन मेटाफेज फर्स्ट, बाइवेलेंट ये ठीक है, देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। बच्चों आपको पता है कि अपने पास में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो अपने पास में क्या होगा, यहां पर अपने पास में मान लो कि क्रोमोसोम का नंबर मियोसिस फर्स्ट के बाद में 8 होगा, मेटाफेज में जितने बायवेलेंट है, और यहां पर भी अपने पास में क्या होगा 8 होगा, क्योंकि भाई अपने पास में देखो बायवेलेंट का मतलब एक जैसे दो, बायवेलेंट का मतलब क्या होता है एक जैसे दो, और टेट्राइड का मतलब उन दोनों की चार आर्म्स। तो अब ये क्या होता है कि एनाफेज में ये अपने पास बायवेलेंट का नंबर 8 है, तो इसका मतलब आपके पास में 16 क्रोमोसोम है, बायवेलेंट का नंबर 8 है इसका मतलब आपके पास में टोटल कितना क्रोमोसोम है 16। अब जैसे ही एनाफेज फर्स्ट आएगी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे, तो वहां पर 8 हो जाएंगे, और बाकी एनाफेज सेकंड जो है मियोसिस वो तो माइटोसिस है, तो वहां पर भी कितने प्रेजेंट होंगे 8, तो टोटल 8 and 8 प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो अब आगे की बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड, तो बच्चों अपने पास में संतृप्त और असंतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं, तो संतृप्त वसीय अम्ल में अपने पास में क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, और उसमें नहीं होगा पाल्मेटिक एसिड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपसे पूछा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब क्या होना चाहिए, राइबोस सुगर नाइट्रोजन बेस पेयर प्लस फॉस्फेट, ठीक है, तो राइबोस सुगर नाइट्रोजन बेस पेयर प्लस फॉस्फेट थर्ड आंसर में आपको मिल रहा है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन सा कोएंजाइम नहीं है, ठीक है, तो बेटा पेप्सिन तो खुद ही अपने आप में एक एंजाइम है जो अपने स्टोमक के अंदर रिलीज होता है, तो वो कोएंजाइम नहीं है, बाकी सारे क्या है कोएंजाइम है, तो आंसर अपने पास में फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इनकरेक्ट मैच, अपने पास में पेयर आपको हटाना है इनकरेक्ट मैच को, तो इनकरेक्ट मैच में देख लीजिएगा, रूबिस्को को मैग्नीशियम एक्टिव करता है, बिल्कुल सही बात है, एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनोज को जिंक करता है, पीईपी को मोलिब्डेनम कभी नहीं करता, पेपकेज को भी अपने पास में मैग्नीशियम ही एक्टिवेट करता है, एफई जो होता है वो कैटालेज का काम करता ही है, अपने पास में कैटालेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन गिव राइज टू, भाई एक NADH2 का आपको क्या करना है एनारोबिक रेस्पिरेशन करना है, तो बच्चों ये तो हाइड्रोजन डोनर की तरह अपने पास में क्या हो जाता है खर्च हो जाता है, और इससे हमें कोई ATP प्राप्त नहीं होता है। NADH2 होता है वो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड से, तो वहां पर अपने पास में ये हाइड्रोजन डोनर की तरह खर्च हो जाता है, तो इससे 0 ATP का अपने पास में फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्रोथ दे रखी है बच्चों, ये ग्रोथ का डायग्राम है, एक सेल दो सेल डिवाइड हुई अपने पास में, एक परमानेंट वाली एक मेरिस्टेम, एक परमानेंट एक मेरिस्टेम, तो इस प्रकार की ग्रोथ होती है, इसे अपन बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ, और डी वाली भी अपने पास में क्या है अर्थमेटिक ग्रोथ, और सी और बी अपने पास में क्या है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, जिसमें हर सेल डिवाइड हो रही है और नई सेल बना रही है 2, 4, 4 से 16, तो अपने पास में वो ग्रोथ होती है वो क्या होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ, आंसर अपने पास में हो जाएगा बच्चों 4, ये NCERT का डायग्राम है।
नेक्स्ट आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट, कि पश्य निषेचन की घटना है। तो आपको पता है कि निषेचन के पश्चात जायगोट बनता है और जायगोट जो है जायगोट का फॉर्मेशन पहले हो चुका है, जायगोट का डेवलपमेंट होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है एक तो, और दूसरी कंडीशन में अपने पास में क्या होता है निषेचन के पश्चात, पहली कंडीशन तो एम्ब्रियो और दूसरा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज द पार्ट ऑफ अपने पास में आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट अपने पास में 82 आइसोटोप्स यूज्ड टू प्रोवाइडिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए आर। आपको पता है मिशेलसन और स्टाल ने अपने पास में N14 और N15 जो हैवी आइसोटोप था नाइट्रोजन उसका उपयोग किया था किसके अंदर बेटा, किसके अंदर उपयोग किया था उसका बनाने के लिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड को सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में इफ जेनेटिक कोड आर नॉन डिजर्नेट एंड क्वाड्रप्लेट होगा मतलब एक चार का बना हुआ है तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा 4 की पावर 4, तो अपने पास में इसका मतलब क्या हो गया 2 × 2, तो इसको अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा 256। आगे कह रहा है 7 कोडोन आर नॉन सेंस कोडोन ऐसे होते हैं बेटा जो प्रोटीन का अपने पास में सिंथेसिस नहीं करते हैं, तो नॉन सेंस कोडोन देन हाउ मैनी एमिनो एसिड्स विल बी रिप्रेजेंटेड फॉर्म दिस जेनेटिक कोडन, तो आपको 7 इसमें से माइनस कर देना है तो 249 अपने पास में क्या हो सकते हैं कोडोन इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अपन 61 कोडोन बोलते हैं ना, 64 टोटल बनते हैं तो 61 बोलते हैं, तो वो तीन क्या है नॉनसेंस, तो वैसे ही यहां पर अपने पास में ये हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, 7 दे दिया यहां पर तो 7 माइनस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विस्की ब्रांडी वाइन रम बियर हाउ मैनी बेवरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलाइजेशन, आपको डिस्टिलाइजेशन से कितनी बेवरेज को प्रोड्यूस करते हैं, तो बियर को हटा दो और अपने पास में किसको हटा दो बेटा वाइन को हटा दो। ठीक है, तो बियर और वाइन जो होते हैं ये अपने पास में विदाउट डिस्टिलाइजेशन प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो 3 हो गए जो अपने पास में डिस्टिलाइजेशन से प्रोड्यूस्ड होते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जैव विविधता को नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है, तो आपको पता है बच्चों क्या है अपने पास में प्राकृतिक आवासों का अपने पास में विनाश, नेचुरल हैबिटेट का क्या होना लॉस होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों अपने पास में पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में आपको कोई भी कितने क्वेश्चन करने हैं, कोई भी अपने पास में 10 क्वेश्चन करने हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर डेंसर ड्यू टू, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट घनिष्ठ क्यों है, क्योंकि तापमान अधिक है और अत्यधिक वर्षा है, तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा। बच्चों जब तापमान अधिक वर्षा अधिक होती है तो उमस होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास में ये हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट अपने पास में आएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय विच इक्वेशन, तो dN बाय dt बराबर rN k माइनस n अपॉन में k, ये पोषण क्षमता हो गई, कितनी पोषण क्षमता प्रोवाइड करवाएगा तो उसके आधार पर तो फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बच्चों देख लीजिएगा, tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the codon of mRNA. बिल्कुल सही बात है, tRNA के पास एक एंटीकोडोन लूप होता है जो कोडोन का पूर्वक को पहचानता है। tRNA has amino acid adapter end, बिल्कुल सही बात है, 5' end पर amino acid को adapt करता है। tRNA are specific for each amino acid, बिल्कुल सही बात है, 61 amino acid और 20 एमिनो एसिड के लिए अपने पास में 20 टाइप के क्या होते हैं टीआरएनए होते हैं। फॉर इनिशिएशन देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एन इनिशिएटर टीआरएनए, सही बात है भाई, प्रारंभन के लिए अपने पास में जो टीआरएनए होता है वो विशेष टीआरएनए होता है,
जैसे अपने पास में क्या होता है एयूजी प्रारंभिक कोडोन होता है, तो यही टीआरएनए जो एन फॉर्मिल मिथियोनिन को अपने पास में कोड करता है वही स्टार्ट करेगा। इसके बाद क्या है अपने पास में कह रहा है फॉर टर्मिनेशन दी देयर इज स्पेसिफिक टीआरएनए दैट इज रेफर्ड टू एज टर्मिनेटर टीआरएनए। भाई टर्मिनेटर टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है भाई, नॉनसेंस कोडोन जो होते हैं उनका टीआरएनए नहीं होता है, तो टीआरएनए नहीं होगा तो अपने पास में वो अपने आप रुक जाएगा, तो टर्मिनेशन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 89 स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय, स्विस चीज किसकी सहायता से प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोपेनियो बैक्टीरियम अपने पास में सार्मेनाई इसको प्रोड्यूस करता है, इसमें बड़े बड़े पोर होते हैं, तो ये हो गया। अब इसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है विच बैक्टीरिया आर यूटिलाइज इन गोबर गैस प्लांट, तो आपको पता है बच्चों मैथेनोजेंस जो होते हैं मैथेन प्रोड्यूस करते हैं और इन्हें हम गोबर गैस प्लांट में अच्छे से यूज करते हैं, ठीक है, तो अपने पास में ये। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने पास में व्हाट इज द हिडन हैंगर, हिडन हैंगर का मतलब क्या है बेटा छिपी भूख। जब लोग अपने पास में सूक्ष्म पोषकों प्रोटीन और विटामिन की कमी से जूझते हैं तो वो अपने पास में क्या कहलाती है बेटा छिपी भूख कहलाती है, तो अपने पास में फर्स्ट आंसर हो जाएगा भाई कार्बोहाइड्रेट की तो कोई कमी नहीं होती है तो वो तो फिर तो अगर ये मेजर प्रोडक्ट है। सेकंड ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट इन मेजर प्रोडक्ट की कमी हो गई तो फिर तो भूख ही हो गई ना, तो छिपी भूख कैसे हो सकती है, तो अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में निकल करके आता है वो आता है करेक्ट स्टेटमेंट आर, करेक्ट स्टेटमेंट आपको छाटना है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन ऑफ हेटरोट्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है बेटा जीपीपी सबसे पहले बनती है उसमें से प्लांट रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म में खर्च करके जो बचाता है वो क्या कहलाती है एनपीपी, एनपीपी को खाता है वो हेटरोट्रॉप्स होता है, हेटरोट्रॉप्स एनपीपी को खा करके जो बचाएगा वो अपने पास में क्या कहलाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अपने पास में फिर टर्शियरी कंज्यूमर वगैरह खाएंगे, तो देखिएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर इन हेटरोट्रॉप्स, बिल्कुल सही बात है दोनों बातें सही है। समुद्र का एनपीपी स्तर से अधिक होता है, नहीं भाई 170 बिलियन टन टोटल होता है जिसमें से 55 समुद्र का है बाकी स्थल का ही है। ध्रुवीय प्रदेशों में उत्पादकता अधिक होती है, नहीं अपने पास में उष्ण कटिबंधीय जो अपने पास में क्षेत्र होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उनकी उत्पादकता अधिक होती है, तो आंसर अपने पास में ए और बी सही है थर्ड आंसर हो जाएगा। तो देखिए बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, पहला है जैव विविधता की कमी में निम्न में से किससे संबंधित नहीं है, तो अपने पास में पहला आता है हैबिट लॉस, बिल्कुल ये कमी से संबंधित है, एलियन स्पीसीज लाओगे तो वो अपने पास में तेजी से फैलेगी वो भी मृत्यु करेगी, डिफोरेस्टेशन भी, को एग्जिस्टेंस नहीं है, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है साथ रहना और साथ रहना तो बढ़ाएगा ना भाई जैव विविधता को घटाएगा थोड़ी, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, बिल्कुल सही बात है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। पिलाई एंड फिमरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये नहीं है सीलिया भी इन्वॉल्व होती है, ये तो चिपकाने में इन्वॉल्व होती है तो सीलिया अपने पास में इन्वॉल्व होती है तो ये गलत हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लेजिला का अभाव रखता है, बिल्कुल सही बात है सीलिया फ्लेजिला मूवमेंट में काम करती है, फिमरी पिलाई चिपकाने का काम करती है। माइक्रोप्लाज्मा इज सेल वॉल लेस, अपने पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा बच्चों सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में क्या कहा गया है द बॉडी मूव अलोंग डिक्लाइन विंग्स एंड लीव्स एनवेलप ऑर्गेनिक मेटेरियल एंड स्पोर पासेज ट्रू वॉल, ये अपने पास में स्पोर जो होते हैं उसके अंदर क्या होती है ट्रू वॉल अपने पास में होती है स्पोर के अंदर, तो ऐसा किस में देखने को मिलता है तो आपको पता है ये हमारे पास में अपवंग कवक स्लाइम मोल्ड में देखने को मिलता है क्योंकि स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं बच्चों हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है। विच सिंपल टिश्यू आर करेक्टराइज्ड बाय पिट्स, पिट्स जो है बच्चों वो डेड टिश्यू में है तो
तो अपने पास में कभी भी अपने पास में लिविंग टिश्यू के अंदर पिट्स नहीं होते हैं। कई जगह लिखा हुआ मिल जाता है कि पेरेंकाइमा में पिट्स होते हैं, तो वहां से आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसलिए उसको सही करेक्ट करने के लिए हमने एक क्वेश्चन डाला है। और इसमें लिखा हुआ है कि भाई अपने पास में पिट्स जो होंगे वो डेड टिश्यू में मिलेंगे, तो स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू होता है, कोलेनकाइमा और पेरेंकाइमा लिविंग टिश्यू होता है जिसके अंदर पिट्स नहीं मिलेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास में बात हो गई। तो बेटा अब अपने पास में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या कर रहा है, मेडुलरी रेज आर मेड अप ऑफ, ठीक है, मेडुलरी रेज के बारे में बात कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ में काम आती है, तो ये अपने पास में बनी होती है पेरेंकाइमेटस सेल्स की, ठीक है बेटा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, बिंदु श्रावण किसका रिजल्ट है, मूल दाब का, छोटे पादपों में प्रेशर पड़ता है जिसके कारण से सुबह सुबह ओस की बूंदों के रूप में पानी आ जाता है। इसलिए आपको कई बार कहा भी जाता है कि जो दूब घास होती है उस पर नंगे पैर सुबह चलने से हेल्थ अच्छी होती है, क्योंकि उसमें गटेशन से पानी आता है और उस पानी में मिनरल्स वगैरह बहुत होते हैं, तो वो आपकी बॉडी से काफी उसको फायदा मिलता है, ठीक है। तो अपने पास में नेक्स्ट की बात कर रहे हैं अपन, तो द कॉमन फीचर बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीजन का विमुक्त होना नॉन साइक्लिक का है, NADPH+ का बनना साइक्लिक का आपने नॉन साइक्लिक का है, जल का प्रकाशीय अपघटन नॉन साइक्लिक का है, लेकिन प्रोटॉन प्रवणता बनाने का काम दोनों का होता है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP का फॉर्मेशन होता है, और ATP फॉर्मेशन इज द कॉमन प्रोसेस इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोलीन एंटर इनटू TCA साइकिल, नेट गेन एट द एंड ऑफ द साइकिल इज, ठीक है। आप देखो बेटा TCA साइकिल में हमें तीन NADH2 मिलते हैं और एक क्या मिलता है FADH2 मिलता है और एक क्या मिलता है GTP, ये एक साइकिल में मिलता है। जब एक एसिटाइल कोलिन आता है दो आएंगे तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय टू, आंसर विज थर्ड, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में कुछ नहीं है, तो हमारा कार्यक्रम जो है वो यहीं पर खत्म होता है। तो अपने पास में लास्ट अपने पास में आपकी अपने CLC के द्वारा चलाई गई दंगल सीरीज का लास्ट ये टेस्ट था, अपने पास में खत्म होता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो नीट के लिए, और आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, इसके लिए अपने पास में आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, बच्चों शानदार प्रदर्शन करना। ओके, थैंक यू।